हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के ऊपर बातचीत करने वाले उसका नाम है इंडियाना जॉन्स एंड द डायल ऑफ डेस्टिनी तो ये एक 2023 हजार की अमेरिकन एक्शन एडवेंचर फिल्म है तो इस फिल्म को कैसे कहाँ पे आप ऑफिशियली देख सकोगे उसके ऊपर बातचीत करने वाले हैं इसके अलावा फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्मिंग के ऊपर एक डिटेलिंग मिलेगी फिल्म का एक डीप रिव्यू किया जाएगा जहाँ पे मैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक चर्चा एक्सप्लेनेशन एनालिसिस करके देने वाला हूँ फिल्म की स्टारकाश सपोर्टिंग कास्ट के परफॉर्मेंसिस के बारे में बातचीत करेंगे म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी एक जानकारी मिलने वाली है साथ ही में फिल्म से जुड़े जितने भी जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है अंत तक जरूर बने रहिएगा तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं इंडियाना जोन्स एंड द डायलो ऑफ डेस्टिनी जो 2023 की एक अमेरिकन एक्शन एडवेंचर फिल्म है फिल्म को इंग्लिश के साथ-साथ इंडिया में हिंदी तमिल तेलुगु जैसे लैंग्वेजेस में भी डब करके रिलीज किया हुआ था एक हाई एंड बजट वाली फिल्म थी जिसको करीबन 300 यूएस मिलियन डॉलर में बनाया गया था और इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ था जेम्स मैन ने वहीं पे कहानी को जेज बटरवर्थ जॉन हेनरी बटरवर्थ डेविड कॉप और जेम्स मैंग मैन गोल्ड ने इसको लिखा हुआ था जहां पे स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले इन सभी लोगों ने मिलकर क्रिएट किया हुआ था और जेम्स मैन ने इसको डिरेक्ट किया हुआ था जहाँ पे जॉर्ज लुकास के द्वारा जो कैरेक्टर्स तैयार किए गए फिलिप कॉन बुक के द्वारा इंडियाना जोन्स के उसके ऊपर से इस फिल्म की कहानी को डेवलप किया हुआ था कहानी को स्टोरी को डेवलप किया हुआ था जहाँ पे कैथलिन केनेडी फ्रेंक मार्शल सिमन एमून्यूल एमान्यूअल जिन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था वर्ल्ड डिज्नी पिक्चर्स लुका लुकास फिल्म्स लिमिटेड प्रोडक्शन कंपनीज के नीचे और एक काफ़ी बड़े हाई एंड बजट वाली फिल्म थी करीबन 300 यूएस मिलियन डॉलर जितने बड़े बजट में फिल्म को बनाया हुआ था जिसको वर्ल्ड डिजनी मोशन स्टूडियो मोशन पिक्चर्स वालों ने फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी थे इस कोईल फिल्म को पहले केनेस में प्रीमियर करवाया गया था अट्ठारह मई 2023 को जहाँ पे जो आ, केनेस का एनुअल फिल्म फेस्टिवल होता है वहाँ पे इस फिल्म को प्रीमियर करवाया था उसके कुछ दिनों के बाद बाद में इस फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया था फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से एक मिनट का रन टाइम सेंसर करवाया था यानी कि फिल्म करीबन दो घंटे चौंतीस मिनट लंबी देखने को मिलेगी इसके अलावा इस फिल्म का जो म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट है उसके ऊपर बातचीत करें तो सिनेमाटोग्राफी फेदन पाम हाँ, पापा माइकल ने की हुई है एडिटिंग है वो माइकल मेकर्स मेकर्स एंड्रयू बकलैंड और डर्क वेस्टरवेल ने इस फिल्म की एडिटिंग की हुई जिन्होंने दो घंटे चौंतीस मिनट यानी कि एक सौ मिनट का रन टाइम दिया हुआ है कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो इंडियाना जोन्स के जो कैरेक्टर्स है वही इसमें आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पे हेरिसन फोर्ड जो डॉक्टर हेनरी जोन्स यानी कि इंडियाना जोन्स जूनियर का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे वहीं पे एंथनी इंग्रोबर ने इस फिल्म में यंगर राज, इंडियाना जोन्स का रोल प्ले किया हुआ है फोब वॉलर ब्रिज ने इस फिल्म में हेलेना शो का रोल प्ले किया हुआ है मेट्स मेकेलेसन ने इस फिल्म में जर्गन वॉलर का रोल प्ले किया हुआ है एंटोनी पेंट ने इस फिल्म में रेनाल्डो का रोल प्ले किया हुआ है जॉन डेवियस ने इस फिल्म में सलाह का रोल प्ले किया हुआ है टोबी जॉन्स ने इस फिल्म में बासिल बासिलसो का रोल प्ले किया हुआ है बॉयड हॉलब्रुक ने इस फिल्म में क्लाबर का रोल प्ले किया हुआ है इथाना इजडोरी ने इस फिल्म में टीडी कुमार का रोल प्ले किया है क्रेन एलन इस फिल्म में मेरियन रावन वोड का रोल प्ले किया हुआ है सोनेट रिन विल्सन ने इस फिल्म में एजेंट मैसन का रोल प्ले किया हुआ है थॉमस क्रिस्टमैन ने इस फिल्म में कर्नल वेबर का रोल प्ले किया है ओलिवर रिचर्ड ने इस फिल्म में हॉक का रोल प्ले किया है मार्क किलिन ने इस फिल्म में पोंटिमस का रोल प्ले किया हुआ नजर मेमारजिया ने इस फिल्म में आर्की का रोल प्ले किया हुआ है मार्टिन मैकडोगल ने इस फिल्म में डर्किन का रोल प्ले किया हुआ है अला सफ़ी ने इस फिल्म में अजीज़ राहीम का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा कुछ फोटोग्राफ्स भी दिखाए जाते हैं जहाँ पे अलग अलग कैरेक्टर्स को इस फिल्म में दिखाया हुआ है फोटोग्राफ्स के थ्रू प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो आपको पता ही है कि नाइनटीन में जॉर्ज लुकास और स्टीवन स्पेडबर्ग के द्वारा पेरामाउंट के द्वारा एक डील करके इंडियाना जोन्स नाम की पाँच फिल्में बनाई गई थी जिसको अलग अलग ईयर में बाद में रिलीज किया गया था उसके बाद में इस फिल्म का लंबे समय से एक ब्रेक आया और उसके बाद में इंडियाना जोन से जो 2023 में बनाई गई है टाइल ऑफ डेस्टिनी वाली सीरीज फिल्म को उसका डेवलपमेंट स्टार्ट किया था जो दो हज़ार के बाद स्टार्ट हुआ था स्टोरी आइडिया आया था मेकर्स को उसके बाद में उसके ऊपर कुछ डेवलपमेंट की गई थी जहाँ पे प्री प्रोडक्शन फिल्म को मार्च 2016 से स्टार्ट किया हुआ था डिज्नी वालों ने अनाउंस भी किया था जहाँ पे उनकी पांचवी फिल्म होने वाली जो 19 जुलाई दो को रिलीज़ होगी उसके बाद में इस फिल्म के ऊपर पूरी तरह से फोकस किया गया लेकिन बीच में कोविड आ गया जिसके चलते बाद में उसके बीच में इससे पहले जो कोविड के पहले कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी जिसके चलते इस फिल्म को डिले करना पड़ा उसके बाद में कोविड आ चुका था और फिल्म काफ़ी डिले हो गई उसके बाद में कास्टिंग के ऊपर काम किया गया जहाँ पे फिल्मिंग के ऊपर बाद में लेटर ऑन काम किया गया था जहाँ पे इस फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी वो चार जून 2021 को स्टार्ट की हुई थी जिसको काफ़ी अलग अलग लोकेशंस में शूट किया हुआ था पिनवुड स्टूडियो से इस फिल्म की शूटिंग की शुरुआत की हुई थी काफ़ी सारे अलग अलग शीड्यूल्स के बाद इस फिल्म को पूरी तरह से रेपअप करवाया था जहाँ पे करीबन 26 फरवरी 2022 तक फिल्म को रेपअप करवाया उसके कुछ दिन यानी करीबन 9 दिन 10 दिन के बाद फिल्म की पोस्ट प्रोडक्शन में काम स्टार्ट हुआ था जहाँ पे फिल्म की एडिटिंग ऑलरेडी शूटिंग के वक्त ही स्टार्ट करवा दी थी जिस वजह से जो पोस्ट प्रोडक्शन में टाइम है वो कम लगे और उसके बाद में उन्होंने इस फिल्म के वेफ के ऊपर भी काम किया हुआ था जहाँ पे करीबन तेईस सौ पचास इफेक्ट्स इसमें यूज़ किए हुए तो काफ़ी सारे थे सी भी कुछ यूज किए गए थे तो टोटल ये सभी चीज़ें उसको हैंडल की गई थी और उसके बाद में इस फिल्म को पूरी तरह से तैयार किया गया डी एजिंग के प्रोसेस में भी इस फिल्म को डाला हुआ था क्योंकि इस फिल्म में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स है जिसकी डी एजिंग भी की हुई थी तो ये सभी चीज़ें जो इस फिल्म के सिक्वेंस के लिए यूज़ की गई थी और उसको म्यूज़िक के साथ बाद में मर्ज भी किया गया था म्यूज़िक के ऊपर बातचीत करें तो इसको 28 जून 2022 से 10 फरवरी 2023 तक रिकॉर्ड किया था 29 जून 2023 तक सभी ट्रैक को रिलीज़ किया था जिसके लेबल थे वोल्ड डिज्नी जिन्होंने अपने पास ही राइट्स रखे थे एक घंटे सात मिनट छः सेकंड का एक टोटल अट्ठारह ट्रैक का एक साउंड ट्रैक था जहाँ पर ये सभी ट्रैक को फिल्म में बैकग्राउंड स्कोर की तरह यूज़ किया हुआ था अभी फिलहाल में उनके द्वारा अवेलेबल किया हुआ है तो उसको वीडियो फॉर्मेट में आप सुन सकते हो इस फिल्म की कहानी के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म की कहानी नाइनटीन नाइन में वर्ल्ड वॉर टू जो हुआ था उसके समय सेट की हुई जहां पे हेनरी जॉन्स जूनियर ए के इंडियना जॉन्स जिसका रोल प्ले करे हेरिसन फोर्ड जो नाजिश के द्वारा कैप्चर हुए जहां पे जॉन्स इस सर्च के एक किसी की सर्च के फिराक में जहाँ पे लॉन्गिनस लेंस ऑफ लॉगिनोस की सर्च के फिराक में एक्सीडेंटली उसको एंटीकैथरा मिल जाते जो ऑफ डेस्टिनी के नाम से भी जाने जाते स्टोरी बाद में 1969 में मूव करती है जहाँ पे जर्गन वोलर जो रोल प्ले करे मेट्स मिकलेरसन जो फॉर्मर नाजी थे और एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट हायर करते थे किए थे नासा में तो एंटी का चाहते हैं अपना पास्ट चेंज करना हेलेना सो जिसका रोल प्ले कर रहे फॉय वॉलर ब्रिज जॉन्स कोटक की गोड डॉटर है और जो किस डायलॉग डेस्टिनी का एक पार्ट स्नेच करके भागे हुए लेटर वो बाद में उस को जॉइन कर लेते हैं वो फिल्म के फास्ट सेकंड पार्ट में सभी चीज़ें दिखाई जाती है जर्गन वॉलर जो इन सभी चीज़ों के बाद वो स्नेच के पार्ट को ढूंढने के लिए लगा हुआ है अब आगे क्या होगा क्या वो स्नेच के पार्ट ढूंढ पाएंगे क्या हेलेना हेनरी जोन्स से वो अदर पार्ट ढूंढ पाएंगे उसके बाद में जर्गन वोलर का क्या आगे होने वाला है मूवी ये सभी सवाल के जवाब अनफोल्ड करती है तो वही फ़िल्म की कहानी को पूरी तरह से डेवलप करता है जहाँ पे इस फिल्म की जो कहानी है जो इस फिल्म का जो हो जो कॉन्सेप्ट है जो फिल्म की सीरीज है उससे लोगों को काफी ज्यादा ज्यादा उम्मीदें थी इंडियाना जोन्स डायलॉग डेस्टिनी फिल्म से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी क्योंकि ये सी मूवी सीरीज की लास्ट मूवी है जहाँ पे हेरिसन फॉर्ड इस फिल्म फॉर्ड प्ले इंडियना जोन्स का रोल प्ले करे आखिरी बार जहाँ पे जेम्स मैन डायरेक्ट करने वाले स्टीवन स्पीकबर्ग की जगह तो अस्सी साल के हरिसन फोर्ड जो आइकॉनिक रोल इंडियाना जोन्स के लिए जाने जाते जहाँ पे वो फिर से अपने एक्शन स्टाइल में आए हो, एज यूजुअल, वो जिस तरह से अपना रोल प्ले कर रहे थे वो देखने में काफ़ी डिलाइटफुल नज़र आता है उनको फिर से एक्शन में देखने में आपको मजा आएगा फिल्म के शुरुआत के बीस मिनट जिस तरह से सोकेस के यंगर इंडियाना जोन्स जो दिखाया हुआ है उस फिल्म के बेस्ट पार्ट है जो उनके फैन है या एक्टर के या फिल्म के उनके लिए बेस्ट पार्ट हो सकता है क्योंकि वो सभी चीज़ें बढ़िया तरीके से कंपोज की हुई थी फॉय वॉलर ब्रिज जो इस फिल्म में हेलेना शो का रोल प्ले करे जो ब्यूटी विद ब्रेन वाला किरदार था जहाँ पे वो परफेक्ट वे में अपने रोल के साथ परफॉर्म करती हुई नजर आती है उनको देखने में आपको मज़ा आएगा प्रोटोकॉनिस के साथ जो एक्शन सिकमांस हो करते हुए नजर है वो सभी चीज़ें देखने में काफ़ी बढ़िया थी इसके अलावा पंद्रह से का कुछ और जो लेंथ वाले चेजिंग सीक्वेंस थे पंद्रह से बीस मिनट से ज़्यादा के लेंथ वाले जो चेजिंग सीक्वेंस थे वो अच्छी तरह से विजुलाइज किए गए थे जो ऑडियंस को पूरी तरह से एज एजॉप सीट वाला मोमेंट क्रिएट करके देते हैं कैमरा वर्क बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के लिए काफ़ी बढ़िया तरीके से इम्प्रेसिव था कुछ ये चेजिंग वाले सीन्स थे वहाँ पर खास करके काफ़ी बढ़िया नजर आता है इस फिल्म को जिस तरह से बयालीस सालों की फ्रेंचाइज है और लोगों को उससे उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा थी उसकी एंडिंग जिस तरह से एक्सपेक्ट करते वैसी नहीं होती बेटर हो सकती थी इसके अलावा जो इस फिल्म के लीड एक्टर है उसको बेटर वे में फेयरवेल मिलना चाहिए था अनफॉर्चुनेटली इंडिया जोन्स द डायर ऑफ डेस्टिनी पूरी तरह से ऑडियंस को एंगेज करने में फेल रहती है राइटिंग काफ़ी प्रूवर थी खास करके सेकेंड हाफ में वीक नजर आती है राइटिंग फर्स्ट हाफ में काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग और थ्रिलिंग सीन्स डाले हुए थे जो फिल्म को काफ़ी आ, बढ़िया बनाते हैं सेकेंड हाफ वहाँ पे चीज़ें पूरी तरह से फेल हो जाती है इमोशनल बॉन्ड जो क्रिएट किया हुआ है उसको थोड़ा और बेहतर मैनर में किया जा सकता है हेनरी सो और हेलेना सो के बीच में इसके अलावा इस फिल्म को जिस तरह से बनाया हुआ है जिस तरह से चीज़ें डेवलप की हुई है उसमें कुछ कन्विंसिंग मैनर में दिखाने की कोशिश करते तो और बेहतर रहता चीज़ें थोड़ी और क्रिस्प भी हो सकती थी डायरेक्टर जेम्स मैन उसने कुछ खास तरीके से इस फिल्म को बना नहीं पाए जहाँ पे जिस तरह से उन्होंने कहानी के साथ इस फिल्म को डेवलप किया है। वो फर्स्ट हाफ तक डिसेंट था लेकिन सेकंड हाफ में पूरी तरह से फेल होता है सिनेमेटोग्राफर म्यूजिक कंपोजर ने अपना काम बखूबी निभाया हुआ है इसके अलावा एडिटर ने इस फिल्म को जिस तरह से बनाया उन्होंने अननेसेसरी सीन सिक्स सेकंड से हाफ में काफ़ी सारे डाले हुए उसको चॉप अप किया जा सकता था तो ओवरऑल सिनेमाटोग्राफी म्यूजिक डिपार्टमेंट फिल्म को काफ़ी हद है तक हैंडल करता हुआ नज़र आता है सेकंड हाफ है वो लेंदी रन टाइम की वजह से ऑडियंस का जो मजा है वो किरकिरा करती है स्क्रीन प्ले भी उतना कुछ खास नहीं था खींचा हुआ नजर आता है कुल मिला के इंडिया ने जोस द डायलॉप डेस्टिनी एक्शन एडवेंचर जो फिल्म है वो जो एक्सपेक्टेशन हम करते हैं उसके ऊपर खड़ी नहीं उतरती हेरिसन फोर्ड फाइव बॉलर ब्रिज के द्वारा एक अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर हुई है कहीं कुछ बढ़िया एक्शन सीक्वेंस भी देखने को मिलते हैं लेकिन फिल्म का सेकंड हाफ पूरी तरह से ख़राब निकलता है जिसके चलते हम फिल्म के साथ उतने एंटरटेन नहीं हो पाते जो हार्डकोर इंडियाना जोन्स के फैन है उनकी फ्रेंचाइज के फैन है वो इसको डेफिनेटली देख सकते हैं अदरवाइज दूसरे जो ऑडियंस है उसका कुछ खास कह नहीं सकते कि उनको ये फिल्म किस तरह से कैसे पसंद आएगी या नहीं अगर इस फिल्म को देखना चाहते हो तो इंडिया जोन्स एंड द दा डायल ऑफ डे फिल्म को तो इस फिल्म को पहले तो थिएटर में रिलीज करने से पहले अट्ठारह मई दो को कैनस फिल्म फेस्टिवल में रिलीज़ किया हुआ था और बाद में 30 जून 2023 को यूएस कनाडा इंडिया चाइना पाकिस्तान जैसे लोकेशंस में इस फिल्म को थिएट्रिकली रिलीज़ किया हुआ था फिल्म को रिलीज किया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स काइंड ऑफ मिला और इसी के साथ इस फिल्म ने आई के ऊपर एक लाख अड़तालीस हज़ार वोट हासिल किए जिसमें छः पॉइंट छः की रेटिंग हासिल हुई दस में से जहां पे बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म से जो उम्मीद लगाई थी ठीक उसी तरह इस फिल्म ने ओपनिंग तो ली हुई थी लेकिन लेटर ऑन जिस तरह से इस फिल्म ने अपना जो वर्ड ऑफ माऊथ थे उतना फेवरेबल नहीं रहा जिसके चलते फिल्म उसके बाद उतना कुछ लंबा रन ली नहीं और डे बाय डे गिरती रही जहां पे यूएस कैनेडा से इस फिल्म ने अपने इस फिल्म के लिए करीबन छियालीस सौ थिएटर अब ओपनिंग वीकेंड के लिए बुक किए थे जिसके चलते एक अच्छी रिलीज फिल्म को मिली थी जो इस फिल्म की एक्सपेक्टेशन थी वो काफ़ी बड़ी थी लेकिन पहले एक दो दिन के जो सो रिस्पॉन्स था वो अच्छा था उसके बाद वर्ड ऑफ माउथ के चलते जो वीकेंड है वो डाउन रहा जहाँ पर इस फिल्म ने जो उम्मीद थी उतना कुछ खास कलेक्शन किया नहीं पहले दिन चौबीस यूस मिलियन डॉलर का कलेक्शन था थर्ड डे प्रीव्यू से इस फिल्म ने सात पॉइंट दो यूस मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया वीकेंड का कलेक्शन था इस फिल्म का जिस तरह डेब्यू किया था वरीबन साठ पॉइंट चालीस उलियन डॉलर के साथ डेब्यू किया हुआ था इस फ्रेंचाइज का वैसे देखा जाए तो सेकंड बेस्ट टोटल है अगर जो इन्फ्लेशन है जो एडजस्टमेंट है उस हिसाब से इसके अलावा इस फिल्म को जिस तरह से बनाया गया जिस तरह से खर्चा किया गया था उसके बाद में फिल्म उतना कुछ खास कर ही नहीं बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म को मेन लोकेशंस अमेरिका कनाडा के अलावा 52 अदर कंट्रीज में भी रिलीज किया था जहाँ पे 69.6 यूएस मिलियन डॉलर का ओपनिंग वीकेंड रहा था उसके बाद में इस फिल्म ने एक रन लिया था डिसेंट रन लिया था जहाँ पे 300 सौ मिलियन डॉलर के बजट के सामने तीन सौ मिलियन डॉलर का कलेक्शन करते हुए बॉक्स ऑफिस पे फिल्म एक बिलो एवरेज साबित हुई थी जहाँ पे इस फिल्म के ओ टी टी इंडिया में खरीदे हुए जिन्होंने इस फिल्म के चार के हुए में, हिंदी, तमिल, तीन वर्जन है। फिलाल में इंडिया ना डायल ऑफ दे जो फिल्म है एंड द डायल ऑफ डेस्टिनी दे जो फिल्म है उसको ऑफिशियली देखना चाहते हो तो देख सकते हो डिस्टार के ऊपर इंग्लिश ओरिजिनल लैंग्वेज के साथ हिंदी तेलुगु तमिल डब्ड वर्जन में एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि इंडियाना जोन्स एंड द डायल ऑफ द डेस्टिनी जो फिल्म है उसको अगर आपको ऑफिशियली फिलहाल में देखना है तो देख सकते हो डिजनी प्लस होटस्टार ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन इंग्लिश हिंदी तमिल तेलुगू ये टोटल चार वर्जनस में तो इस तरह से इस फिल्म को ऑफिशियली एन्जॉय कर पाओगे एंड द डायल ऑफ डेस्टिनी जो साथ साथ इंडिया की हिंदी तमिल तेलुगु जैसे करीब यूएस मिलियन डॉलर में बनाया गया था और इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ था जेम्स मैनगोल्ड ने वहीं पे कहानी को जेज बटरवर्थ जॉन हेनरी बटरवर्थ डेविड कॉप और जेम्सोनगोल्ड ने इसको लिखा हुआ था जहां पे स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले इन सभी लोगों ने मिलकर क्रिएट किया हुआ था और जेम्स मेन गोल्ड ने इसको डिरेक्ट किया हुआ था जहां पे जो लुकास के द्वारा जो कैरेक्टर्स तैयार किए गए फिलिप कॉन कॉफ के द्वारा जिंडियाना जोन्स के उसके ऊपर से इस फिल्म की कहानी को डेवलप किया हुआ था कहानी को स्टोरी को डेवलप किया हुआ था जहाँ पे कैथलिन केनेडी फ्रैंक मार्शल सिमन एमून्यूल इमान्यूअल जिन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था वर्ल्ड डिज्नी पिक्चर्स लुका लुकास फिल्म्स लिमिटेड प्रोडक्शन कंपनीज के नीचे और एक काफ़ी बड़े हाई एंड बजट वाली फिल्म थी करीब 300 यूएस मिलियन डॉलर जितने बड़े बजट में फिल्म को बनाया हुआ था जिसको वर्ल्ड डिजनी मोशन मौस, स्टूडियो मोशन पिक्चर्स वालों ने फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी थे इस कोईल फिल्म को पहले केनेस में प्रीमियर करवाया गया था अट्ठारह मई 2023 को जहाँ पे जो आ, केनेस का एनुअल फिल्म फेस्टिवल होता है वहाँ पे इस फिल्म को प्रीमियर करवाया था उसके कुछ दिनों के बाद बाद में इस फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया था फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से एक मिनट का रन टाइम सेंसर करवाया था यानी कि फिल्म करीबन दो घंटे चौंतीस मिनट लंबी देखने को मिलेगी इसके अलावा इस फिल्म का जो म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट है उसके ऊपर बातचीत करें तो सिनेमाटोग्राफी फेदोन हाँ, पापा माइकल ने की हुई है एडिटिंग है वो माइकल मेकर्स मेकर्स एंड्रू बकलैंड और डर्क वेस्टरवेल ने इस फिल्म की एडिटिंग की हुई जिन्होंने दो घंटे चौंतीस मिनट यानी कि एक सौ मिनट का रन टाइम दिया हुआ है कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो इंडियाना जोन्स के जो कैरेक्टर्स है वही इसमें आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पे हेरिसन फोर्ड जो डॉक्टर हेनरी जोन्स यानी कि इंडियाना जोन्स जूनियर का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे वहीं पे एंथनी इंग्रोबर ने इस फिल्म में यंगर इंडियाना जोन्स का रोल प्ले किया हुआ है फोय वॉलर ब्रिज ने इस फिल्म में हेलेना शो का रोल प्ले किया हुआ है मेट्स मेकेलेसन ने इस फिल्म में जर्गन वॉलर का रोल प्ले किया हुआ है एंटोनि पेंट ने इस फिल्म में रेनाल्डो का रोल प्ले किया हुआ है जॉन राइज डेवियस ने इस फिल्म में सलाह का रोल प्ले किया हुआ है टोबी जॉन्स ने इस फिल्म में बासिल बासिल्सो का रोल प्ले किया हुआ है बॉयड हॉलब्रुक ने इस फिल्म में क्लाबर का रोल प्ले किया हुआ है इथाना इजोरी ने इस फिल्म में डेडी कुमार का रोल प्ले किया है क्रेन एलन इस फिल्म में मेरियन रावन वोड का रोल प्ले किया हुआ है सोनेट रीन विल्सन ने इस फिल्म में एजेंट मैसन का रोल प्ले किया हुआ है थॉमस क्रिस्टमैन ने इस फिल्म में कर्नल वेबर का रोल प्ले किया है ओलिवर रिचर्ड सर ने इस फिल्म में हॉक का रोल प्ले किया है मार्क किलिन ने इस फिल्म में पोन्टिमस का रोल प्ले किया हुआ नजर मेमारजिया ने इस फिल्म में आर्की का रोल प्ले किया हुआ है मार्टिन मैकडोगल ने इस फिल्म में डर्किन का रोल प्ले किया हुआ है अला सफ़ी ने इस फिल्म में अजीज राहीम का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा कुछ फोटोग्राफ्स भी दिखाए जाते हैं जहाँ पे अलग अलग कैरेक्टर्स को इस फिल्म में दिखाया हुआ है फोटोग्राफ्स के थ्रू प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो आपको पता ही है कि नाइनटीन में जॉर्ज लुकास और स्टीवन स्पेडबर्ग के द्वारा पेरामाउंट के द्वारा एक डील करके इंडियाना जोन्स नाम की पाँच फिल्में बनाई गई थी जिसको अलग अलग ईयर में बाद में रिलीज किया गया था उसके बाद में इस फिल्म का लंबे समय से एक ब्रेक आया और उसके बाद में इंडियना जोन से जो 2023 में बनाई गई है टायल ऑफ डेस्टिनी वाली सीरीज फिल्म को उसका डेवलपमेंट स्टार्ट किया था जो दो हज़ार के बाद स्टार्ट हुआ था स्टोरी आइडिया आया था मेकर्स को उसके बाद में उसके ऊपर कुछ डेवलपमेंट की गई थी जहाँ पे प्री प्रोडक्शन फिल्म को मार्च 2016 से स्टार्ट किया हुआ था डिज्नी वालों ने अनाउंस भी किया था जहाँ पे उनकी पाँचवीं फिल्म होने वाली जो 19 जुलाई 2019 को रिलीज़ होगी उसके बाद में इस फिल्म के ऊपर पूरी तरह से फोकस किया गया लेकिन बीच में कोविड आ गया जिसके चलते बाद में उसके बीच में इससे पहले जो कोविड के पहले कुछ ऐसी चीजें हुई थी जिसके चलते इस फिल्म को डिले करना पड़ा उसके बाद में कोविड आ चुका था और फिल्म काफी डिले हो गई उसके बाद में कास्टिंग के ऊपर काम किया गया जहाँ पे फिल्मिंग के ऊपर बाद में लेटर ऑन काम किया गया था जहाँ पे इस फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी है, वो चार जून 2021 को स्टार्ट की हुई थी जिसको काफी अलग अलग लोकेशंस में शूट किया हुआ था पिन स्टूडियो से इस फिल्म की शूटिंग की शुरुआत की हुई थी काफी सारे अलग अलग शेड्यूल्स के बाद इस फिल्म को पूरी तरह से रेपअप करवाया था जहाँ पे करीबन 26 फरवरी 2022 तक फिल्म को रेपअप करवाया उसके कुछ दिन यानी करीबन 9 दिन 10 दिन के बाद फिल्म की पोस्ट प्रोडक्शन में काम स्टार्ट हुआ था जहाँ पे फिल्म की एडिटिंग ऑलरेडी शूटिंग के वक्त ही स्टार्ट करवा दी थी जिस वजह से जो पोस्ट प्रोडक्शन में टाइम है वो कम लगे और उसके बाद में उन्होंने इस फिल्म के वी के ऊपर भी काम किया हुआ था जहाँ पे करीबन तेईस सौ पचास इफेक्ट्स इसमें यूज किए हुए तो काफ़ी सारे थे सी भी कुछ यूज किए गए थे तो टोटल ये सभी चीज़ें उसको हैंडल की गई थी और उसके बाद में इस फिल्म को पूरी तरह से तैयार किया गया डी एजिंग के प्रोसेस में भी इस फिल्म को डाला हुआ था क्योंकि इस फिल्म में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स है जिसकी डी एजिंग भी की हुई थी तो ये सभी चीज़ें जो इस फिल्म के सिक्वेंस के लिए यूज़ की गई थी और उसको म्यूज़िक के साथ बाद में मर्ज भी किया गया था म्यूज़िक के ऊपर बातचीत करें तो इसको 28 जून 2022 से 10 फरवरी 2023 तक रिकॉर्ड किया था 29 जून 2023 तक सभी ट्रैक को रिलीज़ किया था जिसके लेबल थे वोल्ड डिज्नी जिन्होंने अपने पास ही राइट्स रखे थे एक घंटे सात मिनट छः सेकंड का एक टोटल अट्ठारह ट्रैक का एक साउंड ट्रैक था जहाँ पे ये सभी ट्रैक को फिल्म में बैकग्राउंड स्कोर की तरह यूज़ किया हुआ था अभी फिलहाल में उनके द्वारा अवेलेबल किया हुआ है तो उसको वीडियो फॉर्मेट में तो आप सुन सकते हो इस फिल्म की कहानी के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म की कहानी नाइनटीन नाइन में वर्ल्ड वॉर टू जो हुआ था उसके समय सेट की हुई जहां पे हेनरी जॉन्स जूनियर ए के इंडियना जॉन्स जिसका रोल प्ले करे हेरिसन फोर्ड जो नाजिश के द्वारा कैप्चर हुए जहां पे जॉन्स इस सच के एक किसी की सर्च के फिराक में जहाँ पे लॉन्गिनस लेंस ऑफ लोंगिनस की सर्च के फिराक में एक्सीडेंटली उसको एंटीकैथरा मिल जाते जो डायलॉप डेस्टिनी के नाम से भी जाने जाते स्टोरी बाद में 1969 में मूव करती है जहाँ पे जर्गन वॉलर जो रोल प्ले करे मेट्स मिकलेरसन जो फॉर्मर नाजी थे और एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट हायर करते नायर किए थे नासा में तो एंटी का चाहते हैं अपना पास्ट चेंज करना हेलेना सो जिसका रोल प्ले कर रहे फॉय वॉलर ब्रिज जोन्स कोटक की गोड डॉटर है और जो किस डायलॉग डेस्टिनी का एक पार्ट आ, स्नेच करके भागी हुए लेटर वो बाद में उस को जॉइन कर लेते हैं वो फिल्म के फास्ट सेकंड पार्ट में सभी चीज़ें दिखाई जाती है जर्गन वॉलर जो इन सभी चीज़ों के बाद वो स्नेच के पार्ट को ढूंढने के लिए लगा हुआ है अब आगे क्या होगा क्या वो स्नेच के पार्ट ढूंढ पाएंगे क्या हेलेना हेनरी जोन्स से वो अदर पार्ट ढूंढ पाएंगे उसके बाद में जर्गन वोलर का क्या आगे होने वाला है मूवी ये सभी सवाल के जवाब अनफोल्ड करती है तो वही फिल्म की कहानी को पूरी तरह से डेवलप करता है जहाँ पे इस फिल्म की जो कहानी है जो इस फिल्म का जो हो जो कॉन्सेप्ट है जो फिल्म की सीरीज है उससे लोगों को काफी ज्यादा ज्यादा उम्मीदें थी इंडियाना जो डायलॉग डेस्टिनी फिल्म से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी क्योंकि ये सी मूवी सीरीज की लास्ट मूवी है जहाँ पे हेरिसन फॉर्ड इस फिल्म फॉर्ड प्ले इंडियना जोन्स का रोल प्ले करे आखिरी बार जहाँ पे जेम्स मैन गोल्ड डायरेक्ट करने वाले स्टीवन स्पीकबर्ग की जगह तो अस्सी साल के हरिसन फोर्ड जो आइकॉनिक रोल इंडियाना जोन्स के लिए जाने जाते जहाँ पे वो फिर से अपने एक्शन स्टाइल में आए हुए एज इज वो जिस तरह से अपना रोल प्ले कर रहे थे वो देखने में काफ़ी डिलाइटफुल नज़र आता है उनको फिर से एक्शन में देखने में आपको मजा आएगा फिल्म के शुरुआत के बीस मिनट जिस तरह से शोकेस के यंगर इंडियाना जोन्स जो दिखाया हुआ है उस फिल्म के बेस्ट पार्ट है जो उनके फैन है या एक्टर के या फिल्म के उनके लिए बेस्ट पार्ट हो सकता है क्योंकि वो सभी चीज़ें बढ़िया तरीके से कंपोज की हुई थी फॉय वॉलर ब्रिज जो इस फिल्म में हेलेना शो का रोल प्ले करे जो ब्यूटी विद ब्रेन वाला किरदार था जहाँ पे वो परफेक्ट वे में अपने रोल के साथ परफॉर्म करती हुई नज़र आती है उनको देखने में आपको मज़ा आएगा प्रोटोकॉनिस के साथ जो एक्शन सिकवेंस वो करते हुए नजर आती है वो सभी चीज़ें देखने में काफ़ी बढ़िया थी इसके अलावा पंद्रह से का कुछ और जो लेंथ वाले चेजिंग सीक्वेंस थे पंद्रह से बीस मिनट से ज़्यादा के लेंथ वाले जो चेजिंग सीक्वेंस थे वो अच्छी तरह से विजुलाइज किए गए थे जो ऑडियंस को पूरी तरह से एज जो सीट वाला मोमेंट क्रिएट करके देते हैं कैमरा वर्क बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के लिए काफ़ी बढ़िया तरीके से इम्प्रेसिव था कुछ ये चेजिंग वाले सीन्स थे वहाँ पर खास करके काफ़ी बढ़िया नजर आता है इस फिल्म को जिस तरह से बयालीस सालों की फ्रेंचाइज है और लोगों को उससे उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा थी उसकी एंडिंग जिस तरह से एक्सपेक्ट करते वैसी नहीं होती बेटर हो सकती थी इसके अलावा जो इस फिल्म के लीड एक्टर है उसको बेटर वे में फेयरवेल मिलना चाहिए था अनफॉर्चुनेटली इंडिया जोन्स द डायर ऑफ डेस्टिनी पूरी तरह से ऑडियंस को एंगेज करने में फेल रहती है राइटिंग काफ़ी प्रोअर थी खास करके सेकंड हाफ में वीक नजर आती है राइटिंग फर्स्ट हाफ में काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग और थ्रिलिंग सीन्स डाले हुए थे जो फिल्म को काफ़ी आ, बढ़िया बनाते हैं सेकेंड हाफ वहाँ पे चीज़ें पूरी तरह से फेल हो जाती है इमोशनल बॉन्ड जो क्रिएट किया हुआ है उसको थोड़ा और बेहतर मैनर में किया जा सकता है हेनरी सो और हेलेना सो के बीच में इसके अलावा इस फिल्म को जिस तरह से बनाया हुआ है जिस तरह से चीज़ें डेवलप की हुई है उसमें कुछ कन्विंसिंग मैनर में दिखाने की कोशिश करते तो और बेहतर रहता चीज़ें थोड़ी और क्रिस्प भी हो सकती थी डायरेक्टर जेम्स मैन गोल्ड उसने कुछ खास तरीके से इस फिल्म को बना नहीं पाए जहाँ पे जिस तरह से उन्होंने कहानी के साथ इस फिल्म को डेवलप किया है। वो फर्स्ट हाफ तक डिसेंट था लेकिन सेकंड हाफ में पूरी तरह से फेल होता है सिनेमेटोग्राफर म्यूजिक कंपोजर ने अपना काम बखूबी निभाया हुआ है इसके अलावा एडिटर ने इस फिल्म को जिस तरह से बनाया उन्होंने अननेसेसरी सीन सिक्स सेकंड हाफ में काफ़ी सारे डाले हुए उसको चॉप अप किया जा सकता था तो ओवरऑल सिनेमाटोग्राफी म्यूजिक डिपार्टमेंट फिल्म को काफ़ी हद है तक हैंडल करता हुआ नज़र आता है सेकंड हाफ है वो लेंदी रन टाइम की वजह से ऑडियंस का जो मजा है वो किरकिरा करती है स्क्रीन प्ले भी उतना कुछ खास नहीं था खींचा हुआ नज़र आता है कुल मिला के इंडिया ने जोस द डायल डेस्टिनी एक्शन एडवेंचर जो फिल्म है वो जो एक्सपेक्टेशन हम करते हैं उसके ऊपर खरी नहीं उतरती फोर्ड वॉब वॉलर ब्रिज के द्वारा एक अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर हुई है कहीं कुछ बढ़िया एक्शन सिक्वेंस भी देखने को मिलते हैं लेकिन फिल्म का सेकंड हाफ पूरी तरह से ख़राब निकलता है जिसके चलते वह हम फिल्म के साथ उतने एंटरटेन नहीं हो पाते जो हार्डकॉर इंडियाना जोन्स के फैन हैं उनकी फ्रेंचाइज के फ़ैन हैं वो इसको डेफिनेटली देख सकते हैं अदरवाइज दूसरे जो ऑडियंस है उसका कुछ खास कह नहीं सकते कि उनको ये फिल्म किस तरह से कैसे पसंद आएगी या नहीं अगर इस फिल्म को देखना चाहते हो तो इंडियाना जोन्स एंड द दा फिल्म को तो इस फिल्म को पहले तो थिएटर में रिलीज करने से पहले 18 मई 2023 को कैनस फिल्म फेस्टिवल में रिलीज किया हुआ था और बाद में 30 जून 2023 को यूएस कनाडा इंडिया चाइना पाकिस्तान जैसे लोकेशंस में इस फिल्म को थिएट्रिकली रिलीज किया हुआ था फिल्म को रिलीज किया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पॉन्स मिला और इसी के साथ इस फिल्म ने आई के ऊपर एक लाख अड़तालीस हजार वोट हासिल किए जिसमें की रेटिंग हासिल हुई दस में से जहां पे बॉक्स ऑफिस फिल्म से जो उम्मीद लगाई थी ठीक उसी तरह इस फिल्म ने ओपनिंग तो ली हुई थी लेकिन लेटर ऑन जिस तरह से इस फिल्म ने अपना जो वर्ड ऑफ माउथ है उतना फेवरेबल नहीं रहा जिसके चलते फिल्म उसके बाद उतना कुछ लंबा रन ली नहीं और डे बाई डे गिरती रही जहाँ पे यूएस कैनेडा से इस फिल्म ने अपने इस फिल्म के लिए करीबन छियालीस सौ थिएटर अब ओपनिंग वीकेंड के लिए बुक किए थे जिसके चलते एक अच्छी रिलीज फिल्म को मिली थी जो इस फिल्म की एक्सपेक्टेशन थी वो काफ़ी बड़ी थी लेकिन पहले एक दो दिन के जो सो रिस्पॉन्स था वो अच्छा था उसके बाद वर्ड ऑफ माउथ के चलते जो वीकेंड है वो डाउन रहा जहाँ पे इस फिल्म ने जो उम्मीद थी उतना कुछ खास कलेक्शन किया नहीं पहले दिन चौबीस यूस मिलियन डॉलर का कलेक्शन था थर्ड डे प्रीव्यू से इस फिल्म ने सात पॉइंट दो यूस मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया वीकेंड का कलेक्शन था इस फिल्म का जिस तरह डेब्यू किया था वीबन साठ पॉइंट चालीस उलियन डॉलर के साथ डेब्यू किया हुआ था इस फ्रेंचाइज का वैसे देखा जाए तो सेकंड बेस्ट टोटल है अगर जो इन्फ्लेशन है जो एडजस्टमेंट है आ, आ, उस हिसाब से इसके अलावा इस फिल्म को जिस तरह से बनाया गया जिस तरह से खर्चा किया गया था उसके बाद में फिल्म उतना कुछ खास कर ही नहीं बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म को मेन लोकेशंस अमेरिका कनाडा के अलावा 52 अदर कंट्रीज में भी रिलीज किया था जहाँ पे 69.6 यूएस मिलियन डॉलर का ओपनिंग वीकेंड रहा था उसके बाद में इस फिल्म ने एक रन लिया था डिसेंट रन लिया था जहाँ पे 300 सौ मिलियन डॉलर के बजट के सामने तीन सौ मिलियन डॉलर का कलेक्शन करते हुए बॉक्स ऑफिस पे फिल्म एक बिलो एवरेज साबित हुई थी जहाँ पे इस फिल्म के ओ टी टी राइट इंडिया में खरीदे हुए डिजनी प्लस हॉटस्टार वालों ने जिन्होंने इस फिल्म के चार लैंग्वेज के राइट्स खरीदे हुए मेन इंग्लिश हिंदी तेलुगु तमिल तीन डब्ड वर्जन है फिलहाल में इंडिया ना जो डायल ऑफ द दे डेस्टिनी जो फिल्म है एंड द डायल ऑफ द दे डेस्टिनी जो फिल्म है उसको ऑफिशियली देखना चाहते हो तो देख सकते हो एम डिजनी प्लस होस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विध सब्सक्रिप्स इंग्लिस ओरिजिनल लैंग्वेज के साथ हिंदी तेलुगु तमिल डब्ड वर्जन में एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि इंडियाना जोन्स एंड द डायल ऑफ द डेस्टिनी जो फिल्म है उसको अगर आपको ऑफिशियली फिलहाल में देखना है तो देख सकते हो डिजनी प्लस होटस्टार ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन इंग्लिश हिंदी तमिल तेलुगू ये टोटल चार वर्जनस में तो इस तरह से इस फिल्म को ऑफिशियली एन्जॉय कर पाओगे

आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले इन सभी लोगों ने मिलकर क्रिएट किया हुआ था और जेम्स मेन गोल्ड ने इसको डिरेक्ट किया हुआ था जहां पे जो लुकास के द्वारा जो कैरेक्टर्स तैयार किए गए फिलिप कॉन कॉफ के द्वारा इंडियाना जोन्स के उसके ऊपर से इस फिल्म की कहानी को डेवलप किया हुआ था कहानी को स्टोरी को डेवलप किया हुआ था जहाँ पे कैथलिन केनेडी फ्रैंक मार्शल सीमन एमून्यूल एमान्यूअल जिन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था वर्ल्ड डिज्नी पिक्चर्स लुका लुकास फिल्म्स लिमिटेड प्रोडक्शन कंपनीज के नीचे और एक काफ़ी बड़े हाई एंड बजट वाली फिल्म थी करीबन 300 यूएस मिलियन डॉलर जितने बड़े बजट में फिल्म को बनाया हुआ था जिसको वर्ल्ड डिजनी मोशन मौस, स्टूडियो मोशन पिक्चर्स वालों ने फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी थे इस क्वियल फिल्म को पहले केनेस में प्रीमियर करवाया गया था अट्ठारह मई 2023 को जहाँ पे जो आ, केनेस का एनुअल फिल्म फेस्टिवल होता है वहाँ पे इस फिल्म को प्रीमियर करवाया था उसके कुछ दिनों के बाद बाद में इस फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया था फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से एक मिनट का रन टाइम सेंसर करवाया था यानी कि फिल्म करीबन दो घंटे चौंतीस मिनट लंबी देखने को मिलेगी इसके अलावा इस फिल्म का जो म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट है उसके ऊपर बातचीत करें तो सिनेमाटोग्राफी फेडन पाम हाँ, पापा में माइकल ने की हुई है एडिटिंग है वो माइकल मेकर्स मेकर्स एंड्रयू बकलैंड और डर्क वेस्टरवेल ने इस फिल्म की एडिटिंग की हुई जिन्होंने दो घंटे चौंतीस मिनट यानी कि एक सौ मिनट का रन टाइम दिया हुआ है कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो इंडियाना जोन्स के जो कैरेक्टर्स है वही इसमें आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पे हेरिसन फोर्ड जो डॉक्टर हेनरी जोन्स यानी कि इंडियाना जोन्स जूनियर का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे वहीं पे आ, एंथनी इंग्रोबर ने इस फिल्म में यंगर इंडियाना जोन्स का रोल प्ले किया हुआ है फॉइब ब्रिज ने इस फिल्म में हेलेना शो का रोल प्ले किया हुआ है मेट्स मेकेलेसन इस फिल्म में जर्गन वॉलर का रोल प्ले किया हुआ है एंटोनिज पेंट ने इस फिल्म में रेनाल्डो का रोल प्ले किया हुआ है जॉन डेवियस ने इस फिल्म में सलाह का रोल प्ले किया हुआ है टोबी जॉन्स ने इस फिल्म में बासिल्सो का रोल प्ले किया हुआ है बॉयड हॉलब्रुक ने इस फिल्म में क्लाबर का रोल प्ले किया हुआ है इथाना इजटोरी ने इस फिल्म में टेडी कुमार का रोल प्ले किया क्रेन एलन इस फिल्म में मेरियन रावन वोड का रोल प्ले किया हुआ है सोनेट रिन विल्सन ने इस फिल्म में एजेंट मैसन का रोल प्ले किया हुआ है थॉमस क्रिस्मैन ने इस फिल्म में कलनाल वेबर का रोल प्ले किया है ओलिवर रिचर्ड सर ने इस फिल्म में हॉक का रोल प्ले किया है मार्क किलिन ने इस फिल्म में पोन्टिमस का रोल प्ले किया हुआ नजर मेमारिया ने इस फिल्म में आर्की का रोल प्ले किया हुआ है मार्टिन मैकडोगल ने इस फिल्म में डरकिन का रोल प्ले किया हुआ है अल्लाह सफ़ी ने इस फिल्म में अजीज राहीम का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा कुछ फोटोग्राफ्स भी दिखाए जाते हैं जहाँ पर अलग अलग कैरेक्टर्स को इस फिल्म में दिखाया हुआ है फोटोग्राफ्स के थ्रू प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो आपको पता ही है कि नाइनटीन में जॉर्ज लुकास और स्टीवन स्पेडबर्ग के द्वारा पेरामाउंट के द्वारा एक डील करके इंडियाना जोन्स नाम की पांच फिल्में बनाई गई थी जिसको अलग अलग ईयर में बाद में रिलीज किया गया था उसके बाद में इस फिल्म का लंबे समय से एक ब्रेक आया और उसके बाद में इंडियाना जोन से जो 2023 में बनाई गई है टायल ऑफ डिस्टिनी वाली सीरीज फिल्म को उसका डेवलपमेंट स्टार्ट किया था जो दो हजार के बाद स्टार्ट हुआ था स्टोरी आइडिया आया था मेकर्स को उसके बाद में उसके ऊपर कुछ डेवलपमेंट की गई थी जहाँ पे प्री प्रोडक्शन फिल्म को मार्च 2016 से स्टार्ट किया हुआ था डिज्नी वालों ने अनाउंस भी किया था जहाँ पे उनकी पाँचवीं फिल्म होने वाली जो 19 जुलाई 2019 को रिलीज़ होगी उसके बाद में इस फिल्म के ऊपर पूरी तरह से फोकस किया गया लेकिन बीच में कोविड आ गया जिसके चलते बाद में उसके बीच में इससे पहले जो कोविड के पहले कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी जिसके चलते इस फिल्म को डिले करना पड़ा उसके बाद में कोविड आ चुका था और फिल्म काफी डिले हो गई वो उसके बाद में कास्टिंग के ऊपर काम किया गया जहाँ पे फिल्मिंग के ऊपर बाद में लेटर ऑन काम किया गया था जहाँ पे इस फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी वो 4 जून 2021 को स्टार्ट की हुई थी जि जिसको काफी अलग अलग लोकेशंस में शूट किया हुआ था पिन वो स्टूडियो से इस फिल्म की शूटिंग की शुरुआत की हुई थी काफी सारे अलग अलग शेड्यूल्स के बाद इस फिल्म को पूरी तरह से रेपअप करवाया था जहाँ पे करीबन 26 फरवरी 2022 तक फिल्म को रेपअप करवाया उसके कुछ दिन यानी करीबन 9 दिन 10 दिन के बाद फिल्म की पोस्ट प्रोडक्शन में काम स्टार्ट हुआ था जहाँ पे फिल्म की एडिटिंग ऑलरेडी शूटिंग के वक्त ही स्टार्ट करवा दी थी जिस वजह से जो पोस्ट प्रोडक्शन में टाइम है वो कम लगे और उसके बाद में उन्होंने इस फिल्म के वी के ऊपर भी काम किया हुआ था जहाँ पे करीबन तेईस सौ और इफ़ेक्ट्स इसमें यूज किए हुए तो काफ़ी सारे थे सी भी कुछ यूज किए गए थे तो टोटल ये सभी चीज़ें उसको हैंडल की गई थी और उसके बाद में इस फिल्म को पूरी तरह से तैयार किया गया डी एजिंग की प्रोसेस में भी इस फिल्म को डाला हुआ था क्योंकि इस फिल्म में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स है जिसकी डी एजिंग भी की हुई थी तो ये सभी चीज़ें जो इस फिल्म के सिक्वेंस के लिए यूज़ की गई थी और उसको म्यूज़िक के साथ बाद में मर्ज भी किया गया था म्यूज़िक के ऊपर बातचीत करें तो इसको 28 जून 2022 से 10 फरवरी 2023 तक रिकॉर्ड किया था 29 जून 2023 तक सभी ट्रैक को रिलीज़ किया था जिसके लेबल थे वोल्ड डिज्नी जिन्होंने अपने पास ही राइट्स रखे थे एक घंटे सात मिनट छः सेकंड का एक टोटल अट्ठारह ट्रैक का एक साउंड ट्रैक था जहाँ पे ये सभी ट्रैक को फिल्म में बैकग्राउंड स्कोर की तरह यूज़ किया हुआ था अभी फिलहाल में उनके द्वारा अवेलेबल किया हुआ है तो उसको वीडियो फॉर्मेट में तो आप सुन सकते हो इस फिल्म की कहानी के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म की कहानी नाइनटीन नाइन में वर्ल्ड वॉर टू जो हुआ था उसके समय सेट की हुई जहां पे हेनरी जॉन्स जूनियर ए के इंडियना जॉन्स जिसका रोल प्ले करे हेरिसन फोर्ड जो नाजिश के द्वारा कैप्चर हुए जहां पे जॉन्स इस सच के एक किसी की सर्च के फिराक में जहाँ पे लॉन्गिनस लेंस ऑफ लॉगिनस की सर्च के फिराक में एक्सीडेंटली उसको एंटी कैथरा मिल जाते जो डायलॉग डेस्टिनी के नाम से भी जाने जाते स्टोरी बाद में 1969 में मूव करती है जहाँ पे जर्गन वोलर जो रोल प्ले करे मेट्स मिकलेरसन जो फॉर्मर नाजी थे और एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट हायर करते नायर किए थे नासा में तो एंटी काइथरान चाहते हैं अपना पास्ट चेंज करना हेलेना सो जिसका रोल प्ले कर रहे फॉय वॉलर ब्रिज जोन्स कोटक की गोड डॉटर है और जो किस डायलॉग डेस्टिनी का एक पार्ट स्नेच करके भागी हुए लेटर वो बाद में उस को जॉइन कर लेते हैं वो फिल्म के फा सेकंड पार्ट में सभी चीज़ें दिखाई जाती जर्गन वॉलर जो आ, इन सभी चीज़ों के बाद वो स्नेच के पार्ट को ढूंढने के लिए लगा हुआ है अब आगे क्या होगा क्या वो स्नेच के पार्ट ढूंढ पाएंगे क्या हेलेना हेनरी जोन्स से वो अदर पार्ट ढूंढ पाएंगे उसके बाद में जर्गन वोलर का क्या आगे होने वाला है मूवी ये सभी सवाल की जवाब अनफोल्ड करती है तो वही फिल्म की कहानी को पूरी तरह से डेवलप करता है जहाँ पे इस फिल्म की जो कहानी है जो इस फिल्म का जो हो जो कॉन्सेप्ट है जो फिल्म की सीरीज है उससे लोगों को काफी ज्यादा ज्यादा उम्मीदें थी इंडियना जोन्स डायलॉग डेस्टिनी फिल्म से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी क्योंकि ये सी मूवी सीरीज की लास्ट मूवी है जहाँ पे हेरिसन फॉर्ड इस फिल्म फॉर्ड प्ले इंडियना जोन्स का रोल प्ले करे आखिरी बार जहाँ पे जेम्स मैन डायरेक्ट करने वाले स्टीवन स्पीकबर्ग की जगह तो अस्सी साल के हरिसन फोर्ड जो आइकॉनिक रोल इंडियाना जोन्स के लिए जाने जाते जहाँ पे वो फिर से अपने एक्शन स्टाइल में आए हुए एज यूजुअल, वो जिस तरह से अपना रोल प्ले कर रहे थे वो देखने में काफ़ी डिलाइटफुल फुट नजर आता है उनको फिर से एक्शन में देखने में आपको मज़ा आएगा फिल्म के शुरुआत के बीस मिनट जिस तरह से शोकिस के यंगर इंडियाना जोन्स जो दिखाया हुआ है उस फिल्म के बेस्ट पार्ट है जो उनके फैन है एक्टर के या फिल्म के उनके लिए बेस्ट पार्ट हो सकता है क्योंकि वो सभी चीज़ें बढ़िया तरीके से कंपोज की हुई थी फॉय वॉलर ब्रिज जो इस फिल्म में हेलेना सो का रोल प्ले करे जो ब्यूटी विद ब्रेन वाला किरदार था जहाँ पे वो परफेक्ट वे में अपने रोल के साथ परफॉर्म करते हुए नज़र आती है उनको देखने में आपको मज़ा आएगा प्रोटोकॉनिस के साथ जो एक्शन सिक्वेंस हो करते हुए नज़र आती है वो सभी चीज़ें देखने में काफ़ी बढ़िया थी इसके अलावा पंद्रह से कुछ और जो लेंथ वाले चेजिंग सीक्वेंस थे पंद्रह से बीस मिनट से ज़्यादा के लेंथ वाले जो चेजिंग सीक्वेंस थे वो अच्छी तरह से विजुलाइज किए गए थे जो ऑडियंस को पूरी तरह से एज एजॉप सीट वाला मोमेंट क्रिएट करके देते हैं कैमरा वर्क बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के लिए काफ़ी बढ़िया तरीके से इम्प्रेसिव था कुछ ये चेजिंग वाले सीन्स थे वहाँ पर खास करके काफ़ी बढ़िया नज़र आता है इस फिल्म को जिस तरह से बयालीस सालों की फ्रेंचाइज है और लोगों को उससे उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा थी उसकी एंडिंग जिस तरह से एक्सपेक्ट करते वैसी नहीं होती बेटर हो सकती थी इसके अलावा जो इस फिल्म के लीड एक्टर है उसको बेटर वे में फेयरवेल मिलना चाहिए था अनफॉर्चुनेटली इंडिया जोन्स द डायर ऑफ डेस्टिनी पूरी तरह से ऑडियंस को एंगेज करने में फेल रहती है राइटिंग काफ़ी प्रोअर थी खास करके सेकंड आप में वीक नज़र आती है राइटिंग फर्स्ट हाफ में काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग और थ्रिलिंग सीन्स डाले हुए थे जो फिल्म को काफ़ी आ, बढ़िया बनाते है। सेकंड हाफ वहाँ पे चीज़ें पूरी तरह से फेल हो जाती है इमोशनल बॉन्ड जो क्रिएट किया हुआ है उसको थोड़ा और बेहतर मैनर में किया जा सकता है हेनरी जो और हेलेना सो के बीच में इसके अलावा इस फिल्म को जिस तरह से बनाया हुआ है जिस तरह से चीज़ें डेवलप की हुई है उसमें कुछ कन्विंसिंग मैनर में दिखाने की कोशिश करते तो और बेहतर रहता चीज़ें थोड़ी और क्रिस्पी हो सकती थी डायरेक्टर जेम्स मैन गोल्ड उसने कुछ खास तरीके से इस फिल्म को बना नहीं पाए जहाँ पे जिस तरह से उन्होंने कहानी के साथ इस फिल्म को डेवलप किया वो फर्स्ट हाफ तक डिसेंट था लेकिन सेकंड हाफ में पूरी तरह से फेल होता है सिनेमेटोग्राफर म्यूजिक कंपोजर ने अपना काम बखूबी निभाया हुआ है इसके अलावा एडिटर ने इस फिल्म को जिस तरह से बनाया उन्होंने अननेसेसरी सीन सिक्स सेकंड से हाफ में काफ़ी सारे डाले हुए उसको चॉप अप किया जा सकता था तो ओवरऑल सिनेमाटोग्राफी म्यूजिक डिपार्टमेंट फिल्म को काफ़ी हद हैं तक हैंडल करता हुआ नज़र आता है सेकंड हाफ है वो लेंथी रन टाइम की वजह से ऑडियंस का जो मजा है वो किरकिरा करती है स्क्रीन प्ले भी उतना कुछ खास नहीं था खींचा हुआ नज़र आता है कुल मिला के इंडिया ने जो दायलॉप डेस्टिनी एक्शन एडवेंचर जो फिल्म है वो जो एक्सपेक्टेशन हम करते हैं उसके ऊपर खरी नहीं उतरती हेरिसन फोर्ड वॉब वॉलर ब्रिज के द्वारा एक अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर हुई है कहीं कुछ बढ़िया एक्शन सिक्वेंस भी देखने को मिलते हैं लेकिन फिल्म का सेकंड हाफ पूरी तरह से ख़राब निकलता है जिसके चलते हम फिल्म के साथ उतने एंटरटेन नहीं हो पाते जो हार्डकॉर इंडियाना जोन्स के फ़ैन हैं उनकी फ्रेंचाइज के फ़ैन हैं वो इसको डेफिनेटली देख सकते हैं अदरवाइज दूसरे जो ऑडियंस है उसका कुछ खास कह नहीं सकते कि उनको ये फिल्म किस तरह से कैसे पसंद आएगी या नहीं अगर इस फिल्म को देखना चाहते हो तो इंडियाना जोन्स एंड द डायफ ड फिल्म को तो इस फिल्म को पहले तो थिएटर में रिलीज करने से पहले 18 मई 2023 को कैनस फिल्म फेस्टिवल में रिलीज किया हुआ था और बाद में 30 जून 2023 को यूएस कनाडा इंडिया चाइना पाकिस्तान जैसे लोकेशंस में इस फिल्म को थिएट्रिकली रिलीज किया हुआ था फिल्म को रिलीज किया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पॉन्स मिला और इसी के साथ इस फिल्म ने आई के ऊपर एक लाख अड़तालीस हजार वोट हासिल किए जिसमें छ पॉइंट छः की रेटिंग हासिल हुई दस में से जहां पे बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म से जो उम्मीद लगाई थी ठीक उसी तरह इस फिल्म ने ओपनिंग तो ली हुई थी लेकिन लेटर ऑन जिस तरह से इस फिल्म ने अपना जो वर्ड ऑफ माउथ है उतना फेवरेबल नहीं रहा जिसके चलते फिल्म उसके बाद उतना कुछ लंबा रन ली नहीं और डे बाई डे गिरती रही जहाँ पे यूएस कैनेडा से इस फिल्म ने अपने इस फिल्म के लिए करीबन छियालीस सौ थिएटर अब ओपनिंग वीकेंड के लिए बुक किए थे जिसके चलते एक अच्छी रिलीज फिल्म को मिली थी जो इस फिल्म की एक्सपेक्टेशन थी वो काफ़ी बड़ी थी लेकिन पहले एक दो दिन के जो सो रिस्पॉन्स था वो अच्छा था उसके बाद वर्ड ऑफ माउथ के चलते जो वीकेंड है वो डाउन रहा जहाँ पे इस फिल्म ने जो उम्मीद थी उतना कुछ खास कलेक्शन किया नहीं पहले दिन चौबीस यूस मिलियन डॉलर का कलेक्शन था थर्ड डे प्रीव्यू से इस फिल्म ने सात पॉइंट दो उसे मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया वीकेंड का कलेक्शन था इस फिल्म का जिस तरह डेब्यू किया था वो करीबन साठ पॉइंट चालीस उलियन डॉलर के साथ डेब्यू किया हुआ था इस फ्रेंचाइज का वैसे देखा जाए तो सेकंड बेस्ट टोटल है अगर जो इन्फ्लेशन है जो एडजस्टमेंट है आ, आ, उस हिसाब से इसके अलावा इस फिल्म को जिस तरह से बनाया गया जिस तरह से खर्चा किया गया था उसके बाद में फिल्म उतना कुछ खास कर ही नहीं बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म को मेन लोकेशंस अमेरिका कनाडा के अलावा 52 अदर कंट्रीज में भी रिलीज किया था जहाँ पे 69.6 यूएस मिलियन डॉलर का ओपनिंग वीकेंड रहा था उसके बाद में इस फिल्म ने एक रन लिया था डिसेंट रन लिया था जहाँ पे तीन यूएस मिलियन डॉलर के बजट के सामने तीन यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन करते हुए बॉक्स ऑफिस पर फिल्म एक बिलो एवरेज साबित हुई थी जहाँ पे इस फिल्म के ओ टी टी राइट इंडिया में खरीदे हुए डिजनी प्लस हॉटस्टार वालों ने जिन्होंने इस फिल्म के चार लैंग्वेज के राइट्स खरीदे हुए मेन इंग्लिश हिंदी तेलुगु तमिल तीन डब्ड वर्जन है फिलहाल में इंडियाना जो डायल ऑफ़ द दे डेस्टिनी जो फिल्म है एंड द डायल ऑफ द दे डेस्टिनी जो फिल्म है उसको ऑफिशियली देखना चाहते हो तो देख सकते हो एम डिजनी प्लस होस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विध सब्सक्रिप्स इंग्लिस ओरिजिनल लैंग्वेज के साथ हिंदी तेलुगु तमिल डब्ड वर्जन में एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि इंडियाना जोन्स एंड द दा डायल ऑफ द डेस्टिनी जो फिल्म है उसको अगर आपको ऑफिशियली फिलहाल में देखना है तो देख सकते हो डिजनी प्लस हॉट स्टार ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन इंग्लिश हिंदी तमिल तेलुगू ये टोटल चार वर्जनस में तो इस तरह से इस फिल्म को ऑफिशियली एन्जॉय कर पाओगे एंड द डायल ऑफ़ डेस्टिनी 2023 की एक अमेरिकन एक्शन एडवेंचर फिल्म है फिल्म को इंग्लिश के साथ साथ इंडिया में हिंदी तमिल तेलुगु जैसे लैंग्वेजेस में भी डब करके रिलीज किया हुआ था एक हाई बजट वाली फिल्म थी जिसको करीबन थ्री यूएस मिलियन डॉलर में बनाया गया था और इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ था जेम्स मैन ने वहीं पे कहानी को जेज बटरवर्थ जॉन हेनरी बटरवर्थ डेविड कॉप और जेम्स मैंगलो मैन ने इसको लिखा हुआ था जहाँ पे स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले इन सभी लोगों ने मिलकर क्रिएट किया हुआ था और जेम्स मैन ने इसको डिरेक्ट किया हुआ था जहाँ पे जो लुकास के द्वारा जो कैरेक्टर्स तैयार किए गए फिलिप कॉन के द्वारा इंडियाना जोन्स के उसके ऊपर से इस फिल्म की कहानी को डेवलप किया हुआ था कहानी को स्टोरी को डेवलप किया हुआ था जहाँ पे कैथलिन केनेडी फ्रैंक मार्शल सिमन एम एमान्यल जिन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था वर्ल्ड डिज्नी पिक्चर्स लुका लुकास फिल्म्स लिमिटेड प्रोडक्शन कंपनीज के नीचे और एक काफी बड़े हाई एंड बजट वाली फिल्म थी करीबन 300 यूएस मिलियन डॉलर जितने बड़े बजट में फिल्म को बनाया हुआ था जिसको वर्ल्ड डिजनी मोशन स्टूडियो मोशन पिक्चर्स वालों ने फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी थे इस क्वियल फिल्म को पहले केनेस में प्रीमियर करवाया गया था अट्ठारह मई 2023 को जहाँ पे जो आ, केनेस का एनुअल फिल्म फेस्टिवल होता है वहाँ पे इस फिल्म को प्रीमियर करवाया था उसके कुछ दिनों के बाद बाद में इस फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया था फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से एक मिनट का रन टाइम सेंसर करवाया था यानी कि फिल्म करीबन दो घंटे चौंतीस मिनट लंबी देखने को मिलेगी इसके अलावा इस फिल्म का जो म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट है उसके ऊपर बातचीत करें तो सिनेमाटोग्राफी हाँ, में माइकल ने की हुई है एडिटिंग है वो माइकल मेकर्स मेकर्स एंड्रयू बकलैंड और डर्क वेस्टरवेल ने इस फिल्म की एडिटिंग की हुई जिन्होंने दो घंटे चौंतीस मिनट यानी कि एक सौ मिनट का रन टाइम दिया हुआ है कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो इंडियाना जोन्स के जो कैरेक्टर्स है वही इसमें आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पे हेरिसन फोर्ड जो डॉक्टर हेनरी जोन्स यानी कि इंडियाना जोन्स जूनियर का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे वहीं पे आ, एंथनी इंग्रोबर ने इस फिल्म में यंगर इंडियाना जोन्स का रोल प्ले किया हुआ है फॉइब वॉलर ब्रिज ने इस फिल्म में हेलेना शो का रोल प्ले किया हुआ है मेट्स मेकेलेसन ने इस फिल्म में जर्गन वॉलर का रोल प्ले किया हुआ है एंटोनिज पेंट ने इस फिल्म में रेनाल्डो का रोल प्ले किया हुआ है जॉन डेवियस ने इस फिल्म में सलाह का रोल प्ले किया हुआ है टोबी जॉन्स ने इस फिल्म में बासिलसो का रोल प्ले किया हुआ है बॉयड हॉलब्रुक ने इस फिल्म में क्लाबर का रोल प्ले किया हुआ है इथाना इजडोरी ने इस फिल्म में टेडी कुमार का रोल प्ले किया क्रेन एलन इस फिल्म में मेरियन रावन वोड का रोल प्ले किया हुआ है सोनेट रिन विल्सन ने इस फिल्म में एजेंट मैसन का रोल प्ले किया हुआ है थॉमस क्रिस्मैन ने इस फिल्म में कर्नल वेबर का रोल प्ले किया है ओलिवर रिचर्ड सर ने इस फिल्म में हॉक का रोल प्ले किया है मार्क किलिन ने इस फिल्म में पोन्टिमस का रोल प्ले किया हुआ नजर मेमारजिया ने इस फिल्म में आर्की का रोल प्ले किया हुआ है मार्टिन मैकडोगल ने इस फिल्म में डरकिन का रोल प्ले किया हुआ है अल्लाह सफ़ी ने इस फिल्म में अजीज रहीम का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा कुछ फोटोग्राफ्स भी दिखाए जाते हैं जहाँ पर अलग अलग कैरेक्टर्स को इस फिल्म में दिखाया हुआ है फोटोग्राफ्स के थ्रू प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो आपको पता ही है कि नाइनटीन में जॉर्ज लुकास और स्टीवन स्पेडबर्ग के द्वारा आप एरामाउंट के द्वारा एक डील करके इंडियाना जोन्स नाम की पाँच फिल्में बनाई गई थी जिसको अलग अलग ईयर में बाद में रिलीज किया गया था उसके बाद में इस फिल्म का लंबे समय से एक ब्रेक आया और उसके बाद में इंडियाना जोन से जो 2023 में बनाई गई है टाइल ऑफ डेस्टिनी वाली सीरीज फिल्म को उसका डेवलपमेंट स्टार्ट किया था जो दो हज़ार पंद्रह दो हज़ार पंद्रह के बाद स्टार्ट हुआ था स्टोरी आइडिया आया था मेकर्स को उसके बाद में उसके ऊपर कुछ डेवलपमेंट की गई थी जहाँ पे प्री प्रोडक्शन फिल्म को मार्च दो हज़ार सोलह से स्टार्ट किया हुआ था डिज्नी वालों ने अनाउंस भी किया था जहाँ पे उनकी पाँचवीं फिल्म होने वाली जो उन्नीस जुलाई दो हज़ार उन्नीस को रिलीज़ होगी उसके बाद में इस फिल्म के ऊपर पूरी तरह से फोकस किया गया लेकिन बीच में कोविड आ गया जिसके चलते बाद में उसके बीच में इससे पहले जो कोविड के पहले कुछ ऐसी चीजें हुई थी जिसके चलते इस फिल्म को डिले करना पड़ा उसके बाद में कोविड आ चुका था और फिल्म काफी डिले हो गई वो उसके बाद में कास्टिंग के ऊपर काम किया गया जहां पे फिल्मिंग के ऊपर बाद में लेटर ऑन काम किया गया था जहाँ पे इस फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी वो चार जून 2021 को स्टार्ट की हुई थी जिसको काफ़ी अलग अलग लोकेशंस में शूट किया हुआ था पिन वो स्टूडियो से इस फिल्म की शूटिंग की शुरुआत की हुई थी काफ़ी सारे अलग अलग शीड्यूल्स के बाद इस फिल्म को पूरी तरह से रेपअप करवाया था जहाँ पे करीबन 26 फरवरी 2022 तक फिल्म को रेपअप करवाया उसके कुछ दिन यानी करीबन 9 दिन 10 दिन के बाद फिल्म की पोस्ट प्रोडक्शन में काम स्टार्ट हुआ था जहाँ पे फिल्म की एडिटिंग ऑलरेडी शूटिंग के वक्त ही स्टार्ट करवा दी थी जिस वजह से जो पोस्ट प्रोडक्शन में टाइम है वो कम लगे और उसके बाद में उन्होंने इस फिल्म के वी के ऊपर भी काम किया हुआ था जहाँ पे करीबन तेईस सौ पचास इफेक्ट्स इसमें यूज किए हुए तो काफ़ी सारे थे सी भी कुछ यूज किए गए थे तो टोटल ये सभी चीज़ें उसको हैंडल की गई थी और उसके बाद में इस फिल्म को पूरी तरह से तैयार किया गया डी एजिंग के प्रोसेस में भी इस फिल्म को डाला हुआ था क्योंकि इस फिल्म में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स है जिसकी डी एजिंग भी की हुई थी तो ये सभी चीज़ें जो इस फिल्म के सिक्वेंस के लिए यूज़ की गई थी और उसको म्यूजिक के साथ बाद में मर्ज भी किया गया था म्यूज़िक के ऊपर बातचीत करें तो आ, इसको 28 जून 2022 से 10 फरवरी 2023 तक रिकॉर्ड किया था 29 जून 2023 तक सभी ट्रैक को रिलीज़ किया था जिसके लेबल थे वोल्ट डिज्नी जिन्होंने अपने पास ही राइट्स रखे थे एक घंटे सात मिनट छः सेकंड का एक टोटल अट्ठारह ट्रैक का एक साउंड ट्रैक था जहाँ पे ये सभी ट्रैक को फिल्म में बैकग्राउंड स्कोर की तरह यूज़ किया हुआ था अभी फिलहाल में उनके द्वारा अवेलेबल किया हुआ है तो उसको वीडियो फॉर्मेट में आप सुन सकते हो इस फिल्म की कहानी के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म की कहानी नाइनटीन नाइन में वर्ल्ड वॉर टू जो हुआ था उसके समय सेट की हुई जहाँ पे हेनरी जॉन्स जूनियर ए के इंडियना जॉन्स जिसका रोल प्ले करे हेरिसन फोर्ड जो नाजिश के द्वारा कैप्चर हुए जहाँ पे जॉन्स इस सच के एक किसी की सर्च के फिराक में जहाँ पे लॉन्गिनस लेंस ऑफ लॉगिनोस की सर्च के फिराक में एक्सीडेंटली उसको एंटी मिल जाते जो डायल ऑफ डेस्टिनी के नाम से भी जाने जाते स्टोरी बाद में 1969 में मूव करती है जहाँ पे जर्गन वोलर जो रोल प्ले करे मेट्स मिकलेरसन जो फॉर्मर नाजी थे और एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट हायर करते थे किए थे नासा में तो एंटी काइथरान चाहते हैं अपना पास चेंज करना हेलेना सो जिसका रोल प्ले कर रहे फॉय वॉलर ब्रिज जोन्स कोटक की गॉड डॉटर है और जो किस डायलॉग डेस्टिनी का एक पार्ट स्नेच करके भागे हुए लेटर वो बाद में उस को जॉइन कर लेते हैं वो फिल्म के फास्ट सेकंड पार्ट में सभी चीज़ें दिखाई जाती है जर्गन वॉलर जो इन सभी चीज़ों के बाद वो स्नेच के पार्ट को ढूंढने के लिए लगा हुआ है अब आगे क्या होगा क्या वो स्नेच के पार्ट ढूंढ पाएंगे क्या हेलेना हेनरी जोन्स से वो अदर पार्ट ढूंढ पाएंगे उसके बाद में जर्गन वॉलर का क्या आगे होने वाला है मूवी ये सभी सवाल की जवाब अनफोल्ड करती है तो वही फ़िल्म की कहानी को पूरी तरह से डेवलप करता है जहाँ पे इस फिल्म की जो कहानी है जो इस फिल्म का जो हो जो कॉन्सेप्ट है जो फिल्म की सीरीज है उससे लोगों को काफी ज्यादा ज्यादा उम्मीदें थी इंडियना जोन्स डायलॉग डेस्टिनी फिल्म से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी क्योंकि ये सी मूवी सीरीज की लास्ट मूवी है जहाँ पे हेरिसन फॉर्ड इस फिल्म फॉर्ड प्ले इंडियाना जोन्स का रोल प्ले करे आखिरी बार जहाँ पे जेम्स मैन डायरेक्ट करने वाले स्टीवन स्पीकबर्ग की जगह तो अस्सी साल के हरिसन फोर्ड जो आइकॉनिक रोल इंडियाना जोन्स के लिए जाने जाते जहाँ पे वो फिर से अपने एक्शन स्टाइल में आए हुए एज इज वो जिस तरह से अपना रोल प्ले कर रहे थे वो देखने में काफ़ी डिलाइटफुल नज़र आता है उनको फिर से एक्शन में देखने में आपको मजा आएगा फिल्म के शुरुआत के बीस मिनट जिस तरह से जोकेस के यंगर इंडियाना जोन्स जो दिखाया हुआ है उस फिल्म के बेस्ट पार्ट है जो उनके फैन है एक्टर के या फिल्म के उनके लिए बेस्ट पार्ट हो सकता है क्योंकि वो सभी चीज़ें बढ़िया तरीके से कंपोज की हुई थी फॉय वॉलर ब्रिज जो इस फिल्म में हेलेना शो का रोल प्ले करे जो ब्यूटी विद ब्रेन वाला किरदार था जहाँ पे वो परफेक्ट वे में अपने रोल के साथ परफॉर्म करती हुई नजर आती है उनको देखने में आपको मज़ा आएगा प्रोटोकॉनिस के साथ जो एक्शन सिक्वेंस वो करते हुए नजर है वो सभी चीज़ें देखने में काफ़ी बढ़िया थी इसके अलावा पंद्रह से का कुछ और जो लेंथ वाले चेजिंग सीक्वेंस थे पंद्रह से बीस मिनट से ज़्यादा के लेंथ वाले जो चेजिंग सीक्वेंस थे वो अच्छी तरह से विजुलाइज किए गए थे जो ऑडियंस को पूरी तरह से एज एजॉप सीट वाला मोमेंट क्रिएट करके देते हैं कैमरा वर्क बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के लिए काफ़ी बढ़िया तरीके से इम्प्रेसिव था कुछ ये चेजिंग वाले सीन्स थे वहाँ पर खास करके काफ़ी बढ़िया नज़र आता है इस फिल्म को जिस तरह से बयालीस सालों की फ्रेंचाइज है और लोगों को उससे उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा थी उसकी एंडिंग जिस तरह से एक्सपेक्ट करते हुए सी नहीं होती बेटर हो सकती थी इसके अलावा जो इस फिल्म के लीड एक्टर है उसको बेटर वे में फेयरवेल मिलना चाहिए था अनफॉर्चुनेटली इंडिया ना जो द डायर ऑफ डेस्टिनी पूरी तरह से ऑडियंस को एंगेज करने में फेल रहती है राइटिंग काफ़ी प्रोअर थी खास करके सेकेंड हाफ में वीक नज़र आती है राइटिंग फर्स्ट हाफ में काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग और थ्रिलिंग सीन्स डाले हुए थे जो फिल्म को काफ़ी आ, बढ़िया बनाते है सेकेंड हाफ वहाँ पे चीज़ें पूरी तरह से फेल हो जाती है इमोशनल बॉन्ड जो क्रिएट किया हुआ है उसको थोड़ा और बेहतर मैनर में, में किया जा सकता है हेनरी जो और हेलेना सो के बीच में इसके अलावा इस फिल्म को जिस तरह से बनाया हुआ है जिस तरह से चीज़ें डेवलप की हुई है उसमें कुछ कन्विंसिंग मेनर में दिखाने की कोशिश करते तो और बेहतर रहता चीज़ें थोड़ी और क्रिस्प भी हो सकती थी डायरेक्टर जेम्स मैन गोल्ड उसने कुछ खास तरीके से इस फिल्म को बना नहीं पाए जहाँ पे जिस तरह से उन्होंने कहानी के साथ इस फिल्म को डेवलप किया है वो फर्स्ट हाफ तक डिसेंट था लेकिन सेकंड हाफ़ में पूरी तरह से फेल होता है सिनेमेटोग्राफर म्यूजिक कंपोज़र ने अपना काम बखूबी निभाया हुआ है इसके अलावा एडिटर ने इस फिल्म को जिस तरह से बनाया उन्होंने अननेसेसरी सिक्स सेकंड से हाफ में काफ़ी सारे डाले हुए उसको चॉप अप किया जा सकता था तो ओवरऑल सिनेमाटोग्राफी म्यूजिक डिपार्टमेंट फिल्म को काफ़ी हद है तक हैंडल करता हुआ नज़र आता है सेकंड हाफ है वो लेंथी रन टाइम की वजह से ऑडियंस का जो मजा है वो किरकिरा करती है स्क्रीन प्ले भी उतना कुछ खास नहीं था खींचा हुआ नजर आता है कुल मिला के इंडिया ने जोस द डायल डेस्टिनी एक्शन एडवेंचर जो फिल्म है वो जो एक्सपेक्टेशन हम करते हैं उसके ऊपर खरी नहीं उतरती हेरिसन फोर्ड वॉब वॉलर ब्रिज के द्वारा एक अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर हुई है कहीं कुछ बढ़िया एक्शन सिक्वेंस भी देखने को मिलते हैं लेकिन फिल्म का सेकंड हाफ पूरी तरह से ख़राब निकलता है जिसके चलते हम फिल्म के साथ उतने एंटरटेन नहीं हो पाते जो हार्डकॉर इंडियाना जोन्स के फ़ैन हैं उनकी फ्रेंचाइज के फ़ैन है वो इसको डेफिनेटली देख सकते हैं अदरवाइज़ दूसरे जो ऑडियंस है उसका कुछ खास कह नहीं सकते कि उनको ये फिल्म किस तरह से कैसे पसंद आएगी या नहीं अगर इस फिल्म को देखना चाहते हो तो इंडियाना एंड द फिल्म को तो इस फिल्म को पहले तो थिएटर में रिलीज़ करने से पहले 18 मई 2023 को कैनस फिल्म फेस्टिवल में रिलीज़ किया हुआ था और बाद में 30 जून 2023 को यूएस कनाडा इंडिया चाइना पाकिस्तान जैसे लोकेशंस में इस फिल्म को थिएट्रिकली रिलीज किया हुआ था फिल्म को रिलीज किया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पॉन्स मिला और इसी के साथ इस फिल्म ने आई के ऊपर एक लाख अड़तालीस हजार वोट हासिल किए जिसमें छ पॉइंट छः की रेटिंग हासिल हुई दस में से जहां पे बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म से जो उम्मीद लगाई थी ठीक उसी तरह इस फिल्म ने ओपनिंग तो ली हुई थी लेकिन लेटर ऑन जिस तरह से इस फिल्म ने अपना जो वर्ड ऑफ माउथ थे उतना फेवरेबल नहीं रहा जिसके चलते फिल्म उसके बाद उतना कुछ लंबा रन ली नहीं और डे बाई डे गिरती रही जहाँ पे यूएस कैनेडा से इस फिल्म ने अपने इस फिल्म के लिए करीबन छियालीस सौ थिएटर अब ओपनिंग वीकेंड के लिए बुक किए थे जिसके चलते एक अच्छी रिलीज फिल्म को मिली थी जो इस फिल्म की एक्सपेक्टेशन थी वो काफ़ी बड़ी थी लेकिन पहले एक दो दिन के जो सो रिस्पॉन्स था वो अच्छा था उसके बाद वर्ड ऑफ माउथ के चलते जो वीकेंड है वो डाउन रहा जहाँ पे इस फिल्म ने जो उम्मीद थी उतना कुछ खास कलेक्शन किया नहीं पहले दिन चौबीस यूस मिलियन डॉलर का कलेक्शन था थर्ड रिव्यू से इस फिल्म ने सात पॉइंट दो उ मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया वीकेंड का कलेक्शन था इस फिल्म का जिस तरह डेब्यू किया था वीबन साठ पॉइंट चालीस उलियन डॉलर के साथ डेब्यू किया हुआ था इस फ्रेंचाइज का वैसे देखा जाए तो सेकंड बेस्ट टोटल है अगर जो इन्फ्लेशन है जो एडजस्टमेंट है आ, आ, उस हिसाब से इसके अलावा इस फिल्म को जिस तरह से बनाया गया जिस तरह से खर्चा किया गया था उसके बाद में फिल्म उतना कुछ खास कर ही नहीं बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म को मेन लोकेशंस अमेरिका कनाडा के अलावा 52 अदर कंट्रीज में भी रिलीज किया था जहाँ पे 69.6 यूएस मिलियन डॉलर का ओपनिंग वीकेंड रहा था उसके बाद में इस फिल्म ने एक रन लिया था डिसेंट रन लिया था जहाँ पे 300 सौ मिलियन डॉलर के बजट के सामने तीन सौ यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन करते हुए बॉक्स ऑफिस पे फिल्म एक बिलो एवरेज साबित हुई थी जहाँ पे इस फिल्म के ओ टी टी राइट इंडिया में खरीदे हुए डिजनी प्लस हॉटस्टार वालों ने जिन्होंने इस फिल्म के चार लैंग्वेजेस के राइट्स खरीदे हुए मेन इंग्लिश हिंदी तेलुगु तमिल तीन डब्ड वर्जन है फिलहाल में इंडियाना जॉन्स डायल ऑफ द दे डेस्टिनी जो फिल्म है एंड द डायल ऑफ द दे डेस्टिनी जो फिल्म है उसको ऑफिशियली देखना चाहते हो तो देख सकते हो एम डिजनी प्लस होस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विध सब्सक्रिप्स इंग्लिस ओरिजिनल लैंग्वेज के साथ हिंदी तेलुगु तमिल डब्ड वर्जन में एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि इंडियाना जोन्स एंड द डायल ऑफ द डेस्टिनी जो फिल्म है उसको अगर आपको ऑफिशियली फिलहाल में देखना है तो देख सकते हो डिजनी प्लस होस्टार ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्शन इंग्लिश हिंदी तमिल तेलुगू ये टोटल चार वर्जनस में तो इस तरह से इस फिल्म को ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे एंड द डायल ऑफ़ 2023 की एक अमेरिकन एक्शन एडवेंचर फिल्म है फिल्म को इंग्लिश के साथ साथ इंडिया में हिंदी तमिल तेलुगु जैसे लैंग्वेजेस में भी डब करके रिलीज किया हुआ था एक हाई बजट वाली फिल्म थी जिसको करीबन थ्री यूएस मिलियन डॉलर में बनाया गया था और इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ था जेम्स मैन गोल्ड ने वहीं पे कहानी को जेज बटरवर्थ जॉन हेनरी बटरवर्थ डेविड कॉप और जेम्स मैंगलो मैग मैन गोल्ड ने इसको लिखा हुआ था जहाँ पे स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले इन सभी लोगों ने मिलकर क्रिएट किया हुआ था और जेम्स मैन गोल्ड ने इसको डिरेक्ट किया हुआ था जहाँ पे जो लुकास के द्वारा जो कैरेक्टर्स तैयार किए गए फिलिप कॉन बुक के द्वारा जिंडियाना जोन्स के उसके ऊपर से इस फिल्म की कहानी को डेवलप किया हुआ था कहानी को स्टोरी को डेवलप किया हुआ था जहां पे कैथलिन केनेडी फ्रैंक मार्शल सीमन एम एमान जिन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था वर्ल्ड डिज्नी पिक्चर्स लुका, लुकास फिल्म्स लिमिटेड प्रोडक्शन कंपनीज के नीचे और एक काफी बड़े हाई एंड बजट वाली फिल्म थी करीबन 300 यूएस मिलियन डॉलर जितने बड़े बजट में फिल्म को बनाया हुआ था जिसको वर्ल्ड डिजनी मोशन मौस, स्टूडियो मोशन पिक्चर्स वालों ने फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी थे इस कोईल फिल्म को पहले केनेस में प्रीमियर करवाया गया था अट्ठारह मई 2023 को जहाँ पे जो आ, केनेस का एनुअल फिल्म फेस्टिवल आता है वहाँ पे इस फिल्म को प्रीमियर करवाया था उसके कुछ दिनों के बाद बाद में इस फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया था फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से एक मिनट का रन टाइम सेंसर करवाया था यानी कि फिल्म करीबन दो घंटे चौंतीस मिनट लंबी देखने को मिलेगी इसके अलावा इस फिल्म का जो म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट है उसके ऊपर बातचीत करें तो सिनेमाटोग्राफी हाँ, में माइकल ने की हुई है एडिटिंग है वो माइकल मेकर्स मेकर्स एंड्रयू बकलैंड और डर्क वेस्टरवेल ने इस फिल्म की एडिटिंग की हुई जिन्होंने दो घंटे चौंतीस मिनट यानी कि एक सौ मिनट का रन टाइम दिया हुआ है कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो इंडियाना जोन्स के जो कैरेक्टर्स है वही इसमें आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पे हेरिसन फोर्ड जो डॉक्टर हेनरी जोन्स यानी कि इंडियाना जोन्स जूनियर का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे वहीं पे आ, एंथनी इंग्रोबर ने इस फिल्म में यंगर इंडियाना जोन्स का रोल प्ले किया हुआ है फोब वॉलर ब्रिज ने इस फिल्म में हेलेना शो का रोल प्ले किया हुआ है मेट्स मेकेलेसन ने इस फिल्म में जर्गन वॉलर का रोल प्ले किया हुआ है एंटोनिज पेंट ने इस फिल्म में रेनाल्डो का रोल प्ले किया हुआ है जॉन डेवियस ने इस फिल्म में सलाह का रोल प्ले किया हुआ है टोबी जॉन्स ने इस फिल्म में बासिलसो का रोल प्ले किया हुआ है बॉयड हॉलब्रुक ने इस फिल्म में क्लाबर का रोल प्ले किया हुआ है इथाना इजडोरी ने इस फिल्म में डेडी कुमार का रोल प्ले किया क्रेन एलन इस फिल्म में मेरियन रावन वोड का रोल प्ले किया हुआ है सोनेट रीन विल्सन ने इस फिल्म में एजेंट मैसन का रोल प्ले किया हुआ है थॉमस क्रिस्मैन ने इस फिल्म में कर्नल वेबर का रोल प्ले किया है ओलिवर रिचर्ड सर ने इस फिल्म में हॉक का रोल प्ले किया है मार्क किलिन ने इस फिल्म में पॉन्टिमस का रोल प्ले किया है नजर मेमारजिया ने इस फिल्म में आर्की का रोल प्ले किया हुआ है मार्टिन मैकडोगल ने इस फिल्म में डरकिन का रोल प्ले किया हुआ है अला सफ़ी ने इस फिल्म में अजीज़ राहीम का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा कुछ फोटोग्राफ्स भी दिखाए जाते हैं जहाँ पर अलग अलग कैरेक्टर्स को इस फिल्म में दिखाया हुआ है फोटोग्राफ्स के थ्रू प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो आपको पता ही है कि नाइनटीन में जॉर्ज लुकास और स्टीवन स्पेडबर्ग के द्वारा आप एरामाउंट के द्वारा एक डील करके इंडियाना जोन्स नाम की पाँच फिल्में बनाई गई थी जिसको अलग अलग ईयर में बाद में रिलीज किया गया था उसके बाद में इस फिल्म का लंबे समय से एक ब्रेक आया और उसके बाद में इंडियाना जोन से जो 2023 में बनाई गई है टाइल ऑफ डेस्टिनी वाली सीरीज फिल्म को उसका डेवलपमेंट स्टार्ट किया था जो दो हज़ार के बाद स्टार्ट हुआ था स्टोरी आइडिया आया था मेकर्स को उसके बाद में उसके ऊपर कुछ डेवलपमेंट की गई थी जहाँ पे प्री प्रोडक्शन फिल्म को मार्च 2016 से स्टार्ट किया हुआ था डिज्नी वालों ने अनाउंस भी किया था जहाँ पे उनकी पाँचवीं फिल्म होने वाली जो 19 जुलाई 2019 को रिलीज़ होगी उसके बाद में इस फिल्म के ऊपर पूरी तरह से फोकस किया गया लेकिन बीच में कोविड आ गया जिसके चलते बाद में उसके बीच में इससे पहले जो कोविड के पहले कुछ ऐसी चीजें हुई थी जिसके चलते इस फिल्म को डिले करना पड़ा उसके बाद में कोविड आ चुका था और फिल्म काफी डिले हो गई वो उसके बाद में कास्टिंग के ऊपर काम किया गया जहाँ पे फिल्मिंग के ऊपर बाद में लेटर ऑन काम किया गया था जहाँ पे इस फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी वो चार जून 2021 को स्टार्ट की हुई थी जिसको काफ़ी अलग अलग लोकेशंस में शूट किया हुआ था पिनवुड स्टूडियो से इस फिल्म की शूटिंग की शुरुआत की हुई थी काफ़ी सारे अलग अलग शीड्यूल्स के बाद इस फिल्म को पूरी तरह से रेपअप करवाया था जहाँ पे करीबन 26 फरवरी 2022 तक फिल्म को रेपअप करवाया उसके कुछ दिन यानी करीबन 9 दिन 10 दिन के बाद फिल्म की पोस्ट प्रोडक्शन में काम स्टार्ट हुआ था जहाँ पे फिल्म की एडिटिंग ऑलरेडी शूटिंग के वक्त ही स्टार्ट करवा दी थी जिस वजह से जो पोस्ट प्रोडक्शन में टाइम है वो कम लगे और उसके बाद में उन्होंने इस फिल्म के वी के ऊपर भी काम किया हुआ था जहाँ पे करीबन तेईस सौ इफेक्ट्स इसमें यूज़ किए हुए तो काफ़ी सारे थे सी भी कुछ यूज किए गए थे तो टोटल ये सभी चीज़ें उसको हैंडल की गई थी और उसके बाद में इस फिल्म को पूरी तरह से तैयार किया गया डी एजिंग प्रोसेस में भी इस फिल्म को डाला हुआ था क्योंकि इस फिल्म में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स है जिसकी डी एजिंग भी की हुई थी तो ये सभी चीज़ें जो इस फिल्म के सिक्वेंस के लिए यूज़ की गई थी और उसको म्यूज़िक के साथ बाद में मर्ज भी किया गया था म्यूज़िक के ऊपर बातचीत करें तो आ, इसको 28 जून 2022 से 10 फरवरी 2023 तक रिकॉर्ड किया था 29 जून 2023 तक सभी ट्रैक को रिलीज़ किया था जिसके लेबल थे डिज्नी जिन्होंने अपने पास ही राइट्स रखे थे एक घंटे सात मिनट छः सेकंड का एक टोटल अट्ठारह ट्रैक का एक साउंड ट्रैक था जहाँ पर ये सभी ट्रैक को फिल्म में बैकग्राउंड स्कोर की तरह यूज़ किया हुआ था अभी फिलहाल में उनके द्वारा अवेलेबल किया हुआ है तो उसको वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आप सुन सकते हो इस फिल्म की कहानी के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म की कहानी नाइनटीन नाइन में वर्ल्ड वॉर टू जो हुआ था उसके समय से एड की हुई जहाँ पे हेनरी जॉन्स जूनियर ए के इंडियना जॉन्स जिसका रोल प्ले करे हेरिसन फोर्ड जो नाजिश के द्वारा कैप्चर हुए जहाँ पे जॉन्स इस सर्च के एक किसी की सर्च के फिराक में जहाँ पे लॉन्गिनस लेंस ऑफ लॉगिनोस की सर्च के फिराक में एक्सीडेंटली उसको एंटीकैथ्रा मिल जाते जो डायलॉप डेस्टिनी के नाम से भी जाने जाते स्टोरी बाद में 1969 में मूव करती है जहाँ पे जर्गन वॉलर जो रोल प्ले करे मेट्स मिकलेरसन जो फॉर्मर नाजी थे और एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट हायर करते थे किए थे नासा में तो एंटी काइथरान चाहते हैं अपना पास्ट चेंज करना हेलेना सो जिसका रोल प्ले कर रहे फॉय वॉलर ब्रिज जॉन्स कोटक की गॉड डॉटर है और जो किस डायलॉग डेस्टिनी का एक पार्ट स्नेच करके भागे हुए लेटर वो बाद में उस को जॉइन कर लेते हैं वो फिल्म के फा सेकंड पार्ट में सभी चीज़ें दिखाई जाती है जर्गन वॉलर जो इन सभी चीजों के बाद के पार्ट को ढूंढने के लिए लगा हुआ है अब आगे क्या होगा क्या वो स्नेच के पार्ट ढूंढ पाएंगे क्या हेलेना हेनरी जोन्स से वो अधर पार्ट ढूंढ पाएंगे उसके बाद में जर्गन वोलर का क्या आगे होने वाला है मूवी ये सभी सवाल की जवाब अनफोल्ड करती है तो वही फिल्म की कहानी को पूरी तरह से डेवलप करता है जहाँ पे इस फिल्म की जो कहानी है जो इस फिल्म का जो हो जो कॉन्सेप्ट है जो फिल्म की सीरीज है उससे लोगों को काफी ज्यादा ज्यादा उम्मीदें थी इंडियना जोन्स डायलॉग डेस्टिनी फिल्म से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी क्योंकि ये सी मूवी सीरीज की लास्ट मूवी है जहाँ पे हेरिसन फॉर्ड इस फिल्म फॉर्ड प्ले इंडियना जोन्स का रोल प्ले करे आखिरी बार जहाँ पे जेम्स मैन डायरेक्ट करने वाले स्टीवन स्पीकबर्ग की जगह तो अस्सी साल के हरिसन फोर्ड जो आइकॉनिक रोल इंडियाना जोन्स के लिए जाने जाते जहाँ पे वो फिर से अपने एक्शन स्टाइल में आए एज होजल वो जिस तरह से अपना रोल प्ले कर रहे थे वो देखने में काफ़ी डिलाइटफुल नज़र आता है उनको फिर से एक्शन में देखने में आपको मजा आएगा फिल्म के शुरुआत के बीस मिनट जिस तरह से शोकेस के यंगर इंडियाना जोन्स जो दिखाया हुआ है उस फिल्म के बेस्ट पार्ट है जो उनके फैन है या एक्टर के या फिल्म के उनके लिए बेस्ट पार्ट हो सकता है क्योंकि वो सभी चीज़ें बढ़िया तरीके से कंपोज की हुई थी फॉय वॉलर ब्रिज जो इस फिल्म में हेलेना शो का रोल प्ले करे जो ब्यूटी विद ब्रेन वाला किरदार था जहाँ पे वो परफेक्ट वे में अपने रोल के साथ परफॉर्म करते हुए नजर आती है उनको देखने में आपको मज़ा आएगा प्रोटोकॉनिस के साथ जो एक्शन सिक्वेंस वो करते हुए नजर आते वो सभी चीज़ें देखने में काफ़ी बढ़िया थी इसके अलावा पंद्रह से का कुछ और जो लेंथ वाले चेजिंग सीक्वेंथ पंद्रह से बीस मिनट से ज़्यादा के लेंथ वाले जो चेजिंग सीक्वेंस वो अच्छी तरह से विजुलाइज किए गए थे जो ऑडियंस को पूरी तरह से एज एजॉप सीट वाला मोमेंट क्रिएट करके देते हैं कैमरा वर्क बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के लिए काफ़ी बढ़िया तरीके से इम्प्रेसिव था कुछ ये चेजिंग वाले सीन्स थे वहाँ पर खास करके काफ़ी बढ़िया नज़र आता है इस फिल्म को जिस तरह से बयालीस सालों की फ्रेंचाइज है और लोगों को उससे उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा थी उसकी एंडिंग जिस तरह से एक्सपेक्ट करते वैसी नहीं होती बेटर हो सकती थी इसके अलावा जो इस फिल्म के लीड एक्टर है उसको बेटर वे में फेयरवेल मिलना चाहिए था अनफॉर्चुनेटली इंडिया ना जो द डायर ऑफ डेस्टिनी पूरी तरह से ऑडियंस को एंगेज करने में फेल रहती है राइटिंग काफ़ी प्रोअर थी खास करके सेकेंड हाफ में वीक नज़र आती है राइटिंग फर्स्ट हाफ में काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग और थ्रिलिंग सीन्स डाले हुए थे जो फिल्म को काफ़ी बढ़िया बनाते हैं सेकेंड हाफ वहाँ पे चीज़ें पूरी तरह से फेल हो जाती है इमोशनल बॉन्ड जो क्रिएट किया हुआ है उसको थोड़ा और बेहतर मैनर में, में किया जा सकता है हेनरी सो और हेलेना सो के बीच में इसके अलावा इस फिल्म को जिस तरह से बनाया हुआ है जिस तरह से चीज़ें डेवलप की हुई है उसमें कुछ कन्विंसिंग मैनर में, में दिखाने की कोशिश करते तो और बेहतर रहता चीज़ें थोड़ी और क्रिस्प भी हो सकती थी डायरेक्टर जेम्स मैन गोल्ड उसने कुछ खास तरीके से इस फिल्म को बना नहीं पाए जहाँ पे जिस तरह से उन्होंने कहानी के साथ इस फिल्म को डेवलप किया है वो फर्स्ट हाफ तक डिसेंट था लेकिन सेकंड हाफ़ में पूरी तरह से फेल होता है सिनेमेटोग्राफर म्यूजिक कंपोजर ने अपना काम बखूबी निभाया हुआ है इसके अलावा एडिटर ने इस फिल्म को जिस तरह से बनाया उन्होंने अननेसेसरी सीन सिक्स सेकंड से हाफ में काफ़ी सारे डाले हुए उसको चॉप अप किया जा सकता था तो ओवरऑल सिनेमाटोग्राफी म्यूजिक डिपार्टमेंट फिल्म को काफ़ी हद है तक हैंडल करता हुआ नज़र आता है सेकंड हाफ है वो लेंथी रन टाइम की वजह से ऑडियंस का जो मजा है वो किरकिरा करती है स्क्रीन प्ले भी उतना कुछ खास नहीं था खिंचा हुआ नजर आता है कुल मिला के इंडिया ने जोस द डायलॉग डेस्टिनी एक्शन एडवेंचर जो फिल्म है वो जो एक्सपेक्टेशन हम करते हैं उसके ऊपर खरी नहीं उतरती फोर्ड

पसंद आएगी देखना चाहते हो तो, आ, एंड दा फिल्म, को, तो इस फिल्म को पहले तो थिएटर में रिलीज करने से रिलीज किया हुआ था और बाद में 30 जून 2023 को यूएस कनाडा इंडिया चाइना पाकिस्तान जैसे लोकेशंस में इस फिल्म को थिएट्रिकली रिलीज किया हुआ था फिल्म को रिलीज किया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स मिला और इसी के साथ इस फिल्म ने आई के ऊपर एक लाख अड़तालीस हजार वोट हासिल किए जिसमें छः पॉइंट छः की रेटिंग हासिल हुई दस में से जहां पे बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म से जो उम्मीद लगाई थी ठीक उसी तरह इस फिल्म ने ओपनिंग तो ली हुई थी लेकिन लेटर ऑन जिस तरह से इस फिल्म ने अपना जो वर्ड ऑफ माउथ है उतना फेवरेबल नहीं रहा जिसके चलते फिल्म उसके बाद उतना कुछ लंबा रन ली नहीं और डे बाई डे गिरती रही जहाँ पे यूएस कैनेडा से इस फिल्म ने अपने इस फिल्म के लिए करीबन छियालीस सौ थिएटर अब ओपनिंग वीकेंड के लिए बुक किए थे जिसके चलते एक अच्छी रिलीज फिल्म को मिली थी जो इस फिल्म की एक्सपेक्टेशन थी वो काफ़ी बड़ी थी लेकिन पहले एक दो दिन के जो सो रिस्पॉन्स था वो अच्छा था उसके बाद वर्ड ऑफ माउथ के चलते जो वीकेंड है वो डाउन रहा जहाँ पे इस फिल्म ने जो उम्मीद थी उतना कुछ खास कलेक्शन किया नहीं पहले दिन चौबीस यूस मिलियन डॉलर का कलेक्शन था थर्ड डे प्रीव्यू से इस फिल्म ने सात पॉइंट दो उसे मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया वीकेंड का कलेक्शन था इस फिल्म का जिस तरह डेब्यू किया था वो करीबन साठ पॉइंट चालीस उलियन डॉलर के साथ डेब्यू किया हुआ था इस फ्रेंचाइज का वैसे देखा जाए तो सेकंड बेस्ट टोटल है अगर जो इन्फ्लेशन है जो एडजस्टमेंट है आ, आ, उस हिसाब से इसके अलावा इस फिल्म को जिस तरह से बनाया गया जिस तरह से खर्चा किया गया था उसके बाद में फिल्म उतना कुछ खास कर ही नहीं बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म को मेन लोकेशंस अमेरिका कनाडा के अलावा 52 अदर कंट्रीज में भी रिलीज किया था जहाँ पे 69.6 यूएस मिलियन डॉलर का ओपनिंग वीकेंड रहा था उसके बाद में इस फिल्म ने एक रन लिया था डिसेंट रन लिया था जहाँ पे तीन यूएस मिलियन डॉलर के बजट के सामने तीन यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन करते हुए बॉक्स ऑफिस पे फिल्म एक बिलो एवरेज साबित हुई थी जहाँ पे इस फिल्म के ओ टी टी राइट इंडिया में खरीदे हुए डिजनी प्लस हॉटस्टार वालों ने जिन्होंने इस फिल्म के चार लैंग्वेजेस के राइट्स खरीदे हुए मेन इंग्लिश हिंदी तेलुगु तमिल तीन डब्ड वर्जन है फिलहाल में इंडियाना जॉन्स डायल ऑफ द दे डेस्टिनी जो फिल्म है एंड द डायल ऑफ द दे डेस्टिनी जो फिल्म है उसको ऑफिशियली देखना चाहते हो तो देख सकते हो एम डिजनी प्लस होस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विध सब्सक्रिप्स इंग्लिस ओरिजिनल लैंग्वेज के साथ हिंदी तेलुगु तमिल डब्ड वर्जन में एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि इंडियाना जोन्स एंड द डायल ऑफ द डेस्टिनी जो फिल्म है उसको अगर आपको ऑफिशियली फिलहाल में देखना है तो देख सकते हो डिजनी प्लस हॉट स्टार ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन इंग्लिश हिंदी तमिल तेलुगू ये टोटल चार वर्जनस में तो इस तरह से फिल्म को ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे द डायल ऑफ डेस्टिनी जो साथ साथ इंडिया में हिंदी तमिल तेलुगु जैसे करीब यूएस मिलियन डॉलर में बनाया गया था और इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ था जेम्स मैनगोल्ड ने वहीं पर कहानी को जेज बटरवर्थ जॉन हेनरी बटरवर्थ डेविड कॉप और जेम्सोनगोल्ड ने इसको लिखा हुआ था जहां पे स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले इन सभी लोगों ने मिलकर क्रिएट किया हुआ था और जेम्स मेन गोल्ड ने इसको डिरेक्ट किया हुआ था जहाँ पे जो लुकास के द्वारा जो कैरेक्टर्स तैयार किए गए फिलिप कॉन्फमैन के द्वारा इंडियाना जोन्स के उसके ऊपर से इस फिल्म की कहानी को डेवलप किया हुआ था कहानी को स्टोरी को डेवलप किया हुआ था जहाँ पे कैथलिन कैनेडी फ्रेंक मार्सल सीमन एम एमान्यूल जिन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था वर्ल्ड डिज्नी पिक्चर्स लुका लुकास फिल्म्स लिमिटेड प्रोडक्शन कंपनीज के नीचे और एक काफ़ी बड़े हाई एंड बजट वाली फिल्म थी करीबन थ्री यूएस मिलियन डॉलर जितने बड़े बजट में फिल्म को बनाया हुआ था जिसको वर्ल्ड डिजनी मोशन मौस, स्टूडियो मोशन पिक्चर्स वालों ने फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी थे इस कोल फिल्म को पहले केनेस में प्रीमियर करवाया गया था अट्ठारह मई 2023 को जहाँ पे जो आ, केनेस का एनुअल फिल्म फेस्टिवल है वहाँ पे इस फिल्म को प्रीमियर करवाया था उसके कुछ दिनों के बाद बाद में इस फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया था फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से एक मिनट का रन टाइम सेंसर करवाया था यानी कि फिल्म करीबन दो घंटे चौंतीस मिनट लंबी देखने को मिलेगी इसके अलावा इस फिल्म का जो म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट है उसके ऊपर बातचीत करें तो सिनेमाटोग्राफी फिद हाँ, पापा माइकल ने की हुई है एडिटिंग है वो माइकल मेकर्स मेकर्स मेकर और डर्क वेस्टरवेल ने इस फिल्म की एडिटिंग की हुई जिन्होंने दो घंटे चौंतीस मिनट यानी कि एक सौ मिनट का रन टाइम दिया हुआ है कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो इंडियाना जोन्स के जो कैरेक्टर्स है वही इसमें आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पे हेरिसन फोर्ड जो डॉक्टर हेनरी जोन्स यानी कि इंडियाना जोन्स जूनियर का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे वहीं पे आ, एंथनी इंग्रोबर ने इस फिल्म में यंगर राज इंडियाना जोन्स का रोल प्ले किया हुआ है फोय वॉलर ब्रिज ने इस फिल्म में हेलेना शो का रोल प्ले किया हुआ है मेट्स मेकेलेसन ने इस फिल्म में जर्गन वॉलर का रोल प्ले किया हुआ है एंटोनिज पेंटेरास ने इस फिल्म में रेनाल्डो का रोल प्ले किया हुआ है जॉन राइज डेवियस ने इस फिल्म में सलाह का रोल प्ले किया हुआ है टोबी जॉन्स ने इस फिल्म में बासिल्सो का रोल प्ले किया हुआ है बॉयड हॉलब्रुक ने इस फिल्म में क्लाबर का रोल प्ले किया हुआ है इथाना इजटोरी ने इस फिल्म में डेडी कुमार का रोल प्ले किया क्रेन एलन इस फिल्म में मेरियन रावन वोड का रोल प्ले किया हुआ है सोनेट रिन विल्सन ने इस फिल्म में एजेंट मैसन का रोल प्ले किया हुआ है थॉमस क्रिस्मैन ने इस फिल्म में कर्नल वेबर का रोल प्ले किया है ओलिवर रिचर्ड सर ने इस फिल्म में हॉक का रोल प्ले किया है मार्क किलिन ने इस फिल्म में पॉन्टिमस का रोल प्ले किया हुआ है नजर मेमारजिया ने इस फिल्म में आर्की का रोल प्ले किया हुआ है मार्टिन मैकडोगल ने इस फिल्म में डरकिन का रोल प्ले किया हुआ है अल्ला सफ़ी ने इस फिल्म में अजीज़ राहीम का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा कुछ फोटोग्राफ्स भी दिखाए जाते हैं जहाँ पर अलग अलग कैरेक्टर्स को इस फिल्म में दिखाया हुआ है फोटोग्राफ्स के थ्रू प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो आपको पता ही है कि नाइनटीन में जॉर्ज लुकास और स्टीवन स्पेडबर्ग के द्वारा आपेरामाउंट के द्वारा एक डील करके इंडियाना जोन्स नाम की पाँच फिल्में बनाई गई थी जिसको अलग अलग ईयर में बाद में रिलीज़ किया गया था उसके बाद में इस फिल्म का लंबे समय से एक ब्रेक आया और उसके बाद में इंडियना जोन से जो 2023 में बनाई गई है टाइल ऑफ डेस्टिनी वाली सीरीज फिल्म को उसका डेवलपमेंट स्टार्ट किया था जो दो हज़ार दो हज़ार पंद्रह के बाद स्टार्ट हुआ था स्टोरी आइडिया आया था मेकर्स को उसके बाद में उसके ऊपर कुछ डेवलपमेंट की गई थी जहाँ पे प्री प्रोडक्शन फिल्म को मार्च दो हज़ार सोलह से स्टार्ट किया हुआ था डिज्नी वालों ने अनाउंस भी किया था जहाँ पे उनकी पाँचवीं फिल्म होने वाली जो उन्नीस जुलाई दो हज़ार उन्नीस को रिलीज़ होगी उसके बाद में इस फिल्म के ऊपर पूरी तरह से फोकस किया गया लेकिन बीच में कोविड आ गया जिसके चलते बाद में उसके बीच में इससे पहले जो कोविड के पहले कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी जिसके चलते इस फिल्म को डिले करना पड़ा उसके बाद में कोविड आ चुका था और फिल्म काफ़ी डिले हो गई वो उसके बाद में कास्टिंग के ऊपर काम किया गया जहाँ पे फिल्मिंग के ऊपर बाद में लेटर ऑन काम किया गया था जहाँ पे इस फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी वो चार जून 2021 को स्टार्ट की हुई थी जिसको काफी अलग अलग लोकेशंस में शूट किया हुआ था पिनवुड वो स्टूडियो से इस फिल्म की शूटिंग की शुरुआत की हुई थी काफ़ी सारे अलग अलग शेड्यूल्स के बाद इस फिल्म को पूरी तरह से रेपअप करवाया था जहाँ पे करीबन 26 फरवरी 2022 तक फिल्म को रेपअप करवाया उसके कुछ दिन यानी करीबन 9 दिन 10 दिन के बाद फिल्म की पोस्ट प्रोडक्शन में काम स्टार्ट हुआ था जहाँ पे फिल्म की एडिटिंग ऑलरेडी शूटिंग के वक्त ही स्टार्ट करवा दी थी जिस वजह से जो पोस्ट प्रोडक्शन में टाइम है वो कम लगे और उसके बाद में उन्होंने इस फिल्म के वी के ऊपर भी काम किया हुआ था जहाँ पे करीबन तेईस सौ पचास इफेक्ट्स इसमें यूज़ किए हुए तो काफ़ी सारे थे सी भी कुछ यूज किए गए थे तो टोटल ये सभी चीज़ें उसको हैंडल की गई थी और उसके बाद में इस फिल्म को पूरी तरह से तैयार किया गया डी एजिंग प्रोसेस में भी इस फिल्म को डाला हुआ था क्योंकि इस फिल्म में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स है जिसकी डी एजिंग भी की हुई थी तो ये सभी चीज़ें जो इस फिल्म के सीक्वेंस के लिए यूज़ की गई थी और उसको म्यूजिक के साथ बाद में मर्ज भी किया गया था म्यूज़िक के ऊपर बातचीत करें तो इसको 28 जून 2022 से 10 फरवरी 2023 तक रिकॉर्ड किया था 29 जून 2023 तक सभी ट्रैक को रिलीज किया था जिसके लेबल थे वोल्ट डिज्नी जिन्होंने अपने पास ही राइट्स रखे थे एक घंटे सात मिनट छः सेकंड का एक टोटल अट्ठारह ट्रैक का एक साउंड ट्रैक था जहाँ पे ये सभी ट्रैक को फिल्म में बैकग्राउंड स्कोर की तरह यूज़ किया हुआ था अभी फिलहाल में उनके द्वारा अवेलेबल किया हुआ है तो उसको वीडियो फॉर्मेट में आप सुन सकते हो इस फिल्म की कहानी के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म की कहानी नाइनटीन में वर्ल्ड वॉर टू जो हुआ था उसके समय से एड की हुई जहाँ पे हेनरी जॉन्स जूनियर ए के इंडियना जॉन्स जिसका रोल प्ले करे हेरिसन फोर्ड जो नाजिश के द्वारा कैप्चर हुए जहाँ पे जॉन्स इस सर्च के एक किसी की सर्च के फिराक में जहाँ पे लॉन्गिनस लेंस ऑफ लॉगिनस की सर्च के फिराक में एक्सीडेंटली उसको एंटी मिल जाते जो डायलॉप डेस्टिनी के नाम से भी जाने जाते स्टोरी बाद में 1969 में मूव करती है जहाँ पे जर्गन वॉलर जो रोल प्ले करे मेट्स मिकलेरसन जो फॉर्मर नाजी थे और एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट हायर करते थे किए थे नासा में तो एंटी काइथरान चाहते हैं अपना पास्ट चेंज करना हेलेना सो जिसका रोल प्ले कर रहे फॉय वॉलर ब्रिज जोन्स गोटक की गोड डॉटर है और जो किस डायलॉग डेस्टिनी का एक पार्ट स्नेच करके भागे हुए लेटर वो बाद में उस को जॉइन कर लेते हैं वो फिल्म के फाउ सेकंड पार्ट में सभी चीज़ें दिखाई जाती है जर्गन वॉलर जो इन सभी चीज़ों के बाद वो स्नेच के पार्ट को ढूंढने के लिए लगा हुआ है अब आगे क्या होगा क्या वो स्नेच के पार्ट ढूंढ पाएंगे क्या हेलेना हेनरी जोन्स से वो अधर पार्ट ढूंढ पाएंगे उसके बाद में जर्गन वोलर का क्या आगे होने वाला है मूवी ये सभी सवाल की जवाब अनफोल्ड करती है तो वही फिल्म की कहानी को पूरी तरह से डेवलप करता है जहाँ पे इस फिल्म की जो कहानी है जो इस फिल्म का जो हो जो कॉन्सेप्ट है जो फिल्म की सीरीज है उससे लोगों को काफी ज्यादा ज्यादा उम्मीदें थी इंडियना जोन्स डायलॉग डेस्टिनी फिल्म से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी क्योंकि ये सी मूवी सीरीज की लास्ट मूवी है जहाँ पे हेरिसन फॉर्ड इस फिल्म फॉर्ड प्ले इंडियना जोन्स का रोल प्ले करे आखिरी बार जहाँ पे जेम्स मैन गोल्ड डायरेक्ट करने वाले स्टीवन स्पीकबर्ग की जगह तो अस्सी साल के हरिसन फोर्ड जो आइकॉनिक रोल इंडियाना जोन्स के लिए जाने जाते जहाँ पे वो फिर से अपने एक्शन स्टाइल में आए एज यूजुअल, वो जिस तरह से अपना रोल प्ले कर रहे थे वो देखने में काफ़ी डिलाइटफुल फुट नज़र आता है उनको फिर से एक्शन में देखने में आपको मज़ा आएगा फिल्म के शुरुआत के बीस मिनट जिस तरह से सोकेस के यंगर इंडियाना जोन्स जो दिखाया हुआ है उस फिल्म के बेस्ट पार्ट है जो उनके फैन है या एक्टर के या फिल्म के उनके लिए बेस्ट पार्ट हो सकता है क्योंकि वो सभी चीज़ें बढ़िया तरीके से कंपोज की हुई थी फॉय वॉलर ब्रिज जो इस फिल्म में हेलेना सो का रोल प्ले करे जो ब्यूटी विद ब्रेन वाला किरदार था जहाँ पे वो परफेक्ट वे में अपने रोल के साथ परफॉर्म करते हुए नजर आती है उनको देखने में आपको मज़ा आएगा प्रोटोकॉनिस के साथ जो एक्शन सिकवेंस वो करते हुए नजर आते वो सभी चीज़ें देखने में काफ़ी बढ़िया थी इसके अलावा पंद्रह से कुछ और जो लेंथ वाले चेजिंग सीक्वेंस थे पंद्रह से बीस मिनट से ज़्यादा के लेंथ वाले जो चेजिंग सीक्वेंस थे वो अच्छी तरह से विजुलाइज किए गए थे जो ऑडियंस को पूरी तरह से एज एजॉप सीट वाला मोमेंट क्रिएट करके देते हैं कैमरा वर्क बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के लिए काफ़ी बढ़िया तरीके से इम्प्रेसिव था कुछ ये चेजिंग वाले सीन्स थे वहाँ पर खास करके काफ़ी बढ़िया नज़र आता है इस फिल्म को जिस तरह से बयालीस सालों की एक फ्रेंचाइज है और लोगों को उससे उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा थी उसकी एंडिंग जिस तरह से एक्सपेक्ट करते वैसी नहीं होती बेटर हो सकती थी इसके अलावा जो इस फिल्म के लीड एक्टर है उसको बेटर वे में फेयरवेल मिलना चाहिए था अनफॉर्चुनेटली इंडिया ना जो द डायर ऑफ डेस्टिनी पूरी तरह से ऑडियंस को एंगेज करने में फेल रहती है राइटिंग काफ़ी प्रोअर थी खास करके सेकेंड हाफ में वीक नजर आती है राइटिंग फर्स्ट हाफ में काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग और थ्रिलिंग सीन्स डाले हुए थे जो फिल्म को काफ़ी आ, बढ़िया बनाते है सेकेंड हाफ वहाँ पे चीज़ें पूरी तरह से फेल हो जाती है इमोशनल बॉन्ड जो क्रिएट किया हुआ है उसको थोड़ा और बेहतर मैनर में किया जा सकता है हेनरी जोस और हेलेना सो के बीच में इसके अलावा इस फिल्म को जिस तरह से बनाया हुआ है जिस तरह से चीज़ें डेवलप की हुई है उसमें कुछ कन्विंसिंग मैनर में दिखाने की कोशिश करते तो और बेहतर रहता चीज़ें थोड़ी और क्रिस्पी हो सकती थी डायरेक्टर जेम्स मैन गोल्ड उसने कुछ खास तरीके से इस फिल्म को बना नहीं पाए जहाँ पे जिस तरह से उन्होंने कहानी के साथ इस फिल्म को डेवलप किया है वो फर्स्ट हाफ तक डिसेंट था लेकिन सेकंड हाफ़ में पूरी तरह से फेल होता है सिनेमेटोग्राफर म्यूजिक कंपोजर ने अपना काम बखूबी निभाया हुआ है इसके अलावा एडिटर ने इस फिल्म को जिस तरह से बनाया उन्होंने अननेसेसरी सिक्स सेकंड हाफ में काफ़ी सारे डाले हुए उसको चॉप अप किया जा सकता था तो ओवरऑल सिनेमाटोग्राफी म्यूजिक डिपार्टमेंट फिल्म को काफ़ी हद है तक हैंडल करता हुआ नज़र आता है सेकंड हाफ है वो लेंथी रन टाइम की वजह से ऑडियंस का जो मजा है वो किरकिरा करती है स्क्रीन प्ले भी उतना कुछ खास नहीं था खींचा हुआ नजर आता है कुल मिला के इंडिया ने जोस द डायलॉग डेस्टिनी एक्शन एडवेंचर जो फिल्म है वो जो एक्सपेक्टेशन हम करते उसके ऊपर खरी नहीं उतरती फोर्ड के द्वारा एक अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर हुई है कई कुछ बढ़िया एक्शन सीक्वेंस भी देखने को मिलते हैं लेकिन फिल्म का सेकंड हाफ पूरी तरह से खराब निकलता है जिसके चलते हम फिल्म के साथ उतने एंटरटेन नहीं हो पाते जो हार्डकोर इंडियाना जोन्स के फैन है उनकी फ्रेंचाइज के फैन है वो इसको डेफिनेटली देख सकते अदरवाइज दूसरे जो ऑडियंस है उसका कुछ खास कह नहीं सकते कि उनको ये फिल्म किस तरह से कैसे पसंद आएगी या नहीं अगर इस फिल्म को देखना चाहते हो तो इंडिया कोई दो हजार फिल्म को तो कैनस तो और बाद में 30 जून 2023 को यूएस कनाडा इंडिया चाइना पाकिस्तान जैसे लोकेशंस में इस फिल्म को थिएट्रिकली रिलीज किया हुआ था फिल्म को रिलीज किया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से मिक्स मिला और इसी के साथ इस फिल्म ने आई के ऊपर एक लाख अड़तालीस हजार वोट हासिल किए जिसमें छः पॉइंट छः की रेटिंग हासिल हुई दस में से जहां पे बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म से जो उम्मीद लगाई थी ठीक उसी तरह इस फिल्म ने ओपनिंग तो ली हुई थी लेकिन लेटर ऑन जिस तरह से इस फिल्म ने अपना जो वर्ड ऑफ माउथ है उतना फेवरेबल नहीं रहा जिसके चलते फिल्म उसके बाद उतना कुछ लंबा रन ली नहीं और डे बाई डे गिरती रही जहाँ पे यूएस कैनेडा से इस फिल्म ने अपने इस फिल्म के लिए करीबन छियालीस सौ थिएटर अब ओपनिंग वीकेंड के लिए बुक किए थे जिसके चलते एक अच्छी रिलीज फिल्म को मिली थी जो इस फिल्म की एक्सपेक्टेशन थी वो काफ़ी बड़ी थी लेकिन पहले एक दो दिन के जो सो रिस्पॉन्स था वो अच्छा था उसके बाद वाड ऑफ माउथ के चलते जो वीकेंड है वो डाउन रहा जहाँ पे इस फिल्म ने जो उम्मीद थी उतना कुछ खास कलेक्शन किया नहीं पहले दिन चौबीस यूस मिलियन डॉलर का कलेक्शन था थर्ड डे प्रीव्यू से इस फिल्म ने सात पॉइंट दो उसे मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया वीकेंड का कलेक्शन था इस फिल्म का जिस तरह डेब्यू किया था वो करीबन साठ पॉइंट चालीस उलियन डॉलर के साथ डेब्यू किया हुआ था इस फ्रेंचाइज का वैसे देखा जाए तो सेकंड बेस्ट टोटल है अगर जो इन्फ्लेशन है जो एडजस्टमेंट है आ, आ, उस हिसाब से इसके अलावा इस फिल्म को जिस तरह से बनाया गया जिस तरह से खर्चा किया गया था उसके बाद में फिल्म उतना कुछ खास कर ही नहीं बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म को मेन लोकेशंस अमेरिका कनाडा के, के अलावा 52 अदर कंट्रीज में भी रिलीज किया था जहाँ पे 69.6 यूएस मिलियन डॉलर का ओपनिंग वीकेंड रहा था उसके बाद में इस फिल्म ने एक रन लिया था डिसेंट रन लिया था जहाँ पे तीन यूएस मिलियन डॉलर के बजट के सामने तीन यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन करते हुए बॉक्स ऑफिस पे फिल्म एक बिलो एवरेज साबित हुई थी जहाँ पे इस फिल्म के ओ टी टी राइट्स ही इंडिया में खरीदे हुए डिजनी प्लस हॉटस्टार वालों ने जिन्होंने इस फिल्म के चार लैंग्वेजेस के राइट्स खरीदे हुए मेन इंग्लिश हिंदी तेलुगू तमिल तीन डब्ड वर्जन है फिलहाल में इंडियाना जोन्स डायल ऑफ़ द डेस्टिनी जो फिल्म है एंड द डायल ऑफ द डेस्टिनी जो फिल्म है उसको ऑफिशियली देखना चाहते हो तो देख सकते हो एम डिजनी प्लस होस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विध सब्सक्रिप्स इंग्लिश ओरिजिनल लैंग्वेज के साथ हिंदी तेलुगू तमिल डब्ड वर्जन में एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि इंडियाना जोन्स एंड द डायल ऑफ द डेस्टिनी जो फिल्म है उसको अगर आपको ऑफिशियली फिलहाल में देखना है तो देख सकते हो डिजनी प्लस होस्टार ओटी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन इंग्लिश हिंदी तमिल तेलुगू ये टोटल चार वर्जन में तो इस तरह से फिल्म को ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे इंडियाना जॉन्स एंड द डायल ऑफ डेस्टिनी जो 2023 की एक अमेरिकन एक्शन एडवेंचर फिल्म है फिल्म को इंग्लिश के साथ साथ इंडिया में हिंदी तमिल तेलुगु जैसे लैंग्वेजेस में भी डब करके रिलीज किया हुआ था एक हाई एंड बजट वाली फिल्म थी जिसको करीबन 300 यूएस मिलियन डॉलर में बनाया गया था और इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ था जेम्स मैन ने वहीं पे कहानी को जेज बटरवर्थ जॉन हेनरी बटरवर्थ डेविड कॉप और जेम्स मैंगो मैन गोल्ड ने इसको लिखा हुआ था जहाँ पे स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले इन सभी लोगों ने मिलकर क्रिएट किया हुआ था और जेम्स मैन ने इसको डिरेक्ट किया हुआ था जहाँ पे जॉर्ज लुकास के द्वारा जो कैरेक्टर्स तैयार किए गए फिलिप कॉन बुक के द्वारा इंडियाना जोन्स के उसके ऊपर से इस फिल्म की कहानी को डेवलप किया हुआ था कहानी को स्टोरी को डेवलप किया हुआ था जहाँ पे कैथलिन केनेडी फ्रेंक मार्शल सिमन एमूनल एमान्यूअल जिन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था वर्ल्ड डिज्नी पिक्चर्स लुका लुकास फिल्म लिमिटेड प्रोडक्शन कंपनीज के नीचे और एक काफ़ी बड़े हाई एंड बजट वाली फिल्म थी करीबन थ्री हंड्रेड यू मिलियन डॉलर जितने बड़े बजट में फिल्म को बनाया हुआ था जिसको वर्ल्ड डिजनी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स वालों ने फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी थे इस कुल फिल्म को पहले केनेस में प्रीमियर करवाया गया था अट्ठारह मई 2023 को जहाँ पे जो केनेस का एनुअल फिल्म फेस्टिवल होता है वहाँ पे इस फिल्म को प्रीमियर करवाया था उसके कुछ दिनों के बाद बाद में इस फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया था फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से एक मिनट का रन टाइम सेंसर करवाया था यानी कि फिल्म करीबन दो घंटे चौंतीस मिनट लंबी देखने को मिलेगी इसके अलावा इस फिल्म का जो म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट है उसके ऊपर बातचीत करें तो सिनेमाटोग्राफी फेडन पाम आ, पापा में माइकल ने की हुई है एडिटिंग है वो माइकल मेकर्स मेकर्स एंड्रयू बकलैंड और डर्क वेस्टरवेल ने इस फिल्म की एडिटिंग की हुई है जिन्होंने दो घंटे चौंतीस मिनट यानी कि एक सौ मिनट का रन टाइम दिया हुआ है कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो इंडियाना जोन्स के जो कैरेक्टर्स है वही इसमें आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पे हेरिसन फोर्ड जो डॉक्टर हेनरी जोन्स यानी कि इंडियाना जोन्स जूनियर का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे वहीं पे एंथनी इंग्रोबर ने इस फिल्म में यंगर इंडियाना जोन्स का रोल प्ले किया हुआ है फॉइब वॉलर ब्रिज ने इस फिल्म में हेलेना शो का रोल प्ले किया हुआ है मेट्स मेकेलेसन ने इस फिल्म में जर्गन वॉलर का रोल प्ले किया हुआ है एंटोनिज पेंट ने इस फिल्म में रेनाल्डो का रोल प्ले किया हुआ है जॉन डेवियस ने इस फिल्म में सलाह का रोल प्ले किया हुआ है टोबी जॉन्स ने इस फिल्म में बासिल्सो का रोल प्ले किया हुआ है बॉयड हॉलब्रुक ने इस फिल्म में क्लाबर का रोल प्ले किया हुआ है इथाना इजडोरी ने इस फिल्म में टेडी कुमार का रोल प्ले किया क्रेन एलन इस फिल्म में मेरियन रावन वोड का रोल प्ले किया हुआ है सोनेट रिन विल्सन ने इस फिल्म में एजेंट मैसन का रोल प्ले किया हुआ है थॉमस क्रिस्मैन ने इस फिल्म में कर्नल वेबर का रोल प्ले किया है ओलिवर रिचर्ड सर ने इस फिल्म में हॉक का रोल प्ले किया मार्क किलिन ने इस फिल्म में पॉन्टिमस का रोल प्ले किया हुआ है नजर मेमारजिया ने इस फिल्म में आर्की का रोल प्ले किया हुआ है मार्टिन मैकडोगल ने इस फिल्म में डरकिन का रोल प्ले किया हुआ है अल्लाह सफ़ी ने इस फिल्म में अजीज रहीम का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा कुछ फोटोग्राफ्स भी दिखाए जाते हैं जहाँ पे अलग अलग कैरेक्टर्स को इस फिल्म में दिखाया हुआ है फोटोग्राफ्स के थ्रू प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो आपको पता ही है कि नाइनटीन में जॉर्ज लुकास और स्टीवन स्पेडबर्ग के द्वारा आप एरामाउंट के द्वारा एक डील करके इंडियाना जोन्स नाम की पाँच फिल्में बनाई गई थी जिसको अलग अलग ईयर में बाद में रिलीज किया गया था उसके बाद में इस फिल्म का लंबे समय से एक ब्रेक आया और उसके बाद में इंडियाना जोन से जो 2023 में बनाई गई है टाइल ऑफ डेस्टिनी वाली सीरीज फिल्म को उसका डेवलपमेंट स्टार्ट किया था जो दो हज़ार दो हज़ार पंद्रह के बाद स्टार्ट हुआ था स्टोरी आइडिया आया था मेकर्स को उसके बाद में उसके ऊपर कुछ डेवलपमेंट की गई थी जहाँ पे प्री प्रोडक्शन फिल्म को मार्च दो हज़ार सोलह से स्टार्ट किया हुआ था डिज्नी वालों ने अनाउंस भी किया था जहाँ पे उनकी पाँचवीं फिल्म होने वाली जो उन्नीस जुलाई दो हज़ार उन्नीस को रिलीज़ होगी उसके बाद में इस फिल्म के ऊपर पूरी तरह से फोकस किया गया लेकिन बीच में कोविड आ गया जिसके चलते बाद में उसके बीच में इससे पहले जो कोविड के पहले कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी जिसके चलते इस फिल्म को डिले करना पड़ा उसके बाद में कोविड आ चुका था और फिल्म काफ़ी डिले हो गई वो उसके बाद में कास्टिंग के ऊपर काम किया गया जहाँ पे फिल्मिंग के ऊपर बाद में लेटर ऑन काम किया गया था जहाँ पे इस फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी वो चार जून 2021 को स्टार्ट की हुई थी जिसको काफ़ी अलग अलग लोकेशंस में शूट किया हुआ था पिनवुड वो स्टूडियो से इस फिल्म की शूटिंग की शुरुआत की हुई थी काफ़ी सारे अलग अलग शीड्यूल्स के बाद इस फिल्म को पूरी तरह से रेपअप करवाया था जहाँ पे करीबन 26 फरवरी 2022 तक फिल्म को रेपअप करवाया उसके कुछ दिन यानी करीबन 9 दिन 10 दिन के बाद फिल्म की पोस्ट प्रोडक्शन में काम स्टार्ट हुआ था जहाँ पे फिल्म की एडिटिंग ऑलरेडी शूटिंग के वक्त ही स्टार्ट करवा दी थी जिस वजह से जो पोस्ट प्रोडक्शन में टाइम है वो कम लगे और उसके बाद में उन्होंने इस फिल्म के वी के ऊपर भी काम किया हुआ था जहाँ पे करीबन तेईस सौ पचास इफेक्ट्स इसमें यूज किए हुए तो काफ़ी सारे थे सी भी कुछ यूज किए गए थे तो टोटल ये सभी चीज़ें उसको हैंडल की गई थी और उसके बाद में इस फिल्म को पूरी तरह से तैयार किया गया डी एजिंग की प्रोसेस में भी इस फिल्म को डाला हुआ था क्योंकि इस फिल्म में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स है जिसकी डी एजिंग भी की हुई थी तो ये सभी चीज़ें जो इस फिल्म के सिक्वेंस के लिए यूज़ की गई थी और उसको म्यूज़िक के साथ बाद में मर्ज भी किया गया था म्यूज़िक के ऊपर बातचीत करें तो इसको 28 जून 2022 से 10 फरवरी 2023 तक रिकॉर्ड किया था 29 जून 2023 तक सभी ट्रैक को रिलीज़ किया था जिसके लेबल थे वोल्ड डिज्नी जिन्होंने अपने पास ही राइट्स रखे थे एक घंटे सात मिनट छः सेकंड का एक टोटल अट्ठारह ट्रैक का एक साउंड ट्रैक था जहाँ पर ये सभी ट्रैक को फिल्म में बैकग्राउंड स्कोर की तरह यूज़ किया हुआ था अभी फिलहाल में उनके द्वारा अवेलेबल किया हुआ है तो उसको वीडियो फॉर्मेट में तो आप सुन सकते हो इस फिल्म की कहानी के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म की कहानी नाइनटीन में वर्ल्ड वॉर टू जो हुआ था उसके समय से एड की हुई जहाँ पे हेनरी जॉन्स जूनियर ए के इंडियना जॉन्स जिसका रोल प्ले करे हेरिसन फोर्ड जो नाजिश के द्वारा कैप्चर हुए जहाँ पे जॉन्स इस सर्च के ऊपर एक किसी की सर्च के फिराक में जहाँ पे लॉन्गिनस लेंस ऑफ लॉगिनस की सर्च के फिराक में एक्सीडेंटली उसको एंटीकैथ्रा मिल जाते जो डायल ऑफ डेस्टिनी के नाम से भी जाने जाते स्टोरी बाद में 1969 में मूव करती है जहाँ पे जर्गन वॉलर जो रोल प्ले करे मेट्स मिकलेरसन जो फॉर्मर नाजी थे और एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट हायर करते थे किए थे नासा में तो एंटी काइथरान चाहते हैं अपना पास चेंज करना हेलेना सो जिसका रोल प्ले कर रहे फॉय वॉलर ब्रिज जॉन्स कोटक की गोड डॉटर है और जो किस डायलॉग डेस्टिनी का एक पार्ट स्नेच करके भागे हुए लेटर वो बाद में उस को जॉइन कर लेते हैं वो फिल्म के फा सेकेंड पार्ट में सभी चीज़ें दिखाई जाती है जर्गन वॉलर जो इन सभी चीज़ों के बाद वो स्नेच के पार्ट को ढूंढने के लिए लगा हुआ है अब आगे क्या होगा क्या वो स्नेच के पार्ट ढूंढ पाएंगे क्या हेलेना हेनरी जोन्स से वो अधर पार्ट ढूंढ पाएंगे उसके बाद में जर्गन वोलर का क्या आगे होने वाला है मूवी ये सभी सवाल की जो अब अनफोल्ड करती है तो वही फिल्म की कहानी को पूरी तरह से डेवलप करता है जहाँ पे इस फिल्म की जो कहानी है जो इस फिल्म का जो हो जो कॉन्सेप्ट है जो फिल्म की सीरीज है उससे लोगों को काफ़ी ज्यादा ज्यादा उम्मीदें थी इंडियना जोन्स डायलॉग डेस्टिनी फिल्म से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी क्योंकि ये सी मूवी सीरीज की लास्ट मूवी है जहाँ पे हेरिसन फॉल्ड इस फिल्म फॉर्ड प्ले इंडियना जोन्स का रोल प्ले करे आखिरी बार जहाँ पे जेम्स मैन गोल्ड डायरेक्ट करने वाले स्टीवन स्पीकबर्ग की जगह तो अस्सी साल के हरिसन फोर्ड जो आइकॉनिक रोल इंडियाना जोन्स के लिए जाने जाते जहाँ पे वो फिर से अपने एक्शन स्टाइल में आए हुए एज यूजुअल, वो जिस तरह से अपना रोल प्ले कर रहे थे वो देखने में काफ़ी डिलाइटफुल फुट नज़र आता है उनको फिर से एक्शन में देखने में आपको मज़ा आएगा फिल्म के शुरुआत के बीस मिनट जिस तरह से जोकेस के यंगर इंडियाना जोन्स जो दिखाया हुआ है उस फिल्म के बेस्ट पार्ट है जो उनके फैन है एक्टर के या फिल्म के उनके लिए बेस्ट पार्ट हो सकता है क्योंकि वो सभी चीज़ें बढ़िया तरीके से कंपोज की हुई थी फॉय वॉलर ब्रिज जो इस फिल्म में हेलेना शो का रोल प्ले करे जो ब्यूटी विद ब्रेन वाला किरदार था जहाँ पे वो परफेक्ट वे में अपने रोल के साथ परफॉर्म करते हुए नज़र आती है उनको देखने में आपको मज़ा आएगा प्रोटोकॉनिस के साथ जो एक्शन सिक्वेंस वो करते हुए नजर आते वो सभी चीज़ें देखने में काफ़ी बढ़िया थी इसके अलावा पंद्रह से कुछ और जो लेंथ वाले चेजिंग सीक्वेंस थे पंद्रह से बीस मिनट से ज़्यादा के लेंथ वाले जो चेजिंग सीक्वेंस थे वो अच्छी तरह से विजुलाइज किए गए थे जो ऑडियंस को पूरी तरह से एज एजॉप सीट वाला मोमेंट क्रिएट करके देते हैं कैमरा वर्क बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के लिए काफ़ी बढ़िया तरीके से इम्प्रेसिव था कुछ ये चेजिंग वाले सीन्स थे वहाँ पर खास करके काफ़ी बढ़िया नज़र आता है इस फिल्म को जिस तरह से बयालीस सालों की फ्रेंचाइज है और लोगों को उससे उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा थी उसकी एंडिंग जिस तरह से एक्सपेक्ट करते वैसी नहीं होती बेटर हो सकती थी इसके अलावा जो इस फिल्म के लीड एक्टर है उसको बेटर वे में फेयरवेल मिलना चाहिए था अनफॉर्चुनेटली इंडिया ना जो द डायर ऑफ डेस्टिनी पूरी तरह से ऑडियंस को एंगेज करने में फेल रहती है राइटिंग काफ़ी प्रोअर थी खास करके सेकेंड हाफ में वीक नजर आती है राइटिंग फर्स्ट हाफ में काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग और थ्रिलिंग सीन्स डाले हुए थे जो फिल्म को काफ़ी आ, बढ़िया बनाते है सेकेंड हाफ वहाँ पे चीजें पूरी तरह से फेल हो जाती है इमोशनल बॉन्ड जो क्रिएट किया हुआ है उसको थोड़ा और बेहतर मैनर में किया जा सकता है हेनरी जो और हेलेना सो के बीच में इसके अलावा इस फिल्म को जिस तरह से बनाया हुआ है जिस तरह से चीजें डेवलप की हुई है उसमें कुछ कन्विंसिंग मैनर में दिखाने की कोशिश करते तो और बेहतर रहता चीज़ें थोड़ी और क्रिस्पी हो सकती थी डायरेक्टर जेम्स मैन गोल्ड उसने कुछ खास तरीके से इस फिल्म को बना नहीं पाए जहाँ पे जिस तरह से उन्होंने कहानी के साथ इस फिल्म को डेवलप किया है। वो फर्स्ट हाफ तक डिसेंट था लेकिन सेकंड हाफ में पूरी तरह से फेल होता है सिनेमेटोग्राफर म्यूजिक कंपोजर ने अपना काम बखूबी निभाया हुआ है इसके अलावा एडिटर ने इस फिल्म को जिस तरह से बनाया उन्होंने अननेसेसरी सीन सिक्स सेकंड से हाफ में काफ़ी सारे डाले हुए उसको चॉप अप किया जा सकता था तो ओवरऑल सिनेमाटोग्राफी म्यूजिक डिपार्टमेंट फिल्म को काफी हद है तक हैंडल करता हुआ नज़र आता है सेकंड हाफ है वो लेंथी रन टाइम की वजह से ऑडियंस का जो मजा है वो किरकि करते स्क्रीन प्ले भी उतना कुछ खास नहीं था खींचा हुआ नज़र आता है कुल मिला के इंडिया ने जो द डायलॉप डेस्टिनी एक्शन एडवेंचर जो फिल्म है वो जो एक्सपेक्टेशन हम करते हैं उसके ऊपर खरी नहीं उतरती है, फोर्ड वॉब बॉलर ब्रिज के द्वारा एक अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर हुई है कई कुछ बढ़िया एक्शन सीक्वेंस भी देखने को मिलते हैं लेकिन फिल्म का सेकंड हाफ पूरी तरह से ख़राब निकलता है जिसके चलते हम फिल्म के साथ उतने एंटरटेन नहीं हो पाते जो हार्डकॉर इंडियाना जोस के फैन हैं उनकी फ्रेंचाइज के फैन है वो इसको डेफिनेटली देख सकते हैं अदरवाइज़ दूसरे जो ऑडियंस है उसका कुछ खास कह नहीं सकते कि उनको ये फिल्म किस तरह से कैसे पसंद आएगी या नहीं अगर इस फिल्म को देखना रिलीज किया हुआ था और बाद में 30 जून 2023 को यूएस कनाडा इंडिया चाइना पाकिस्तान जैसे लोकेशंस में इस फिल्म को थिएट्रिकली रिलीज किया हुआ था फिल्म को रिलीज किया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पॉन्स मिला और इसी के साथ इस फिल्म ने आई के ऊपर एक लाख अड़तालीस हजार वोट हासिल किए जिसमें छः पॉइंट छः की रेटिंग हासिल हुई दस में से जहां पे बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म से जो उम्मीद लगाई थी ठीक उसी तरह इस फिल्म ने ओपनिंग तो ली हुई थी लेकिन लेटर ऑन जिस तरह से इस फिल्म ने अपना जो वर्ड ऑफ माउथ है उतना फेवरेबल नहीं रहा जिसके चलते फिल्म उसके बाद उतना कुछ लंबा रन ली नहीं और डे बाई डे गिरती रही जहाँ पे यूएस कैनेडा से इस फिल्म ने अपने इस फिल्म के लिए करीबन छियालीस सौ थिएटर अब ओपनिंग वीकेंड के लिए बुक किए थे जिसके चलते एक अच्छी रिलीज फिल्म को मिली थी जो इस फिल्म की एक्सपेक्टेशन थी वो काफ़ी बड़ी थी लेकिन पहले एक दो दिन के जो सो रिस्पॉन्स था वो अच्छा था उसके बाद वड ऑफ माउथ के चलते जो वीकेंड है वो डाउन रहा जहाँ पे इस फिल्म ने जो उम्मीद थी उतना कुछ खास कलेक्शन किया नहीं पहले दिन चौबीस यूस मिलियन डॉलर का कलेक्शन था थर्ड थर्ड्यू प्रीव्यू से इस फिल्म ने सात पॉइंट दो उ मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया वीकेंड का कलेक्शन था इस फिल्म का जिस तरह डेब्यू किया था वीबन साठ पॉइंट चालीस उलियन डॉलर के साथ डेब्यू किया हुआ था इस फ्रेंचाइज का वैसे देखा जाए तो सेकंड बेस्ट टोटल है अगर जो इन्फ्लेशन है जो एडजस्टमेंट है उस हिसाब से इसके अलावा इस फिल्म को जिस तरह से बनाया गया जिस तरह से खर्चा किया गया था उसके बाद में फिल्म उतना कुछ खास कर ही नहीं बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म को मेन लोकेशंस अमेरिका कनाडा के अलावा 52 अदर कंट्रीज में भी रिलीज किया था जहाँ पे 69.6 यूएस मिलियन डॉलर का ओपनिंग वीकेंड रहा था उसके बाद में इस फिल्म ने एक रन लिया था डिसेंट रन लिया था जहाँ पे तीन यूएस मिलियन डॉलर के बजट के सामने तीन यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन करते हुए बॉक्स ऑफिस पे फिल्म एक बिलो एवरेज साबित हुई थी जहाँ पे इस फिल्म के ओ टी टी राइट इंडिया में खरीदे हुए डिजनी प्लस हॉटस्टार वालों ने जिन्होंने इस फिल्म के चार लैंग्वेज के राइट्स खरीदे हुए मेन इंग्लिश हिंदी तेलुगु तमिल तीन डब्ड वर्जन है फिलहाल में इंडियाना जोन डायल ऑफ द डेस्टिनी जो फिल्म है एंड द डायल ऑफ द डेस्टिनी जो फिल्म है उसको ऑफिशियली देखना चाहते हो तो देख सकते हो एम डिजनी प्लस होस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विध सब्सक्रिप्स इंग्लिस ओरिजिनल लैंग्वेज के साथ हिंदी तेलुगु तमिल डब्ड वर्जन में एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि इंडियाना जोन्स एंड द डायल ऑफ द डेस्टिनी जो फिल्म है उसको अगर आपको ऑफिशियली फिलहाल में देखना है तो देख सकते हो डिजनी प्लस होटस्टारोटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन इंग्लिश हिंदी तमिल तेलुगू ये टोटल चार वर्जन में तो इस तरह इस फिल्म को ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे एंड द डायल ऑफ 2023 की एक अमेरिकन एक्शन एडवेंचर फिल्म है। फिल्म को इंग्लिश के साथ साथ इंडिया में हिंदी तमिल तेलुगु जैसे लैंग्वेज में भी डब करके रिलीज किया हुआ था एक हाई बजट वाली फिल्म थी जिसको करीबन थ्री यूएस मिलियन डॉलर में बनाया गया था और इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ था जेम्स मैन ने वहीं पे कहानी को जेज बटरवर्थ जॉन हेनरी बटरवर्थ डेविड कॉप और जेम्स मैंगलो मैन ने इसको लिखा हुआ था जहाँ पे स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले इन सभी लोगों ने मिलकर क्रिएट किया हुआ था और जेम्स मैन ने इसको डिरेक्ट किया हुआ था जहाँ पे जॉर्ज लुकास के द्वारा जो कैरेक्टर्स तैयार किए गए फिलिप कॉन बुक के द्वारा जिंडियाना जोन्स के उसके ऊपर से इस फिल्म की कहानी को डेवलप किया हुआ था कहानी को स्टोरी को डेवलप किया हुआ था जहाँ पे कैथलिन केनेडी फ्रैंक मार्शल सिमन एम एमान जिन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था वर्ल्ड डिज्नी पिक्चर्स लुका लुकास फिल्म्स लिमिटेड प्रोडक्शन कंपनीज के नीचे और एक काफी बड़े हाई एंड बजट वाली फिल्म थी करीबन 300 यूएस मिलियन डॉलर जितने बड़े बजट में फिल्म को बनाया हुआ था जिसको वर्ल्ड डिजनी मोशन स्टूडियो मोशन पिक्चर्स वालों ने फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी थे इस कोयल फिल्म को पहले केनेस में प्रीमियर करवाया गया था अट्ठारह मई 2023 को जहाँ पे जो केनेस का एनुअल फिल्म फेस्टिवल होता है वहाँ पे इस फिल्म को प्रीमियर करवाया था उसके कुछ दिनों के बाद बाद में इस फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया था फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से एक मिनट का रन टाइम सेंसर करवाया था यानी कि फिल्म करीबन दो घंटे चौंतीस मिनट लंबी देखने को मिलेगी इसके अलावा इस फिल्म का जो म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट है उसके ऊपर बातचीत करें तो सिनेमाटोग्राफी फेडन पाम हाँ, पापा में माइकल ने की हुई है एडिटिंग है वो माइकल मेकर्स मेकर्स एंड्रयू बकलैंड और डर्क वेस्टरवेल ने इस फिल्म की एडिटिंग की हुई है जिन्होंने दो घंटे चौंतीस मिनट यानी कि एक सौ मिनट का रन टाइम दिया हुआ है कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो इंडियाना जोन्स के जो कैरेक्टर्स है वही इसमें आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पे हेरिसन फोर्ड जो डॉक्टर हेनरी जोन्स यानी कि इंडियाना जोन्स जूनियर का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे वहीं पे एंथनी इंग्रबर ने इस फिल्म में यंगर इंडियाना जोन्स का रोल प्ले किया हुआ है फॉइब वॉलर ब्रिज ने इस फिल्म में हेलेना सो का रोल प्ले किया हुआ है मेट्स मेकेलेसन ने इस फिल्म में जर्गन वॉलर का रोल प्ले किया हुआ है एंटोनिज पेंट ने इस फिल्म में रेनाल्डो का रोल प्ले किया हुआ है जॉन डेवियस ने इस फिल्म में सलाह का रोल प्ले किया हुआ है टोबी जॉन्स ने इस फिल्म में बासिल्सो का रोल प्ले किया हुआ है बॉयड हॉलब्रुक ने इस फिल्म में क्लाबर का रोल प्ले किया हुआ है इथाना इजडोरी ने इस फिल्म में टेडी कुमार का रोल प्ले किया क्रेन एलन इस फिल्म में मेरियन रावन वोड का रोल प्ले किया हुआ है सोनेट रीन विल्सन ने इस फिल्म में एजेंट मैसन का रोल प्ले किया हुआ है थॉमस क्रिस्टमैन ने इस फिल्म में कर्नल वेबर का रोल प्ले किया है ओलिवर रिचर्ड सर ने इस फिल्म में हॉक का रोल प्ले किया है मार्क किलिन ने इस फिल्म में पॉन्टिमस का रोल प्ले किया हुआ है नजर मेमारजिया ने इस फिल्म में आर्की का रोल प्ले किया हुआ है मार्टिन मैकडोगल ने इस फिल्म में डरकिन का रोल प्ले किया हुआ है अला सफी ने इस फिल्म में अजीज राहीम का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा कुछ फोटोग्राफ्स भी दिखाए जाते हैं जहाँ पे अलग अलग कैरेक्टर्स को इस फिल्म में दिखाया हुआ है फोटोग्राफ्स के थ्रू प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो आपको पता ही है कि नाइनटीन में जॉर्ज लुकास और स्टीवन स्पेडबर्ग के द्वारा आप एरामाउंट के द्वारा एक डील करके इंडियाना जोन्स नाम की पाँच फिल्में बनाई गई थी जिसको अलग अलग ईयर में बाद में रिलीज किया गया था उसके बाद में इस फिल्म का लंबे समय से एक ब्रेक आया और उसके बाद में इंडियाना जोन से जो 2023 में बनाई गई है टाइल ऑफ वाली सीरीज फिल्म को उसका डेवलपमेंट स्टार्ट किया था जो दो हज़ार के बाद स्टार्ट हुआ था स्टोरी आइडिया आया था मेकर्स को उसके बाद में उसके ऊपर कुछ डेवलपमेंट की गई थी जहाँ पे प्री प्रोडक्शन फिल्म को मार्च 2016 से स्टार्ट किया हुआ था डिज्नी वालों ने अनाउंस भी किया था जहाँ पे उनकी पाँचवीं फिल्म होने वाली जो 19 जुलाई 2019 को रिलीज़ होगी उसके बाद में इस फिल्म के ऊपर पूरी तरह से फोकस किया गया लेकिन बीच में कोविड आ गया जिसके चलते बाद में उसके बीच में इससे पहले जो कोविड के पहले कुछ ऐसी चीजें हुई थी जिसके चलते इस फिल्म को डिले करना पड़ा उसके बाद में कोविड आ चुका था और फिल्म काफी डिले हो गई वो उसके बाद में कास्टिंग के ऊपर काम किया गया जहां पे फिल्मिंग के ऊपर बाद में लेटर ऑन काम किया गया था जहाँ पे इस फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी वो चार जून 2021 को स्टार्ट की हुई थी जिसको काफ़ी अलग अलग लोकेशंस में शूट किया हुआ था पिनवुड स्टूडियो से इस फिल्म की शूटिंग की शुरुआत की हुई थी काफ़ी सारे अलग अलग शीड्यूल्स के बाद इस फिल्म को पूरी तरह से रेपअप करवाया था जहाँ पे करीबन 26 फरवरी 2022 तक फिल्म को रेपअप करवाया उसके कुछ दिन यानी करीबन 9 दिन 10 दिन के बाद फिल्म की पोस्ट प्रोडक्शन में काम स्टार्ट हुआ था जहाँ पे फिल्म की एडिटिंग ऑलरेडी शूटिंग के वक्त ही स्टार्ट करवा दी थी जिस वजह से जो पोस्ट प्रोडक्शन में टाइम है वो कम लगे और उसके बाद में उन्होंने इस फिल्म के वी के ऊपर भी काम किया हुआ था जहाँ पे करीबन तेईस सौ पचास इफ़ेक्ट्स इसमें यूज़ किए हुए तो काफ़ी सारे थे सी भी कुछ यूज किए गए थे तो टोटल ये सभी चीज़ें उसको हैंडल की गई थी और उसके बाद में इस फिल्म को पूरी तरह से तैयार किया गया डी एजिंग के प्रोसेस में भी इस फिल्म को डाला हुआ था क्योंकि इस फिल्म में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स है जिसकी डी एजिंग भी की हुई थी तो ये सभी चीज़ें जो इस फिल्म के सिक्वेंस के लिए यूज़ की गई थी और उसको म्यूज़िक के साथ बाद में मर्ज भी किया गया था म्यूज़िक के ऊपर बातचीत करें तो इसको 28 जून 2022 से 10 फरवरी 2023 तक रिकॉर्ड किया था 29 जून 2023 तक सभी ट्रैक को रिलीज किया था जिसके लेबल थे वोल्ड डिज्नी जिन्होंने अपने पास ही राइट्स रखे थे एक घंटे सात मिनट छः सेकंड का एक टोटल अट्ठारह ट्रैक का एक साउंड ट्रैक था जहाँ पर ये सभी ट्रैक को फिल्म में बैकग्राउंड स्कोर की तरह यूज़ किया हुआ था अभी फिलहाल में उनके द्वारा अवेलेबल किया हुआ है तो उसको वीडियो फॉर्मेट में तो आप सुन सकते हो इस फिल्म की कहानी के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म की कहानी नाइनटीन में वर्ल्ड वॉर टू जो हुआ था उसके समय सेट की हुई जहाँ पे हेनरी जॉन्स जूनियर ए के इंडियना जॉन्स जिसका रोल प्ले करे हेरिसन फोर्ड जो नाजिश के द्वारा कैप्चर हुए जहाँ पे जॉन्स इस सर्च के ऊपर एक किसी की सर्च के फिराक में जहाँ पे लॉन्गिनस लेंस ऑफ लॉगिनस की सर्च के फिराक में एक्सीडेंटली उसको एंटीकाथ्रा मिल जाते जो डायलॉप डेस्टिनी के नाम से भी जाने जाते स्टोरी बाद में 1969 में मूव करती है जहाँ पे जर्गन वोलर जो रोल प्ले करे मेट्स मिकलेरसन जो फॉर्मर नाजी थे और एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट हायर करते थे किए थे नासा में तो एंटी काइथरान चाहते हैं अपना पास चेंज करना हेलेना सो जिसका रोल प्ले कर रहे फॉय वॉलर ब्रिज जोन्स कोटक की गोड डॉटर है और जो किस डायलॉग डेस्टिनी का एक पार्ट स्नेच करके भागे हुए लेटर वो बाद में उस को जॉइन कर लेते हैं वो फिल्म के फा सेकंड पार्ट में सभी चीज़ें दिखाई जाती है जर्गन वॉलर जो इन सभी चीज़ों के बाद वो स्नेच के पार्ट को ढूंढने के लिए लगा हुआ है अब आगे क्या होगा क्या वो स्नेच के पार्ट ढूंढ पाएंगे क्या हेलेना हेनरी जोन्स से वो अदर पार्ट ढूंढ पाएंगे उसके बाद में जर्गन वोलर का क्या आगे होने वाला है मूवी ये सभी सवाल के जवाब अनफोल्ड करती है तो वही फ़िल्म की कहानी को पूरी तरह से डेवलप करता है जहाँ पे इस फिल्म की जो कहानी है जो इस फिल्म का जो हो जो कॉन्सेप्ट है जो फिल्म की सीरीज है उससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा ज्यादा उम्मीदें थी इंडियना जोन्स डायलॉग डेस्टिनी फिल्म से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी क्योंकि ये सी मूवी सीरीज की लास्ट मूवी है जहाँ पे हेरिसन फॉल्ड इस फिल्म फॉर प्ले इंडियाना जोन्स का रोल प्ले करे आखिरी बार जहाँ पे जेम्स मैन गोल्ड डायरेक्ट करने वाले स्टीवन स्पीकबर्ग की जगह तो अस्सी साल के हरिसन फोर्ड जो आइकॉनिक रोल इंडियाना जोन्स के लिए जाने जाते जहाँ पे वो फिर से अपने एक्शन स्टाइल में आए हो, एज यूजुअल, वो जिस तरह से अपना रोल प्ले कर रहे थे वो देखने में काफ़ी डिलाइटफुल फुट नज़र आता है उनको फिर से एक्शन में देखने में आपको मजा आएगा फिल्म के शुरुआत के बीस मिनट जिस तरह से सोकेस के यंगर इंडियाना जोन्स जो दिखाया हुआ है उस फिल्म के बेस्ट पार्ट है जो उनके फैन है या एक्टर के या फिल्म के उनके लिए बेस्ट पार्ट हो सकता है क्योंकि वो सभी चीज़ें बढ़िया तरीके से कंपोज की हुई थी फॉय वॉलर ब्रिज जो इस फिल्म में हेलेना शो का रोल प्ले करे जो ब्यूटी विद ब्रेन वाला किरदार था जहाँ पे वो परफेक्ट वे में अपने रोल के साथ परफॉर्म करते हुए नजर आती है उनको देखने में आपको मज़ा आएगा प्रोटोकोनिक्स के साथ जो एक्शन सिकवेंस वो करते हुए नजर आती है वो सभी चीज़ें देखने में काफ़ी बढ़िया थी इसके अलावा पंद्रह से का कुछ और जो लेंथ वाले चेजिंग सीक्वेंस थे पंद्रह से बीस मिनट से ज़्यादा के लेंथ वाले जो चेजिंग सीक्वेंस थे वो अच्छी तरह से विजुलाइज किए गए थे जो ऑडियंस को पूरी तरह से एज ऑफ सीट वाला मोमेंट क्रिएट करके देते हैं कैमरा वर्क बैकग्राउंड को और फिल्म के लिए काफ़ी बढ़िया तरीके से इम्प्रेसिव था कुछ ये चेजिंग वाले सीन्स थे वहाँ पर खास करके काफ़ी बढ़िया नज़र आता है इस फिल्म को जिस तरह से बयालीस सालों की फ्रेंचाइज है और लोगों को उससे उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा थी उसकी एंडिंग जिस तरह से एक्सपेक्ट करते वैसी नहीं होती बेटर हो सकती थी इसके अलावा जो इस फिल्म के लीड एक्टर है उसको बेटर वे में फेयरवेल मिलना चाहिए था अनफॉर्चुनेटली इंडिया ना जो द डायर ऑफ डेस्टिनी पूरी तरह से ऑडियंस को एंगेज करने में फेल रहती है राइटिंग काफ़ी प्रोअर थी का खास करके सेकेंड हाफ में वीक नजर आती है राइटिंग फर्स्ट हाफ में काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग और थ्रिलिंग सीन्स डाले हुए थे जो फिल्म को काफ़ी आ, बढ़िया बनाते है सेकेंड हाफ पे वहाँ पे चीजें पूरी तरह से फेल हो जाती है इमोशनल बॉन्ड जो क्रिएट किया हुआ है उसको थोड़ा और बेहतर मैनर में किया जा सकता है हेनरी जो और हेलेना सो के बीच में इसके अलावा इस फिल्म को जिस तरह से बनाया हुआ है जिस तरह से चीजें डेवलप की हुई है उसमें कुछ कन्विंसिंग मेनर में दिखाने की कोशिश करते तो और बेहतर रहता चीज़ें थोड़ी और क्रिस्पी हो सकती थी डायरेक्टर जेम्स मैन गोल्ड उसने कुछ खास तरीके से इस फिल्म को बना नहीं पाए जहाँ पे जिस तरह से उन्होंने कहानी के साथ इस फिल्म को डेवलप किया है। वो फर्स्ट हाफ तक डिसेंट था लेकिन सेकंड हाफ में पूरी तरह से फेल होता है सिनेमेटोग्राफर म्यूजिक कंपोजर ने अपना काम बखूबी निभाया हुआ है इसके अलावा एडिटर ने इस फिल्म को जिस तरह से बनाया उन्होंने अननेसेसरी सीन सिक्स सेकंड हाफ में काफ़ी सारे डाले हुए उसको चॉप अप किया जा सकता था तो ओवरऑल सिनेमाटोग्राफी म्यूजिक डिपार्टमेंट फिल्म को काफ़ी हद है तक हैंडल करता हुआ नज़र आता है सेकंड हाफ है वो लेंथी रन टाइम की वजह से ऑडियंस का जो मजा है वो किरकि करती है स्क्रीन प्ले भी उतना कुछ खास नहीं था खींचा हुआ नज़र आता है कुल मिला के इंडिया ने जो द डायलॉप डेस्टिनी एक्शन एडवेंचर जो फिल्म है वो जो एक्सपेक्टेशन हम करते हैं उसके ऊपर खरी नहीं उतरती फोर्ड वॉय बॉलर ब्रिज के द्वारा एक अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर हुई है कई कुछ बढ़िया एक्शन सिक्वेंस भी देखने को मिलते हैं लेकिन फिल्म का सेकंड हाफ पूरी तरह से ख़राब निकलता है जिसके चलते हम फिल्म के साथ उतने एंटरटेन नहीं हो पाते जो हार्डकॉर इंडियाना जोन्स के फ़ैन हैं उनकी फ्रेंचाइज के फैन हैं वो इसको डेफिनेटली देख सकते हैं अदरवाइज दूसरे जो ऑडियंस है उसका कुछ खास कह नहीं सकते कि उनको ये फिल्म किस तरह से कैसे पसंद आएगी या नहीं अगर इस फिल्म को देखना चाहते हो तो इंडियाना आ, एंड द दा फिल्म को तो इस फिल्म को पहले तो थिएटर में रिलीज करने से पहले 18 मई 2023 को कैनस फिल्म फेस्टिवल में रिलीज किया हुआ था और बाद में 30 जून 2023 को यूएस कनाडा इंडिया चाइना पाकिस्तान जैसे लोकेशंस में इस फिल्म को थिएट्रिकली रिलीज किया हुआ था फिल्म को रिलीज किया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पॉन्स मिला और इसी के साथ इस फिल्म ने आई के ऊपर एक लाख अड़तालीस हजार वोट हासिल किए जिसमें छः पॉइंट छ की रेटिंग हासिल हुई दस में से जहां पे बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म से जो उम्मीद लगाई थी ठीक उसी तरह इस फिल्म ने ओपनिंग तो ली हुई थी लेकिन लेटर ऑन जिस तरह से इस फिल्म ने अपना जो वर्ड ऑफ माउथ है उतना फेवरेबल नहीं रहा जिसके चलते फिल्म उसके बाद उतना कुछ लंबा रन ली नहीं और डे बाई डे गिरती रही जहाँ पे यूएस कैनेडा से इस फिल्म ने अपने इस फिल्म के लिए करीबन छियालीस सौ थिएटर अब ओपनिंग वीकेंड के लिए बुक किए थे जिसके चलते एक अच्छी रिलीज फिल्म को मिली थी जो इस फिल्म की एक्सपेक्टेशन थी वो काफ़ी बड़ी थी लेकिन पहले एक दो दिन के जो सो रिस्पॉन्स था वो अच्छा था उसके बाद वर्ड ऑफ माउथ के चलते जो वीकेंड है वो डाउन रहा जहाँ पे इस फिल्म ने जो उम्मीद थी उतना कुछ खास कलेक्शन किया नहीं पहले दिन चौबीस यूस मिलियन डॉलर का कलेक्शन था थर्ड थर्ड्यू प्रिव्यू से इस फिल्म ने सात पॉइंट दो उसे मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया वीकेंड का कलेक्शन था इस फिल्म का जिस तरह डेब्यू किया था वीबन साठ पॉइंट चालीस उलियन डॉलर के साथ डेब्यू किया हुआ था इस फ्रेंचाइज का वैसे देखा जाए तो सेकंड बेस्ट टोटल है अगर जो इन्फ्लेशन है जो एडजस्टमेंट है उस हिसाब से इसके अलावा इस फिल्म को जिस तरह से बनाया गया जिस तरह से खर्चा किया गया था उसके बाद में फिल्म उतना कुछ खास कर ही नहीं बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म को मेन लोकेशंस अमेरिका कनाडा के अलावा 52 अदर कंट्रीज में भी रिलीज किया था जहाँ पे 69.6 यूएस मिलियन डॉलर का ओपनिंग वीकेंड रहा था उसके बाद में इस फिल्म ने एक रन लिया था डिसेंट रन लिया था जहाँ पे तीन यूएस मिलियन डॉलर के बजट के सामने तीन यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन करते हुए बॉक्स ऑफिस पे फिल्म एक बिलो एवरेज साबित हुई थी जहाँ पे इस फिल्म के ओ टी टी राइट इंडिया में खरीदे हुए डिजनी प्लस हॉटस्टार वालों ने जिन्होंने इस फिल्म के चार लैंग्वेज के राइट्स खरीदे हुए मेन इंग्लिश हिंदी तेलुगु तमिल तीन डब्ड वर्जन है फिलहाल मैं इंडियाना जॉन्स डायल ऑफ़ द डेस्टिनी जो फिल्म है एंड द डायल ऑफ द डेस्टिनी जो फिल्म है उसको ऑफिशियली देखना चाहते हो तो देख सकते हो एम डिजनी प्लस हॉस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विध सब्सक्रिप्शन इंग्लिश ओरिजिनल लैंग्वेज के साथ हिंदी तेलुगु तमिल डब्ड वर्जन में एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि इंडियाना जोन्स एंड द डायल ऑफ द डेस्टिनी जो फिल्म है उसको अगर आपको ऑफिशियली फिलहाल में देखना है तो देख सकते हो डिजनी प्लस होटस्ट प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ, विथ सब्सक्रिप्शन इंग्लिश हिंदी तमिल तेलुगू ये टोटल चार वर्जन में तो इस तरह से इस फिल्म को ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे

आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले इन सभी लोगों ने मिलकर क्रिएट किया हुआ था और जेम्स मेन गोल्ड ने इसको डिरेक्ट किया हुआ था जहाँ पे जो लुकास के द्वारा जो कैरेक्टर्स तैयार किए गए फिलिप कॉन कॉफमैन के द्वारा इंडियाना जोन्स के उसके ऊपर से इस फिल्म की कहानी को डेवलप किया हुआ था कहानी को स्टोरी को डेवलप किया हुआ था जहाँ पे कैथलिन केनेडी फ्रेंक मार्सल सीमन एमअल एमान्यूअल जिन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था वर्ल्ड डिज्नी पिक्चर्स लुका लुकास फिल्म्स लिमिटेड प्रोडक्शन कंपनीज के नीचे और एक काफ़ी बड़े हाई एंड बजट वाली फिल्म थी करीबन 300 यूएस मिलियन डॉलर जितने बड़े, बड़े बजट में फिल्म को बनाया हुआ था जिसको वर्ल्ड डिजनी मोशन मौस, स्टूडियो मोशन पिक्चर्स वालों ने फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी थे इस कोयल फिल्म को पहले केनेस में प्रीमियर करवाया गया था अट्ठारह मई 2023 को जहाँ पे जो आ, केनेस का एनुअल फिल्म फेस्टिवल था वहाँ पे इस फिल्म को प्रीमियर करवाया था उसके कुछ दिनों के बाद बाद में इस फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया था फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से एक मिनट का रन टाइम सेंसर करवाया था यानी कि फिल्म करीबन दो घंटे चौंतीस मिनट लंबी देखने को मिलेगी इसके अलावा इस फिल्म का जो म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट है उसके ऊपर बातचीत करें तो सिनेमाटोग्राफी पाम हाँ, पापा में माइकल ने की हुई है एडिटिंग है वो माइकल मेकर्स मेकर्स एंड्रयू बकलैंड और डर्क वेस्टरवेल ने इस फिल्म की एडिटिंग की हुई है जिन्होंने दो घंटे चौंतीस मिनट यानी कि एक सौ मिनट का रन टाइम दिया हुआ है कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो इंडियाना जोन्स के जो कैरेक्टर्स है वही इसमें आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पे हेरिसन फोर्ड जो डॉक्टर हेनरी जोन्स यानी कि इंडियाना जोन्स जूनियर का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे वहीं पे आ, एंथनी इंग्रोबर ने इस फिल्म में यंगर इंडियाना जोन्स का रोल प्ले किया हुआ है फॉइब वॉलर ब्रिज ने इस फिल्म में हेलेना शो का रोल प्ले किया हुआ है मेट्स मेकेलेसन तो ने था। था। इस फिल्म में जर्गन वॉलर का रोल प्ले किया हुआ है एंटोनिज पेंट ने इस फिल्म में रेनाल्डो का रोल प्ले किया हुआ है जॉन डेवियस ने इस फिल्म में सलाह का रोल प्ले किया हुआ है टोबी जॉन्स ने इस फिल्म है बॉयड हॉलब्रुक ने इस फिल्म में क्लाबर का रोल प्ले किया हुआ है इथाना इजडोरी ने इस फिल्म में टेडी कुमार का रोल प्ले किया क्रेन एलन इस फिल्म में मेरियन रावन वोड का रोल प्ले किया हुआ है सोनेट रीन विल्सन ने इस फिल्म में एजेंट मैसन का रोल प्ले किया हुआ है थॉमस क्रिस्मैन ने इस फिल्म में का कर्नल वेबर का रोल प्ले किया है ओलिवर रिचर्ड सर ने इस फिल्म में हॉक का रोल प्ले किया है मार्क किलिन ने इस फिल्म में पोंटिमस का रोल प्ले किया हुआ है नजर मेमारजिया ने इस फिल्म में आर्की का रोल प्ले किया हुआ है मार्टिन मैकडोगल ने इस फिल्म में डरकिन का रोल प्ले किया हुआ है अल्लाह सफ़ी ने इस फिल्म में अजीज राहीम का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा कुछ फोटोग्राफ्स भी दिखाए जाते हैं जहाँ पे अलग अलग कैरेक्टर्स को इस फिल्म में दिखाया हुआ है फोटोग्राफ्स के थ्रू प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो आपको पता ही है कि नाइनटीन में जॉर्ज लुकास और स्टीवन स्पेडबर्ग के द्वारा आप के द्वारा एक डील करके इंडियाना जोन्स नाम की पाँच फिल्में बनाई गई थी जिसको अलग अलग ईयर में बाद में रिलीज़ किया गया था उसके बाद में इस फिल्म का लंबे समय से एक ब्रेक आया और उसके बाद में इंडियाना जोन से जो 2023 में बनाई गई है टाइल ऑफ डेस्टिनी वाली सीरीज़ फिल्म को उसका डेवलपमेंट स्टार्ट किया था जो दो हज़ार के बाद स्टार्ट हुआ था स्टोरी आइडिया आया था मेकर्स को उसके बाद में उसके ऊपर कुछ डेवलपमेंट की गई थी जहाँ पे प्री प्रोडक्शन फिल्म को मार्च 2016 से स्टार्ट किया हुआ था डिज्नी वालों ने अनाउंस भी किया था जहाँ पे उनकी पांचवी फिल्म होने वाली जो 19 जुलाई 2019 को रिलीज़ होगी उसके बाद में इस फिल्म के ऊपर पूरी तरह से फोकस किया गया लेकिन बीच में कोविड आ गया जिसके चलते बाद में उसके बीच में इससे पहले जो कोविड के पहले कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी जिसके चलते इस फिल्म को डिले करना पड़ा उसके बाद में कोविड आ चुका था और फिल्म काफ़ी डिले हो गई उसके बाद में कास्टिंग के ऊपर काम किया गया जहाँ पे फिल्मिंग के ऊपर बाद में लेटर ऑन काम किया गया था पे इस फिल्म प्रिंसिपल फोटोग्राफी वो चार जून दो को स्टार्ट की हुई थी जिसको काफी अलग अलग लोकेशंस में शूट किया हुआ था स्टूडियो से इस फिल्म की शूटिंग की शुरुआत की हुई थी काफी सारे अलग अलग शेड्यूल्स के बाद इस फिल्म को पूरी तरह से रेपअप करवाया था जहाँ पे करीबन 26 फरवरी 2022 तक फिल्म को रेपअप करवाया उसके कुछ दिन यानी करीबन 9 दिन 10 दिन के बाद फिल्म की पोस्ट प्रोडक्शन में काम स्टार्ट हुआ था जहाँ पे फिल्म की एडिटिंग ऑलरेडी शूटिंग के वक्त ही स्टार्ट करवा दी थी जिस वजह से जो पोस्ट प्रोडक्शन में टाइम है वो कम लगे और उसके बाद में उन्होंने इस फिल्म के वी के ऊपर भी काम किया हुआ था जहाँ पे करीबन तेईस सौ और इफ़ेक्ट्स इसमें यूज़ किए हुए तो काफ़ी सारे थे सी भी कुछ यूज किए गए थे तो टोटल ये सभी चीज़ें उसको हैंडल की गई थी और उसके बाद में इस फिल्म को पूरी तरह से तैयार किया गया डी एजिंग के प्रोसेस में भी इस फिल्म को डाला हुआ था क्योंकि इस फिल्म में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स है जिसकी डी एजिंग भी की हुई थी तो ये सभी चीज़ें जो इस फिल्म के सीक्वेंस के लिए यूज़ की गई थी और उसको म्यूजिक के साथ बाद में मर्ज भी किया गया था म्यूज़िक के ऊपर बातचीत करें तो इसको 28 जून 2022 से 10 फरवरी 2023 तक रिकॉर्ड किया था 29 जून 2023 तक सभी ट्रैक को रिलीज किया था जिसके लेबल थे वोल्ड डिज्नी जिन्होंने अपने पास ही राइट्स रखे थे एक घंटे सात मिनट छः सेकंड का एक टोटल अट्ठारह ट्रैक का एक साउंड ट्रैक था जहाँ पे ये सभी ट्रैक को फिल्म में बैकग्राउंड स्कोर की तरह यूज़ किया हुआ था अभी फिलहाल में उनके द्वारा अवेलेबल किया हुआ है तो उसको वीडियो फॉर्मेट में आप सुन सकते हो इस फिल्म की कहानी के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म की कहानी नाइनटीन में वर्ल्ड वॉर टू जो हुआ था उसके समय सेट की हुई जहाँ पे हेनरी जॉन्स जूनियर ए के इंडियना जॉन्स जिसका रोल प्ले करे हेरिसन फोर्ड जो नाजिश के द्वारा कैप्चर हुए जहाँ पे जॉन्स इस सर्च के एक किसी की सर्च के फिराक में जहाँ पे लॉन्गिनस लेंस ऑफ लॉगिनस की सर्च के फिराक में एक्सीडेंटली उसको एंटीकैथ्रा मिल जाते जो डायलॉप डेस्टिनी के नाम से भी जाने जाते स्टोरी बाद में 1969 में मूव करती है जहाँ पे जर्गन वॉलर जो रोल प्ले करे मेट्स मिकलेरसन जो फॉर्मर नाजी थे और एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट हायर करते थे किए थे नासा में तो एंटी कैथरान चाहते हैं अपना पास चेंज करना हेलेना सो जिसका रोल प्ले कर रहे फॉय वॉलर ब्रिज जोन्स कोटक की जॉन्स डॉटर है और जो कि डायलॉग डेस्टिनी का एक पार्ट आ, स्नेच करके भागे हुए लेटर वो बाद में उस को ज्वाइन कर लेते हैं वो फिल्म के फा सेकंड पार्ट में सभी चीज़ें दिखाई जाती है जर्गन वॉलर जो इन सभी चीज़ों के बाद वो स्नेच के पार्ट को ढूंढने के लिए लगा हुआ है अब आगे क्या होगा क्या वो स्नेच के पार्ट ढूंढ पाएंगे क्या हेलेना हेनरी जोन्स से वो अधर पार्ट ढूंढ पाएंगे उसके बाद में जर्गन वोलर का क्या आगे होने वाला है मूवी ये सभी सवाल के जवाब अनफोल्ड करती है तो वही फ़िल्म की कहानी को पूरी तरह से डेवलप करता है जहाँ पे इस फिल्म की जो कहानी है जो इस फिल्म का जो हो जो कॉन्सेप्ट है जो फिल्म की सीरीज है उससे लोगों को काफी ज्यादा ज्यादा उम्मीदें थी इंडियना जोन्स डायलॉग डेस्टिनी फिल्म से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी क्योंकि ये सी मूवी सीरीज की लास्ट मूवी है जहाँ पे हेरिसन फॉल्ड इस फिल्म फॉर प्ले इंडियना जोन्स का रोल प्ले करे आखिरी बार जहाँ पे जेम्स मैन गोल्ड डायरेक्ट करने वाले स्टीवन स्पीकबर्ग की जगह तो अस्सी साल के हरिसन फोर्ड जो आइकॉनिक रोल इंडियाना जोन्स के लिए जाने जाते जहाँ पे वो फिर से अपने एक्शन स्टाइल में आए एज होजल वो जिस तरह से अपना रोल प्ले कर रहे थे वो देखने में काफ़ी डिलाइटफुल फुट नज़र आता है उनको फिर से एक्शन में देखने में आपको मजा आएगा फिल्म के शुरुआत के बीस मिनट जिस तरह से सोकेस के यंगर इंडियाना जोन्स जो दिखाया हुआ है उस फिल्म के बेस्ट पार्ट है जो उनके फैन है या एक्टर के या फिल्म के उनके लिए बेस्ट पार्ट हो सकता है क्योंकि वो सभी चीज़ें बढ़िया तरीके से कंपोज की हुई थी फॉय वॉलर ब्रिज जो इस फिल्म में हेलेना शो का रोल प्ले करे जो ब्यूटी विद ब्रेन वाला किरदार था जहाँ पे वो परफेक्ट वे में अपने रोल के साथ परफॉर्म करते हुए नजर आती है उनको देखने में आपको मज़ा आएगा प्रोटोकॉनिस के साथ जो एक्शन सिक्वेंस वो करते हुए नजर आती है वो सभी चीज़ें देखने में काफ़ी बढ़िया थी इसके अलावा पंद्रह से का कुछ और जो लेंथ वाले चेजिंग सीक्वेंस थे पंद्रह से बीस मिनट से ज़्यादा के लेंथ वाले जो चेजिंग सीक्वेंस थे वो अच्छी तरह से विजुलाइज किए गए थे जो ऑडियंस को पूरी तरह से एज एजॉब सीट वाला मोमेंट क्रिएट करके देते हैं कैमरा वर्क बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के लिए काफ़ी बढ़िया तरीके से इम्प्रेसिव था कुछ ये चेजिंग वाले सीन्स थे वहाँ पर खास करके काफ़ी बढ़िया नज़र आता है इस फिल्म को जिस तरह से बयालीस सालों की एक फ्रेंचाइज है और लोगों को उससे उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा थी उसकी एंडिंग जिस तरह से एक्सपेक्ट करते वैसी नहीं होती बेटर हो सकती थी इसके अलावा जो इस फिल्म के लीड एक्टर है उसको बेटर वे में फेयरवेल मिलना चाहिए था अनफॉर्चुनेटली इंडिया ना जो द डायर ऑफ डेस्टिनी पूरी तरह से ऑडियंस को एंगेज करने में फेल रहती है राइटिंग काफ़ी प्रोअर थी खास करके सेकेंड हाफ में वीक नजर आती है राइटिंग फर्स्ट हाफ में काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग और थ्रिलिंग सीन्स डाले हुए थे जो फिल्म को काफ़ी आ, बढ़िया बनाते है। सेकंड हाफ वहाँ पे चीज़ें पूरी तरह से फेल हो जाती है इमोशनल बॉन्ड जो क्रिएट किया हुआ है उसको थोड़ा और बेहतर मैनर में किया जा सकता है हेनरी जोस और हेलेना सो के बीच में इसके अलावा इस फिल्म को जिस तरह से बनाया हुआ है जिस तरह से चीज़ें डेवलप की हुई है उसमें कुछ कन्विंसिंग मैनर में दिखाने की कोशिश करते तो और बेहतर रहता चीज़ें थोड़ी और क्रिस्पी हो सकती थी डायरेक्टर जेम्स मैन गोल्ड उसने कुछ खास तरीके से इस फिल्म को बना नहीं पाए जहाँ पे जिस तरह से उन्होंने कहानी के साथ इस फिल्म को डेवलप किया है वो फर्स्ट हाफ तक डिसेंट था लेकिन सेकंड हाफ में पूरी तरह से फेल होता है सिनेमेटोग्राफर म्यूजिक कंपोजर ने अपना काम बखूबी निभाया हुआ है इसके अलावा एडिटर ने इस फिल्म को जिस तरह से बनाया उन्होंने अननेसेसरी सीन सिक्स सेकंड हाफ में काफ़ी सारे डाले हुए उसको चॉप अप किया जा सकता था तो ओवरऑल सिनेमाटोग्राफी म्यूजिक डिपार्टमेंट फिल्म को काफी हद है तक हैंडल करता हुआ नज़र आता है सेकंड हाफ है वो लेंथी रन टाइम की वजह से ऑडियंस का जो मजा है वो किरकि करती है स्क्रीन प्ले भी उतना कुछ खास नहीं था खींचा हुआ नजर आता है कुल मिला के इंडिया ने जो द डायलॉग डेस्टिनी एक्शन एडवेंचर जो फिल्म है वो जो एक्सपेक्टेशन हम करते हैं उसके ऊपर खरी नहीं उतरती हेरिसन फोर्ड फॉब बॉलर ब्रिज के द्वारा एक अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर हुई है कई कुछ बढ़िया एक्शन सीक्वेंस भी देखने को मिलते हैं लेकिन फिल्म का सेकंड हाफ पूरी तरह से ख़राब निकलता है जिसके चलते हम फिल्म के साथ उतने एंटरटेन नहीं हो पाते जो हार्डकॉर इंडियाना जोन्स के फैन हैं उनकी फ्रेंचाइज के फ़ैन हैं वो इसको डेफिनेटली देख सकते अदरवाइज दूसरे जो ऑडियंस है उसका कुछ खास कह नहीं सकते कि उनको ये फिल्म किस तरह से कैसे पसंद आएगी या नहीं अगर इस फिल्म को देखना चाहते हो तो इंडियाना जोन्स एंड द दा डेशन फिल्म को तो इस फिल्म को पहले तो थिएटर में रिलीज करने से पहले 18 मई 2023 को कैनस फिल्म फेस्टिवल में रिलीज किया हुआ था और बाद में 30 जून 2023 को यूएस कनाडा इंडिया चाइना पाकिस्तान जैसे लोकेशंस में इस फिल्म को थिएट्रिकली रिलीज किया हुआ था फिल्म को रिलीज किया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पॉन्स मिला और इसी के साथ इस फिल्म ने आई के ऊपर एक लाख अड़तालीस हजार वोट हासिल किए जिसमें छ पॉइंट छः की रेटिंग हासिल हुई दस में से जहां पे बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म से जो उम्मीद लगाई थी ठीक उसी तरह इस फिल्म ने ओपनिंग तो ली हुई थी लेकिन लेटर ऑन जिस तरह से इस फिल्म ने अपना जो वर्ड ऑफ माउथ है उतना फेवरेबल नहीं रहा जिसके चलते फिल्म उसके बाद उतना कुछ लंबा रन ली नहीं और डे बाई डे गिरती रही जहाँ पे यूएस कैनेडा से इस फिल्म ने अपने इस फिल्म के लिए करीबन छियालीस सौ थिएटर अब ओपनिंग वीकेंड के लिए बुक किए थे जिसके चलते एक अच्छी रिलीज फिल्म को मिली थी जो इस फिल्म की एक्सपेक्टेशन थी वो काफ़ी बड़ी थी लेकिन पहले एक दो दिन के जो सो रिस्पॉन्स था वो अच्छा था उसके बाद वर्ड ऑफ माउथ के चलते जो वीकेंड है वो डाउन रहा जहाँ पे इस फिल्म ने जो उम्मीद थी उतना कुछ खास कलेक्शन किया नहीं पहले दिन चौबीस यूस मिलियन डॉलर का कलेक्शन था थर्ड थर्ड्यू प्रीव्यू से इस फिल्म ने सात पॉइंट दो यूस मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया वीकेंड का कलेक्शन था इस फिल्म का जिस तरह डेब्यू किया था वीबन साठ पॉइंट चालीस उलियन डॉलर के साथ डेब्यू किया हुआ था इस फ्रेंचाइज़ का वैसे देखा जाए तो सेकंड बेस्ट टोटल है अगर जो इन्फ्लेशन है जो एडजस्टमेंट है आ, आ, उस हिसाब से इसके अलावा इस फिल्म को जिस तरह से बनाया गया जिस तरह से खर्चा किया गया था उसके बाद में फिल्म उतना कुछ खास कर ही नहीं बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म को मेन लोकेशंस अमेरिका कनाडा के अलावा 52 अदर कंट्रीज में भी रिलीज किया था जहाँ पे 69.6 यूएस मिलियन डॉलर का ओपनिंग वीकेंड रहा था उसके बाद में इस फिल्म ने एक रन लिया था डिसेंट रन लिया था जहाँ पे तीन यूएस मिलियन डॉलर के बजट के सामने तीन यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन करते हुए बॉक्स ऑफिस पे फिल्म एक बिलो एवरेज साबित हुई थी जहाँ पे इस फिल्म के ओ टी टी राइट इंडिया में खरीदे हुए डिजनी प्लस हॉटस्टार वालों ने जिन्होंने इस फिल्म के चार लैंग्वेज के राइट्स खरीदे हुए मेन इंग्लिश हिंदी तेलुगु तमिल तीन डब्ड वर्जन है फिलहाल मैं इंडियाना जॉन्स डायल ऑफ़ द दे डेस्टिनी जो फिल्म है एंड द डायल ऑफ द दे डेस्टिनी जो फिल्म है उसको ऑफिशियली देखना चाहते हो तो देख सकते हो एम डिजनी प्लस होस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन इंग्लिश ओरिजिनल लैंग्वेज के साथ हिंदी तेलुगु तमिल डब्ड वर्जन में एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि इंडियाना जो एंड द दा डायल ऑफ द डेस्टिनी जो फिल्म है उसको अगर आपको ऑफिशियली फिलहाल में देखना है तो देख सकते हो डिजनी प्लस होस्टार ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन इंग्लिश हिंदी तमिल तेलुगू ये टोटल चार वर्जनस में तो इस तरह से इस फिल्म को ऑफिशियली एन्जॉय कर पाओगे 2023 की एक अमेरिकन एक्शन एडवेंचर फिल्म है फिल्म को इंग्लिश के साथ साथ इंडिया में हिंदी तमिल तेलुगु जैसे लैंग्वेज में भी डब करके रिलीज किया हुआ था एक हाई बजट वाली फिल्म थी जिसको करीबन थ्री यूएस मिलियन डॉलर में बनाया गया था और इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ था जेम्स मैन ने वहीं पे कहानी को जेज बटरवर्थ जॉन हेनरी बटरवर्थ डेविड कॉप और जेम्स मैंगलो मैन ने इसको लिखा हुआ था जहाँ पे स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले इन सभी लोगों ने मिलकर क्रिएट किया हुआ था और जेम्स मैन ने इसको डिरेक्ट किया हुआ था जहाँ पे जोज लुकास के द्वारा जो कैरेक्टर्स तैयार किए गए फिलिप कॉन बुक के द्वारा जिंडियाना जोन्स के उसके ऊपर से इस फिल्म की कहानी को डेवलप किया हुआ था कहानी को स्टोरी को डेवलप किया हुआ था जहाँ पे कैथलिन को प्रोड्यूस किया हुआ था वर्ल्ड प्रोडक्शन कंपनीज के नीचे और एक काफी बड़े हाई एंड बजट वाली फिल्म थी करीबन 300 यूएस मिलियन डॉलर जितने बड़े बजट में फिल्म को बनाया हुआ था जिसको वर्ल्ड डिजनी मोशन स्टूडियो मोशन पिक्चर्स वालों ने फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी थे इस क्वल फिल्म को पहले केनेस में प्रीमियर करवाया गया था अट्ठारह मई 2023 को जहाँ पे जो आ, केनेस का एनुअल फिल्म फेस्टिवल होता है वहाँ पे इस फिल्म को प्रीमियर करवाया था उसके कुछ दिनों के बाद बाद में इस फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया था फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से एक मिनट का रन टाइम सेंसर करवाया था यानी कि फिल्म करीबन दो घंटे चौंतीस मिनट लंबी देखने को मिलेगी इसके अलावा इस फिल्म का जो म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट है उसके ऊपर बातचीत करें तो सिनेमाटोग्राफी फेडन पाम हाँ, पापा में माइकल ने की हुई है एडिटिंग है वो माइकल मेकर्स मेकर्स एंड्रयू बकलैंड और डर्क वेस्टरवेल ने इस फिल्म की एडिटिंग की हुई है जिन्होंने दो घंटे चौंतीस मिनट यानी कि एक सौ मिनट का रन टाइम दिया हुआ है कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो इंडियाना जोन्स के जो कैरेक्टर्स है वही इसमें आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पे हेरिसन फोर्ड जो डॉक्टर हेनरी जोन्स यानी कि इंडियाना जोन्स जूनियर का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे वहीं पे आ, एंथनी इंग्रोबर ने इस फिल्म में यंगर राज इंडियाना जोन्स का रोल प्ले किया हुआ है फॉइब वॉलर ब्रिज ने इस फिल्म में हेलेना शो का रोल प्ले किया हुआ है मेट्स मेकेलेसन ने इस फिल्म में जर्गन वॉलर का रोल प्ले, प्ले, प्ले किया हुआ है एंटोनिज पेंटेरास ने इस फिल्म में रेनाल्डो का रोल प्ले किया हुआ है जॉन राइज डेवियस ने इस फिल्म में सलाह का रोल प्ले किया हुआ है टोबी जॉन्स ने इस फिल्म में बासिल्सो का रोल प्ले किया हुआ है बॉयड हॉलब्रुक ने इस फिल्म में क्लाबर का रोल प्ले किया हुआ है इथाना इजडोरी ने इस फिल्म में टेडी कुमार का रोल प्ले किया है क्रेन एलन इस फिल्म में मेरियन रावन वोड का रोल प्ले किया हुआ है सोनेट रीन विल्सन ने इस फिल्म में एजेंट मैसन का रोल प्ले किया हुआ है थॉमस क्रिस्मैन ने इस फिल्म में कर्नल वेबर का रोल प्ले किया है ओलिवर रिचर्ड सर ने इस फिल्म में हॉक का रोल प्ले किया मार्क किलिन ने इस फिल्म में पॉन्टिमस का रोल प्ले किया हुआ है नजर मेमारिया ने इस फिल्म में आर्की का रोल प्ले किया हुआ है मार्टिन मैकडोगल ने इस फिल्म में डरकिन का रोल प्ले किया हुआ है अल्लाह सफी ने इस फिल्म में अजीज राहीम का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा कुछ फोटोग्राफ्स भी दिखाए जाते हैं जहाँ पे अलग अलग कैरेक्टर्स को इस फिल्म में दिखाया हुआ है फोटोग्राफ्स के थ्रू प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो आपको पता है कि नाइनटीन में जॉर्ज लुकास और स्टीवन स्पेडबर्ग के द्वारा आप के द्वारा एक डील करके इंडियाना जोन्स नाम की पाँच फिल्में बनाई गई थी जिसको अलग अलग ईयर में बाद में रिलीज किया गया था उसके बाद में इस फिल्म का लंबे समय से एक ब्रेक आया और उसके बाद में इंडियना जोन से जो 2023 में बनाई गई है टाइल ऑफ डेस्टिनी वाली सीरीज फिल्म को उसका डेवलपमेंट स्टार्ट किया था जो दो हज़ार के बाद स्टार्ट हुआ था स्टोरी आइडिया आया था मेकर्स को उसके बाद में उसके ऊपर कुछ डेवलपमेंट की गई थी जहाँ पे प्री प्रोडक्शन फिल्म को मार्च 2016 से स्टार्ट किया हुआ था डिज्नी वालों ने अनाउंस भी किया था जहाँ पे उनकी पाँचवीं फिल्म होने वाली जो 19 जुलाई दो को रिलीज़ होगी उसके बाद में इस फिल्म के ऊपर पूरी तरह से फोकस किया गया लेकिन बीच में कोविड आ गया जिसके चलते बाद में उसके बीच में इससे पहले जो कोविड के पहले कुछ ऐसी चीजें हुई थी जिसके चलते इस फिल्म को डिले करना पड़ा उसके बाद में कोविड आ चुका था और फिल्म काफ़ी डिले हो गई वो उसके बाद में कास्टिंग के ऊपर काम किया गया जहाँ पे फिल्मिंग के ऊपर बाद में लेटर ऑन काम किया गया था जहाँ पे इस फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी वो चार जून 2021 को स्टार्ट की हुई थी जि जिसको काफ़ी अलग अलग लोकेशंस में शूट किया हुआ था पिन स्टूडियो से इस फिल्म की शूटिंग की शुरुआत की हुई थी काफ़ी सारे अलग अलग शेड्यूल्स के बाद इस फिल्म को पूरी तरह से रेपअप करवाया था जहाँ पे करीबन 26 फरवरी 2022 तक फिल्म को रेपअप करवाया उसके कुछ दिन यानी करीबन 9 दिन 10 दिन के बाद फिल्म की पोस्ट प्रोडक्शन में काम स्टार्ट हुआ था जहाँ पे फिल्म की एडिटिंग ऑलरेडी शूटिंग के वक्त ही स्टार्ट करवा दी थी जिस वजह से जो पोस्ट प्रोडक्शन में टाइम है वो कम लगे और उसके बाद में उन्होंने इस फिल्म के वी के ऊपर भी काम किया हुआ था जहाँ पे करीबन तेईस सौ और इफ़ेक्ट्स इसमें यूज़ किए हुए तो काफ़ी सारे थे सी भी कुछ यूज किए गए थे तो टोटल ये सभी चीज़ें उसको हैंडल की गई थी और उसके बाद में इस फिल्म को पूरी तरह से तैयार किया गया डी एजिंग के प्रोसेस में भी इस फिल्म को डाला हुआ था क्योंकि इस फिल्म में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स है जिसकी डी एजिंग भी की हुई थी तो ये सभी चीज़ें जो इस फिल्म के सीक्वेंस के लिए यूज़ की गई थी और उसको म्यूज़िक के साथ बाद में मर्ज भी किया गया था म्यूज़िक के ऊपर बातचीत करें तो आ, इसको 28 जून 2022 से 10 फरवरी 2023 तक रिकॉर्ड किया था 29 जून 2023 तक सभी ट्रैक को रिलीज़ किया था जिसके लेबल थे वोल्ट डिज्नी जिन्होंने अपने पास ही राइट्स रखे थे एक घंटे सात मिनट छः सेकंड का एक टोटल अट्ठारह ट्रैक का एक साउंड ट्रैक था जहाँ पर ये सभी ट्रैक को फिल्म में बैकग्राउंड स्कोर की तरह यूज़ किया हुआ था अभी फिलहाल में उनके द्वारा अवेलेबल किया हुआ है तो उसको वीडियो फॉर्मेट में आप सुन सकते हो इस फिल्म की कहानी के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म की कहानी नाइनटीन में वर्ल्ड वॉर टू जो हुआ था उसके समय सेट की हुई जहाँ पे हेनरी जॉन्स जूनियर ए के इंडियना जॉन्स जिसका रोल प्ले करे हेरिसन फोर्ड जो नाजिश के द्वारा कैप्चर हुए जहाँ पे जॉन्स इस सर्च के एक किसी की सर्च के फिराक में जहाँ पे लॉन्गिनस लेंस ऑफ लॉगिनस की सर्च के फिराक में एक्सीडेंटली उसको एंटीकैथ्रा मिल जाते जो डायलॉप डेस्टिनी के नाम से भी जाने जाते स्टोरी बाद में 1969 में मूव करती है जहाँ पे जर्गन वॉलर जो रोल प्ले करे मेट्स मिकलेरसन जो फॉर्मर नाजी थे और एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट हायर करते थे किए थे नासा में तो एंटी का चाहते हैं अपना पास चेंज करना हेलेना सो जिसका रोल प्ले कर रहे हैं फॉय वॉलर ब्रिज जोन्स की जॉन्स डॉटर है और जो कि डायलॉग डेस्टिनी का एक पार्ट स्नेच करके भागे हुए लेटर वो बाद में उस को ज्वाइन कर लेते हैं वो फिल्म के फा सेकेंड पार्ट में सभी चीज़ें दिखाई जाती है जर्गन वॉलर जो इन सभी चीज़ों के बाद वो स्नेच के पार्ट को ढूंढने के लिए लगा हुआ है अब आगे क्या होगा क्या वो स्नेच के पार्ट ढूंढ पाएंगे क्या हेलेना हेनरी जोन्स से वो अदर पार्ट ढूंढ पाएंगे उसके बाद में जर्गन वोलर का क्या आगे होने वाला है मूवी ये सभी सवाल की जवाब अनफोल्ड करती है तो वही फ़िल्म की कहानी को पूरी तरह से डेवलप करता है जहाँ पे इस फिल्म की जो कहानी है जो इस फिल्म का जो हो जो कॉन्सेप्ट है जो फिल्म की सीरीज है उससे लोगों को काफी ज्यादा ज्यादा उम्मीदें थी इंडियना जोन्स डायलॉग डेस्टिनी फिल्म से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी क्योंकि ये सी मूवी सीरीज की लास्ट मूवी है जहाँ पे हेरिसन फॉर्ड इस फिल्म फॉर प्ले इंडियना जोन्स का रोल प्ले करे आखिरी बार जहाँ पे जेम्स मैन डायरेक्ट करने वाले स्टीवन स्पीकबर्ग की जगह तो अस्सी साल के हरिसन फोर्ड जो आइकॉनिक रोल इंडियाना जोन्स के लिए जाने जाते जहाँ पे वो फिर से अपने एक्शन स्टाइल में आए हुए एज इजल वो जिस तरह से अपना रोल प्ले कर रहे थे वो देखने में काफ़ी डिलाइटफुल फुट नज़र आता है उनको फिर से एक्शन में देखने में आपको मजा आएगा फिल्म के शुरुआत के बीस मिनट जिस तरह से यंगर इंडियाना जोन्स जो दिखाया हुआ है उस फिल्म के बेस्ट पार्ट है जो उनके फैन है एक्टर के या फिल्म के उनके लिए बेस्ट पार्ट हो सकता है क्योंकि वो सभी चीज़ें बढ़िया तरीके से कंपोज की हुई थी फॉय वॉलर ब्रिज जो इस फिल्म में हेलेना सो का रोल प्ले करे जो ब्यूटी विद ब्रेन वाला किरदार था जहाँ पे वो परफेक्ट वे में अपने रोल के साथ परफॉर्म करते हुए नज़र आती है उनको देखने में आपको मज़ा आएगा प्रोटोकॉनिस के साथ जो एक्शन सिक्वेंस वो करते हुए नज़र आते हैं वो सभी चीज़ें देखने में काफ़ी बढ़िया थी इसके अलावा पंद्रह से कुछ और जो लेंथ वाले चेजिंग सीक्वेंस थे पंद्रह से बीस मिनट से ज़्यादा के लेंथ वाले जो चेजिंग सीक्वेंस थे वो अच्छी तरह से विजुलाइज किए गए थे जो ऑडियंस को पूरी तरह से एज एजॉप सीट वाला मोमेंट क्रिएट करके देते हैं कैमरा वर्क बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के लिए काफ़ी बढ़िया तरीके से इम्प्रेसिव था कुछ ये चेजिंग वाले सीन्स थे वहाँ पर खास करके काफ़ी बढ़िया नज़र आता है इस फिल्म को जिस तरह से बयालीस सालों की एक फ्रेंचाइज है और लोगों को उससे उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा थी उसकी एंडिंग जिस तरह से एक्सपेक्ट करते वैसी नहीं होती बेटर हो सकती थी इसके अलावा जो इस फिल्म के लीड एक्टर है उसको बेटर वे में फेयरवेल मिलना चाहिए था अनफॉर्चुनेटली इंडिया ना जो द डायर ऑफ डेस्टिनी पूरी तरह से ऑडियंस को एंगेज करने में फेल रहती है राइटिंग काफ़ी प्रोअर थी खास करके सेकंड हाफ में वीक नजर आती है राइटिंग फर्स्ट हाफ में काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग और थ्रिलिंग सीन्स डाले हुए थे जो फिल्म को काफ़ी आ, बढ़िया बनाते है। सेकंड हाफ वहाँ पे चीज़ें पूरी तरह से फेल हो जाती है इमोशनल बॉन्ड जो क्रिएट किया हुआ है उसको थोड़ा और बेहतर मैनर में किया जा सकता है हेनरी जोस और हेलेना सो के बीच में इसके अलावा इस फिल्म को जिस तरह से बनाया हुआ है जिस तरह से चीज़ें डेवलप की हुई है उसमें कुछ कन्विंसिंग मैनर में दिखाने की कोशिश करते तो और बेहतर रहता चीज़ें थोड़ी और क्रिस्पी हो सकती थी डायरेक्टर जेम्स मैन उसने कुछ खास तरीके से इस फिल्म को बना नहीं पाए जहाँ पे जिस तरह से उन्होंने कहानी के साथ इस फिल्म को डेवलप किया है। वो फर्स्ट हाफ तक डिसेंट था लेकिन सेकंड हाफ में पूरी तरह से फेल होता है सिनेमेटोग्राफर म्यूजिक कंपोजर ने अपना काम बखूबी निभाया हुआ है इसके अलावा एडिटर ने इस फिल्म को जिस तरह से बनाया उन्होंने अननेसेसरी सीन सिक्स सेकंड हाफ में काफ़ी सारे डाले हुए उसको चॉप अप किया जा सकता था तो ओवरऑल सिनेमाटोग्राफी म्यूजिक डिपार्टमेंट फिल्म को काफी हद है तक हैंडल करता हुआ नज़र आता है सेकंड हाफ है वो लेंथी रन टाइम की वजह से ऑडियंस का जो मजा है वो किरकिरा करती है स्क्रीन प्ले भी उतना कुछ खास नहीं था खींचा हुआ नज़र आता है कुल मिला के इंडिया ने जो द डायलॉग डेस्टिनी एक्शन एडवेंचर जो फिल्म है वो जो एक्सपेक्टेशन हम करते हैं उसके ऊपर खरी नहीं उतरती है, फोर्ड फाइव बॉलर ब्रिज के द्वारा एक अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर हुई है कहीं कुछ बढ़िया एक्शन सीक्वेंस भी देखने को मिलते हैं लेकिन फिल्म का सेकंड हाफ पूरी तरह से ख़राब निकलता है जिसके चलते हम फिल्म के साथ उतने एंटरटेन नहीं हो पाते जो हार्डकॉर इंडियाना जोस के फ़ैन हैं उनकी फ्रेंचाइज के फैन हैं वो इसको डेफिनेटली देख सकते हैं अदरवाइज दूसरे जो ऑडियंस है उसका कुछ खास कह नहीं सकते कि उनको ये फिल्म किस तरह से कैसे पसंद आएगी या नहीं अगर इस फिल्म को देखना चाहते हो तो इंडिया ना आ, एंड दा ने फिल्म को तो इस फिल्म को पहले तो थिएटर में रिलीज करने से पहले 18 मई 2023 को कैनस फिल्म फेस्टिवल में रिलीज किया हुआ था और बाद में 30 जून 2023 को यूएस कनाडा इंडिया चाइना पाकिस्तान जैसे लोकेशंस में इस फिल्म को थिएट्रिकली रिलीज किया हुआ था फिल्म को रिलीज किया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पॉन्स मिला और इसी के साथ इस फिल्म ने आई के ऊपर एक लाख अड़तालीस हजार वोट हासिल किए जिसमें छः पॉइंट छः की रेटिंग हासिल हुई दस में से जहां पे बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म से जो उम्मीद लगाई थी ठीक उसी तरह इस फिल्म ने ओपनिंग तो ली हुई थी लेकिन लेटर ऑन जिस तरह से इस फिल्म ने अपना जो वर्ड ऑफ माउथ है उतना फेवरेबल नहीं रहा जिसके चलते फिल्म उसके बाद उतना कुछ लंबा रन ली नहीं और डे बाई डे गिरती रही जहाँ पे यूएस कैनेडा से इस फिल्म ने अपने इस फिल्म के लिए करीबन छियालीस सौ थिएटर अब ओपनिंग वीकेंड के लिए बुक किए थे जिसके चलते एक अच्छी रिलीज़ फिल्म को मिली थी जो इस फिल्म की एक्सपेक्टेशन थी वो काफ़ी बड़ी थी लेकिन पहले एक दो दिन के जो सो रिस्पॉन्स था वो अच्छा था उसके बाद वाड ऑफ माउथ के चलते जो वीकेंड है वो डाउन रहा जहाँ पे इस फिल्म ने जो उम्मीद थी उतना कुछ खास कलेक्शन किया नहीं पहले दिन चौबीस यूस मिलियन डॉलर का कलेक्शन था थर्ड थर्ड्यू प्रीव्यू से इस फिल्म ने सात पॉइंट दो यूस मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया वीकेंड का कलेक्शन था इस फिल्म का जिस तरह डेब्यू किया था वो करीबन साठ पॉइंट चालीस उलियन डॉलर के साथ डेब्यू किया हुआ था इस फ्रेंचाइज़ का वैसे देखा जाए तो सेकंड बेस्ट टोटल है अगर जो इन्फ्लेशन है जो एडजस्टमेंट है आ, आ, उस हिसाब से इसके अलावा इस फिल्म को जिस तरह से बनाया गया जिस तरह से खर्चा किया गया था उसके बाद में फिल्म उतना कुछ खास कर ही नहीं बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म को मेन लोकेशंस अमेरिका कनाडा के अलावा 52 अदर कंट्रीज में भी रिलीज किया था जहाँ पे 69.6 यूएस मिलियन डॉलर का ओपनिंग वीकेंड रहा था उसके बाद में इस फिल्म ने एक रन लिया था डिसेंट रन लिया था जहाँ पे तीन यूएस मिलियन डॉलर के बजट के सामने तीन यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन करते हुए बॉक्स ऑफिस पे फिल्म एक बिलो एवरेज साबित हुई थी जहाँ पे इस फिल्म के ओ टी टी राइट इंडिया में खरीदे हुए डिजनी प्लस होस्टार वालों ने जिन्होंने इस फिल्म के चार लैंग्वेज के राइट्स खरीदे हुए मेन इंग्लिश हिंदी तेलुगु तमिल तीन डब्ड वर्जन है फिलहाल में इंडियाना जॉन्स डायल ऑफ़ द डेस्टिनी जो फिल्म है एंड द डायल ऑफ द डेस्टिनी जो फिल्म है उसको ऑफिशियली देखना चाहते हो तो देख सकते हो एम डिजनी प्लस होस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन इंग्लिश ओरिजिनल लैंग्वेज के साथ हिंदी तेलुगु तमिल डब्ड वर्जन में एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि इंडियाना जोन्स एंड द डायल ऑफ द डेस्टिनी जो फिल्म है उसको अगर आपको ऑफिशियली फिलहाल में देखना है तो देख सकते हो डिज्नी प्लस हॉट स्टार ओ प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन इंग्लिश हिंदी तमिल तेलुगू ये टोटल चार वर्जनस में तो इस तरह से इस फिल्म को ऑफिशियली इन्जॉय कर पाओगे तो बस गाइस इंडियाना ना एंड द डायल ऑफ डेस्टिनी फिल्म के ऊपर जो भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे जो बातें थे मैंने शेयर कर दिए फिल्म को किस तरह से कैसे ऑफिशियली देख सकते हैं उसकी जानकारी दी हुई है फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्मिंग के ऊपर भी एक डिटेलिंग दे दी है तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना 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 भूलेगा थैंक यू